दोस्तों, आज का दूसरा ये मैच है जो कि खेला जाएगा पार्क्स सॉकर स्टेडियम में स्पार्कर्स ओवेंस के बीच। और इस मैच में पार्क्स सॉकर ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। जी हाँ, पार्क सॉकर सोमन ने पहले टॉस जीता है। टॉस जीत के पहले यहाँ पर बैटिंग, जी हाँ, यहाँ पर बल्लेबाजी का क्रम चुना है। तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पार्क सॉकर सोमन ने टॉस जीत के पहले यहाँ पर बैटिंग करने का फैसला किया है। पार्क सॉकर की तरफ से यहाँ पर थोड़ी ही देर में प्लेइंग 11 आ जाएंगे। पार्क सॉकर सोमन ने टॉस जीत के पहले यहाँ पर बल्लेबाजी करने का यहाँ पर चुना है। पार्क सॉकर के तरफ से सोफिया डिवाइन एंड यहाँ पर आ सकते हैं, सोफिया डिवाइन के साथ ओपन करने आ सकते हैं जो कि कप्तान है सोफिया डिवाइन, उनके साथ शायद यहाँ पर आज मौका मिला है एडगारी गए बेतमुनी। जी हाँ, बेतमुनी यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके साथ ज्वाइन होंगे। चामेरी अत्तापत्तू भी एक बेहतरीन खिलाड़ी है। पिछली मैच में अगर बात करें, यहाँ पर सोफिया डिवाइन के साथ बेतमुनी ओपन किया था, एक ज़बरदस्त स्टार्टिंग दिया था और सोफिया डिवाइन ने 101 रन बनाए थे सिडनी थंडर्स के खिलाफ। तो यहाँ पर बात करें, सोफिया डिवाइन बहुत फॉर्म में है और उनके साथ बात करते हैं यहाँ पर बेतमुनी की। तो बेतमुनी भी 17 मैच खेल चुके हैं और पिछली मैचों में इन्होंने 65-65 रनों का एक ज़बरदस्त इनिंग्स खेला था। तो भाई देखते हैं आज क्या करते हैं। और सोफिया डिवाइन के साथ ओपन करेंगे बेतमुनी और उसके बाद आने वाले खिलाड़ी है यहाँ पर मार्चिनी कैफ आ सकते हैं ओपन यहाँ पर तीसरे नंबर पे यहाँ पर मार्जिनी कैफ आ सकते हैं। जी हाँ, मार्जिनी कैफ जिन्होंने अभी तक 16 मैच खेल चुके हैं ये आ सकते हैं। आपको बता दें यहाँ पर टॉस जो है यहाँ पर जीता है पार्क सॉकर्स ओमेन और पार्क सॉकर्स ओमेन ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। तो भाई हमारे साथ जो भाई बने हुए हैं सभी को बता दें कि यहाँ पर पार्क सॉकर्स ओमेन ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। पहला मैच पार्क सॉकर्स के लिए, ये मैच काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैच है। पॉइंट टेबल की बात करें तो पार्क सॉकर्स ओमेन जो है वो पाँचवें स्थान पे है, 4 मैच खेल चुके हैं और 4 मैचों में 2 जीत और 1 हार के साथ 5 पॉइंट इनके नाम है, एक मैच एबेंडेंट हुआ था। दूसरी तरफ हम बात करते हैं एडिलेड स्ट्राइकर की, तो इनका भी 4 मैचों में 2 मैच जीत के 1 मैच हारा है और 1 एबेंडेंट हुआ था, मगर कारेन रनरेट के हिसाब से ये तीसरे नंबर पर है। तो दोनों ही टीम में 5-5 पॉइंट के साथ बना हुआ है और यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा यह मैच। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 अभी तक नहीं आया है और थोड़ी ही देर में आ जाएगा। भाई सोफिया डिवाइन पास सॉकर्स की प्लेइंग 11 आ चुका है। सोफिया डिवाइन, बेतमुनी, चमेरी, अत्तापत्तू, मलिदा, कार्मी, चेल, हैदर, ग्रेहम, लीसा ग्रिफ्थ, मार्जिनी कैफ, एलिना किंग, लिली मिल्स, पास्चेल एंड पेपारियो। पास सॉकर्स की ओमेंस जो टीम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। यहाँ पर पास सॉकर्स ओमेंस की अभी तक प्लेइंग 11 आया नहीं है भाई। मौका भाई यहाँ पर पास सॉकर्स की तरफ से सोफिया डिवाइन खेल रही है, बेतमुनी खेल रही है, चमेरी अत्तापत्तू ये तीसरे नंबर पे आने वाले हैं। चमेरी अत्तापत्तू के बाद मार्जिनी कैप आ सकते हैं चौथे नंबर पे और पीपारियो को भी मौका मिला है। मलिंदा, कार्मिचेल को भी इस प्लेइंग 11 में मौका मिला है। हैदर ग्रेहम भी खेल रही है आज मैच में। मार्जिनी कैफ, एलिना किंग, लिली मिल्स एंड पास्चेल, उसके साथ पीपारियो भी प्लेइंग 11 में शामिल है। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, यहाँ पर पास सॉकर्स की प्लेइंग 11 आ चुका है। पास सॉकर्स की तरफ से आपको प्लेइंग 11 आपको बता दें, पास सॉकर्स की तरफ से सोफिया डिवाइन खेल रही है,
सोफिया डिवाइन के साथ बेथ मुनी ओपन करते हुए नजर आएंगी। आज पांच सॉकर्स ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। सोफिया डिवाइन एंड बेथ मुनी ये दोनों आ सकते हैं ओपन करने के लिए। सलामी बल्लेबाज दोनों ही आ सकते हैं या ओपन करने के लिए। साथ में तीसरे नंबर पे चमेली अत्तापत्तू आ सकते हैं। चमेली अत्तापत्तू एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है और श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आ सकते हैं मार्चिनी कैप, जिनको आज प्लेइंग 11 में मौका मिला है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सोफिया डिवाइन, बेथ मुनी, चमेली अत्तापत्तू, मालिंदा कार्मिचेल, हेदर ग्रेहम, लीजा ग्रिफ, मार्चिनी कैफ, एलिना किंग, लिली मिल्स, टी पास्चेल एंड पिपारियो, ये है प्लेइंग 11 पास सॉकर्स की प्लेइंग 11। सोफिया डिवाइन, बेथ मुनी, चमेली अत्तापत्तू, कार्मिचेल, हेदर ग्रेहम, लीजा ग्रिफ, मार्चिनी कैफ, एलिना किंग, लिली मिल्स, टी पास्चेल एंड पिपारियो। दूसरी तरफ हम बात करते हैं एडिलेट स्ट्राइकर्स की। जी हाँ, एडिलेट स्ट्राइकर्स की तरफ से प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो आप यहाँ पर एडिलेट स्ट्राइकर की प्लेइंग 11 देख सकती है। डेन वैन नाइकार्क, कैटी मैक, लूरा ओल वार्ट, तालिया मैकगार्थ जो कि कप्तान है इस टीम के, पीटरसन, बर्जेट पीटरसन, ये एक कमाल की बैट्समैन है, 18 मैच अब तक खेल चुकी है सिडनी थंडर्स के खिलाफ। इनका जो है 11 रन है और अभी तक 5 इनिंग्स में उतने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, पांच इनिंग्स का पिछले 10 इनिंग्स में इनके बल्ले से कोई रन नहीं आए हैं। बात करते हैं एडिलेट स्ट्राइकर्स की और एक बैट्समैन बॉलर मल्दिनी पीना की अगर बात करें तो पिछली जो 5 मैचेस हैं, पिछले 5 मैचों में इन्होंने सिर्फ 3 विकेट निकाले हैं। पिछले 5 मैचों में इनकी जो बॉलिंग है, इनसे एडिलेट स्ट्राइकर्स को सिर्फ 3 विकेट मिले हैं। विलिंगटन जी एक बेहतरीन गेंदबाज है और आज आपको बॉलिंग करते हुए नज़र आएगी। दूसरी तरफ बात करते हैं टी मैक पार्लिन, ये भी विकेट कीपर बैट्समैन है और एक अच्छा स्टार्ट दे सकती है। सारा कोटे मतलब लीडिंग विकेट टेकर में सबसे दूसरे नंबर पे है यहाँ पर सारा कोटे। मैगन स्कॉट ये भी बहुत ही तेज गेंदबाजी करते हैं। मैगन स्कॉट की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया वुमेन के लिए ये खेलती हैं और काफ़ी अच्छे बेहतर परफॉर्मेंस है। लास्ट 5 मैचों में इन्होंने 10 विकेट निकाले हैं, 5 मैचों में 10 विकेट निकाल चुकी हैं ये। तो यहाँ पर मैगन स्कॉट की बात करते हैं तो ज़बरदस्त खिलाड़ी है और आपको ये एक फ़ायदा दे सकता है। आज मैच काफ़ी रोचक हो जाएगा। एडिलेड स्ट्राइकर्स टॉस यहाँ पर हार चुका है। पार्थ सॉकर्स ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। डर्सी ब्राउन को आज मौका मिला है। भाई डर्सी ब्राउन एक अच्छे बॉलर है और आपको जो पावर प्ले में विकेट निकाल के दे सकते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स को। पावर प्ले के दौरान ये बॉलिंग डालते हैं और तेज गेंदबाज है और काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। पांच सॉकर्स ने आज टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और यहाँ पर पांच सॉकर्स की तरफ से ओपन करेंगी सोफिया डिवाइन एंड बेथ मुनी। तो भाई हमारे साथ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थोड़ी ही देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा 11:00। सोफिया डिवाइन की अगर बात करें तो काफ़ी कमाल की यहां पर बल्लेबाजी हम सोफिया डिवाइन से उम्मीद कर सकते हैं। राइट हैंडेड बैट्समैन है, यहां पर राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग भी डालते हैं। इन्होंने 3 मैचों में अब तक 2 विकेट निकाल चुके हैं और कमाल का पारी खेला है। आखिरी मैच जो सिडनी थंडर्स के खिलाफ खेला था, उस मैच में 111 रनों का पारी खेला था। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच जो सीरीज हुए थे, उस मैच में भी इन्होंने 150 रनों का पारी खेला था। 3 मैचों का सीरीज था, 3 मैचों में इन्होंने 87 रन बनाए 3 मैचों में और एक मैच में 50 रनों का एक इनिंग्स था। तो आज हम यहाँ पर सोफिया डिवाइन और बेथ मुनी की बात करते हैं, दोनों से एक अच्छे पारी की उम्मीद हम कर सकते हैं। बेथ मुनी की बात करते हैं
जो कि सोफिया डिवाइन के साथ ओपन करते हुए नजर आएगी। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है बेतमुनी, पिछली मैचों में 65 रनों का इनिंग्स खेला था सिडनी थंडर्स के खिलाफ, और सिडनी यहां पर ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ 40 रनों का एक इनिंग्स है। दो इनिंग्स में यहां पर तीन मैचों में इन्होंने 95 रन बना चुका है। 120 का लास्ट मैचों में इन्होंने 120 का स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया था, तो अच्छे फॉर्म में है और यहाँ पर हमें एक अच्छा शुरुआत दे सकते हैं चमेरी अत्तापत्तू। जी हाँ, चमेरी अत्तापत्तू की अगर बात करें जो तीसरे नंबर पे आएंगे पास सॉकर्स के लिए, तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चमेरी अत्तापत्तू श्रीलंकियन क्रिकेटर है और यहाँ पर एक अच्छी फॉर्म में नजर आएंगी, थोड़ी ही देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा भाई। और आपको बता दें पास सॉकर्स ओमेन ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। इस ग्राउंड में देखना होगा कि पिछला मैच जो है मेलबॉर्न स्टार और सिडनी मेलबॉर्न रेनेगेड्स के बीच, मेलबॉर्न रेनेगेड्स ने 12 रनों से जीत हासिल किया है, तो इसको देखते हुए पास सॉकर्स ने पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। तो भाई हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कार्मिचेल एक बॉलर है और हेदर ग्रेहम एक ऑलराउंडर है, और आपको एक बेहतरीन स्टार्ट अगर मिल जाता है पास सॉकर्स को तो यहाँ पर अच्छा खासा रहेगा। मार्जिनी कैप जो कि एक यहाँ पर साउथ अफ्रीका वुमेंस के लिए खेलते हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉल डालते हैं, बैटिंग में उतने कामयाब नहीं नजर आई मगर लास्ट 5 मैचों में इनके नाम 6 विकेट है, तो एक अच्छी ऑलराउंडर है। और मार्जिनी कैप से आज यहाँ पर अच्छी पारी की उम्मीद होगी सोफिया डिवाइन को, अगर सलामी बल्लेबाज यहाँ पर अच्छी शुरुआत देने में कामयाब होते हैं तो मार्जिनी कैप बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिनिशर है। भाई हमारे साथ लाइक जरूर कीजिए और थोड़ी ही देर में 5 मिनट का वक्त बाकी है मैच को स्टार्ट होने में, काफी रोचक हो जाएगा यह मैच। जी हाँ, काफी रोचक हो जाएगा यह मैच। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पास सॉकर्स के लिए यहाँ पर लिली मिल्स ने पिछली मैच में 1 विकेट निकाले हैं। लिली मिल्स की अगर बात करें तो लिली मिल्स जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी गेंदबाज है एडिलेड स्ट्राइकर की। दूसरी तरफ हम एडिलेड स्ट्राइकर्स की बात करते हैं तो एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ से डार्सी ब्राउन जो है ये आप विकेट टेकिंग बॉलर है और हर एक मैच में विकेट निकाल के दिया है एडिलेड स्ट्राइकर को। 4 मैचों में इनके नाम कुल 9 विकेट है, 4 मैचों में डार्सी ब्राउन के नाम 9 विकेट है, तो कमाल के गेंदबाज है और यहाँ पर आपको अच्छी विकेट निकाल के दे सकते हैं। दूसरी तरफ पर टालिया मैकग्रा जो कि टीम का कप्तान है उनकी बात करते हैं तो टालिया मैकग्राथ ने यहाँ पर सिडनी थंडर्स के खिलाफ सिर्फ 3 विकेट निकाले थे मगर अच्छी खासी इनके बैटिंग किया था रेनेगेड्स के खिलाफ, और इस मैच में भी पिछले 2 मैच में एक मैच में उनको पिछली मैच जो है यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ खेले थी उस मैच में इनका जो है 0 रन पे आउट हुआ था, तो आज उम्मीद है कि इनके बल्ले से भी एक अच्छा खासा स्कोर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो भाई हमारे साथ लाइक जरूर करेगा और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर पास सॉकर्स ओमेंस जो है टॉस जीत के पहले यहाँ पर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, थोड़ी ही देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा भाई पास सॉकर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच। ये 23वां मैच है जो कि खेला जाएगा और थोड़ी ही देर में मैच स्टार्ट होने के लिए तैयार है। बहुत महत्वपूर्ण टॉस पास सॉकर्स ने जीता है और जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है
और पांच सॉकर्स की तरफ से ओपन करते हुए हमें नज़र आएंगी यहाँ पर सोफिया डिवाइन एंड बेथ मुनी। सोफिया डिवाइन पिछले मैचों में जबरदस्त स्टार्टिंग मिला था पांच सॉकर्स को, दोनों सलामी बल्लेबाजों ने काफ़ी कमाल का पारी खेला था और आज भी यहाँ पर पांच सॉकर्स उम्मीद है कि यहाँ पर सोफिया डिवाइन और बेथ मुनी एक अच्छी शुरुआत दे सकेंगी। एडिलेड स्ट्राइकर्स पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पे बना हुआ है करंट रन रेट के हिसाब से, और बात करते हैं यहाँ पर नेट रन रेट के हिसाब से एडिलेड स्ट्राइकर और पांच सॉकर्स के दोनों ही पांच पांच पॉइंट है, मगर यहाँ पर बात करते हैं अगर एडिलेड स्ट्राइकर्स की यहाँ पर नेट रन रेट काफ़ी स्ट्रांग है। तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैच स्टार्ट होने जा रहा है, प्लेयर्स मैदान पे आ रहे हैं भाई, प्लेयर्स जो है यहाँ पर मैदान पे आ रहे हैं। प्लेयर्स मैदान पे आ चुके हैं और यहाँ पर आने के लिए तैयार है। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिएगा। प्लेयर्स मैदान पे आ रहे हैं और पांच सॉकर्स ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। दोनों सलामी बल्लेबाज यहाँ पर मौजूद है, बेथ मुनी एंड सोफिया डिवाइन। तो भाई आज यहाँ पर पांच सॉकर्स कितने रन बनाएगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। गेंदबाजी का जो जिम्मा है वहाँ पर आपको बता दे तालिया मैकडार्ट ने किसके हाथ में दिया है, देखना होगा भाई। दोनों बैट्समैन बेथ मुनी एंड सोफिया डिवाइन, बेथ मुनी बाएं हाथ के खिलाड़ी है और सोफिया डिवाइन जो है दाहिने हाथ से खेलते हैं। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन उतारा। तो भाई बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस ओवर की पहली गेंद आने वाला है, पहली गेंद यहां पर सामना करेंगे बेथ मुनी जो कि बाएं हाथ के दाहिने हाथ सोफिया डिवाइन सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ, पैड की तरफ बॉल किया था, पैड में लगा बॉल चला गया फाइन लेग की तरफ, सिंगल मिल गया इस पहली गेंद पे। सोफिया डिवाइन लेग बाय का सारा अंपायर का, और इसी लेग बाय के साथ स्कोर बोर्ड जरूर स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, पहला गेंद हो चुका है, पहली गेंद पे एक ही रन आए हैं। सोफिया डिवाइन है इस बार स्ट्राइक पे, मेगना स्कॉट बॉलिंग करता हुआ। मेगना स्कॉट दाहिने हाथ की बॉलर है और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉल डालते हुए इस बार बेथ मुनी है स्ट्राइक पे, बाएं हाथ को खिलाड़ी को राउंड द विकेट बॉल डालता हुआ स्कॉट। इस ओवर की दूसरी गेंद, जी हाँ इस ओवर की दूसरी गेंद, मेगना स्कॉट बॉलिंग करता हुआ बेथ मुनी को। क्या लगता है भाई आज यहाँ पर पांच सॉकर्स की पिछली मैच जैसा स्टार्टिंग दे पाएगा? और इस बार पटकी हुई गेंद थी, स्लोअर बॉल था, बैट का किनारा लेकर विकेट के ऊपर से बॉल चला गया सीधा विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। बात करते हैं बेथ मुनी और सोफिया डिवाइन, अगर यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेते हैं तो एक अच्छा स्टार्टिंग दे सकते हैं। पावर प्ले में कितने रन बनेंगे यहाँ पर, मुझे लगता है कि पावर प्ले के दौरान कम से कम 40 रन तो बनने चाहिए। इस बार ऑफ स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, अच्छा फुल लेंथ बॉल था, बॉल को ड्राइव कर दिया इस बार मिड ऑफ के पास, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। तो भाई लगातार यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी चलते हुए मेगना स्कॉटा का। अगली गेंद का सामना करेंगे बेथ मुनी जो कि बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं और पिछले मैच में 65 जैसे रन बनाने के बाद
यहां पर कॉन्फिडेंस हाई बना हुआ है। बैट का किनारा लेके पॉइंट की तरफ गया है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो लगातार यहां पर अच्छी गेंदबाजी मेघना स्काटा का। भाई लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चार गेंदों पे एक ही रन बने हैं। मेघना स्काटा इस ओवर की पांचवी गेंद, राइट आर्म राउंड द विकेट बॉल करता हुआ, इस बार थोड़ी सी स्टेप आउट करके बॉल को गैप में खेल देने की कोशिश, मगर चार चार फील्डर लगाए गए हैं ऑफ साइड में, तो इसके लिए गैप निकालना मुश्किल, मगर एक रन जरूर मिला है यहाँ पर बेथ मुनी को। और इसी एक रनों के साथ स्कोर जो है 5 सॉकर्स का 1 रन बन चुका है। 2 रन बने हैं भाई यहाँ पर, 2 रन बने हैं, 5 गेंदों पे 2 रन बन चुके हैं। तो फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की आखिरी गेंद, इस बार सामना करेंगे सोफिया डिवाइन। हल्की सी गुड लेंथ की बॉल थी, उछाल के साथ अच्छी उछाल मिलता हुआ इस पिच पे, तो कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। पहला ओवर खत्म हो चुका है, पहला ओवर के बाद यहाँ पर 2 रन बने हैं विदाउट एनी लॉस। तो भाई हमारे साथ जो भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर दबाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये काफी अच्छा मैच होने वाला है। पहला ओवर खत्म होने के बाद पहली ओवर में सिर्फ 2 रन आए हैं, तो स्लो स्टार्ट, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम निकालने का जरूरत है। अगर यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज जो है सलामी बल्लेबाज अच्छा खासा टाइम निकालते हैं तो 6 ओवर में कम से कम 40 रन हमें देखने के लिए मिल सकता है। फिर से एक बार राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर को लाया गया है, कौन है देखना होगा भाई। हमारे साथ जो भाई हैं यहाँ पर बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर दबाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेथ मुनी जो कि बाएं हाथ के खिलाड़ी है वो है यहाँ पर स्ट्राइक पे। ये ओवर काफी अच्छा, पिछला ओवर जो है पहला ओवर काफी अच्छा रहा, ये दूसरा ओवर है इस मैच का। तो भाई हमारे साथ जो भी पुराने भाई जुड़ चुके हैं थैंक यू सो मच भाई जुड़े रहने के लिए और लाइक जरूर कीजिएगा। फिर से बॉलिंग करता हुआ राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ, इस ओवर की पहली गेंद और राउंड द विकेट बॉल डालता हुआ, इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल था, हल्के से बॉल को फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग की तरफ। पहली गेंद इस ओवर का और पहला यहाँ पर रन लेते हुए सिंगल, स्ट्राइक को रोटेट किया है बेथ मुनी ने। तो बेहतरीन मैच चलता हुआ, सोफिया डिवाइन जो कि पिछले डेसी ब्राउन और कमाल की गेंदबाज है डार्सी ब्राउन, लगातार मैचों में अब तक इन्होंने 9 विकेट निकाल चुके हैं 4 मैचों में। तो आज उम्मीद होगी कप्तान तालिया मैकग्रा का कि इनसे 1 विकेट निकाला जाए। डार्सी ब्राउन फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद, इस बार फ्लैटेड गेंद थी, बॉल को सीधे बल्ले से खेल दिया है, मिडिल ऑफ द बैट खेला है बॉल को कवर की दिशा में, मगर यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। तो भाई हमारे साथ जो भाई जुड़ चुके हैं सबको बोलेंगे भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर दबाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर, इस ओवर की अगली गेंद डार्सी ब्राउन जो कि 1 विकेट टेकिंग बॉलर है और बॉलिंग करते हुए, मैंने पहले ही कहा था कि पावर प्ले में ये 2 ओवर डालेंगे जरूर। इस बार सोफिया डिवाइन को इस बार ऑफ स्टैम्प पे बॉल था, रूम मिला था, कट की गई यहाँ पर पुल कर देने की कोशिश, ऑफ स्टैम्प का बॉल, 2 रन की कोशिश है और यहाँ पर 2 रन लेते हुए, और इसे 2 रनों के साथ स्कोर जो है 5 रनों तक पहुंच चुका है। 1 ओवर 3 गेंदों के बाद 5 रन बन चुके हैं भाई, 4 रन सॉरी 1 ओवर 3 गेंदों के बाद 4 रन बन चुके हैं। तो भाई बने रहिए हमारे साथ। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ डार्सी ब्राउन, सामना करेंगे इस बार सोफिया डिवाइन, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल आता हुआ, बॉल को फुल टॉस में लिया, कवर की दिशा में बॉल को खेला है, मगर चार चार पांच पांच फील्डर यहां पर ऑफ साइड में लगाए गए हैं डार्सी यहां पर सोफिया डिवाइन के लिए, तो कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। बेहतरीन स्टार्ट यहां पर कह सकते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स का, तो काफी स्ट्रांग टीम है एडिलेड स्ट्राइकर्स और 5 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में 3rd पायदान पे बना हुआ है। आज दोनों टीमों के लिए ये मैच काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर डार्सी ब्राउन फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ, हल्का सा स्लोअर बॉल था, बैट का किनारा लेके बॉल चला गया पॉइंट की तरफ, सिंगल मिल जाएगा फिर से एक बार। दोनों बल्लेबाज यहाँ पर जानते हैं सिंगल लेके यहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट करते रहेंगे, जब भी मौका मिलेगा बड़ा शॉट लेंगे, मगर धीमी शुरुआत मैं कह सकता हूँ यहाँ पर। स्कोर 140 करीब देख सकने के लिए मिल सकता है क्योंकि पिछली मैच में हम लोगों ने देखा था जो जिस तरीके से मेलबॉर्न रेनेगर्स ने 142 रन बनाए थे उसको देखते हुए लगता है कि यहाँ पर भी
एक 140-145 रनों का स्कोर बन सकता है। और यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन थ्रो डायरेक्ट विकेट पे लगा, मगर उससे पहले पहुँच चुके थे यहाँ पर बेथ मुनी, और इसी एक रनों के साथ दो ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। दो ओवर के बाद 5 सॉकर्स ओमेन का स्कोर 7 रन बने हैं। तो भाई लाइक जरूर करे और चैनल पर, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब पे जरूर कर ले भाई। बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर, और हम उम्मीद करेंगे कि भाई कमेंट जरूर करें, कमेंट करके आप जरूर बताने की कोशिश करें कि बाकी के जो 4 ओवर बाकी है, 4 ओवर में कितने रन आएंगे। तो भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें। दो ओवर के बाद 5 सॉकर्स ने 7 रन बनाए हैं। धीमी शुरुआत हुआ है, फिर से एक बार बेथ मुनी है स्ट्राइक पे। इस बार फुलर लेंथ बॉल बॉडी से दूर जाके खेलने की कोशिश, मिड ऑफ के तरफ फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। कमाल की गेंदबाजी, जी हाँ मैग्ना स्काटा फिर से एक बार बॉलिंग करते हुए, इस बार राउंड द विकेट बॉल करता हुआ बेथ मुनी को। बाएं हाथ के खिलाड़ी है बेथ मुनी, बाएं हाथ के खिलाड़ी को दाहिने हाथ से राउंड द विकेट बॉल करता हुआ एंगल क्रिएट करके ऑफ स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, बॉल को गैप में खेल दिया पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच। क्या यहाँ पर एक रन मिल जाएगा, और इसी एक रनों के साथ दो ओवर दो गेंदों के बाद स्कोर जो है 5 सॉकर्स का 6 रन बने हैं, 8 रन बने, सॉरी 8 रन बन चुके हैं। और आपको बता दें कि इस मैच का दोनों टीमों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। सोफिया डिवाइन और बेथ मुनी की अगर बात करें तो लगातार फॉर्म में है और अच्छी खासी स्टार्ट दे सकते हैं यहाँ पर 5 सॉकर्स को। ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ जो इस मैच में हम लोगों ने सुपर ओवर देखा था, उस मैच में बेथ मुनी ने 40 और सोफिया डिवाइन ने 19 रन की पारी खेला था। आखिरकार 5 सॉकर्स ओमेन ने ही सुपर ओवर में जीत हासिल किया था। बहुत ही बेहतरीन, इस बार बॉल को हल्के से नीची रही थी बॉल, बॉल को यहाँ पर स्क्वायर लेग की तरफ खेल के यहाँ पर सिंगल लिया है सोफिया डिवाइन ने। तो धीमी मगर अच्छी शुरुआत 5 सॉकर्स का। एडिलेड स्ट्राइकर्स की गेंदबाजों ने लगातार रोक के रखा है दोनों सलामी बल्लेबाज के, क्योंकि यहाँ पर आपको जानते हैं सोफिया डिवाइन किस टाइप के विस्फोटक बल्लेबाज है। बेथ मुनी इस बार विकेट छोड़ के खेलने की कोशिश पहले ही देख लिया था मैग्ना स्काटा ने, बैट्समैन को आगे निकलते हुए और शॉर्ट ऑफ लेंथ डाल दिया था बॉल को, सीधा विकेट कीपर के पास गया है बॉल, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। मैग्ना स्काटा लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बेथ मुनी की बात करें तो बेथ मुनी भी काफ़ी अच्छी बैट्समैन है और लगातार फॉर्म में है, और फॉर्म और इनका फॉर्म पिछली मैच में भी हम लोगों ने देखा था। इस बार मिडिल स्टंप का बॉल था, बॉल को हल्की बैटों से खेल दिया है स्क्वायर लेग की तरफ, सिंगल मिल जाएगा आखिरी बॉल पे। और इसी के साथ 3 ओवर के बाद स्कोर जो है वो 10 रन बने हैं यहाँ पर 5 सॉकर्स का। 5 सॉकर्स ओमेन ने आज टॉस जीत के पहले यहाँ पर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। पिछला मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ही जीता है इस ग्राउंड पे। मेलबॉर्न रेनेगेड्स और सिडनी सिक्सर के बीच जो मैच हुआ था, उस मैच में सिडनी यहाँ पर मेलबॉर्न रेनेगेड्स ने 12 रनों से जीत हासिल किया था। तो उसको देखते हुए 5 सॉकर्स ने टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने का फैसला किया है। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ डार्सी ब्राउन, राउंड द विकेट बॉल करता हुआ पैड पे लगा, लेग स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, अपील नहीं किया क्योंकि जानते हैं कि बॉल जो है लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी, पैड में लगा था जरूर, पैड में लग के पॉइंट की दिशा में गया था, रन तो नहीं मिले हैं कोई। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर डार्सी ब्राउन का। डार्सी ब्राउन अब तक 9 विकेट निकाल चुके हैं WBBL 2021 में। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ राउंड द विकेट बेथ मुनी को, इस बार लेंथ बॉल था, फुल टॉस में लिया था, थोड़ा सा स्टेप आउट करके और पहला चौका इस मैच का, पहला चौका लगा दिया है यहाँ पर, और इसी चौके के साथ पहला चौका और स्कोर भी पहुंच चुका है भाई यहाँ पर 14 रनों का। तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से एक बार हम बॉलिंग करते हुए यहाँ पर डार्सी ब्राउन और सामना करेंगे बेथ मुनी, बाएं हाथ के खिलाड़ी है और ट्रेमेंडस फॉर्म में, लगातार मैचेस में इनका फॉर्म देखते हुए देखने को मिला है। आखिरी मैच जो कि खेला गया था सिडनी थंडर्स के खिलाफ, इन्होंने 65 रन बनाए थे,
तो आज भी यहाँ पर एक जबरदस्त स्टार्टिंग मिलता हुआ बेतमुनि जो कि यहाँ पर खेल रही है सामना करेंगे डार्सी ब्राउन की गेंद पर। इस बार थोड़ा सा विकेट छोड़ के खेल दिया है बॉल को पॉइंट की तरफ, मगर यहाँ पर फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। तीन ओवर तीन गेंदे हो चुके हैं, तीन ओवर तीन गेंदे के बाद 14 रन विदाउट एनी लॉस बेतमुनि 9 रन के स्कोर पर खेल रहे हैं। डार्सी ब्राउन अभी तक इनको कोई सफलता नहीं मिला है, पावर प्ले के अंदर ये विकेट निकालने में माहिर है डार्सी ब्राउन। पहली गेंद, इस ओवर की अगली गेंद और इस बार कट कर दिया है बॉल को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, मगर फील्डर मौजूद है, तैनात है, यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हो। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर डार्सी ब्राउन का, लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए डार्सी ब्राउन, और बेतमुनि गैप निकालने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, अच्छी क्रिकेटिंग शॉट खेलने की कोशिश। फिर से एक बार डार्सी ब्राउन बॉलिंग करता हुआ, बाएं हाथ के खिलाड़ी को दाएं हाथ से राउंड लेकर बॉल करता हुआ, इस बार ऑफ स्टंप पे पिच हुई गेंद, अच्छी उछाल के साथ फिर से एक बार बॉल को खेल दिया है कवर की दिशा में, मगर कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। जितने ज्यादा डॉट खेलेंगे यहाँ पर उतने ज्यादा जो दबाव है वो महसूस करेंगे, मगर यहाँ पर चौथे ओवर की आखिरी गेंद है डार्सी ब्राउन का और सामना करेंगे बेतमुनि। बाएं हाथ का खिलाड़ी को दाएं हाथ से राउंड द विकेट बॉल करता हुआ, इस बार थोड़ी सी स्टेप आउट करके बॉल को खेल दिया है और यहां पर चौका, मिड ऑन का फील्डर बॉल को रोकने में नाकाम रहे और यहां पर ड्राइव जरूर लगा था बॉल को रोकने के लिए, मगर बॉल को रोक नहीं पाए और 4 रन मिल गए और इसी चौके के साथ ही स्कोर जो है 18 रनों तक पहुंच चुका है। 4 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 4 ओवर के बाद 18 रन विदाउट एनी लॉस 5 सॉकर्स का। धीरे धीरे यहां पर गियर बदलते हुए बेतमुनि एंड सोफिया डिवाइन की अगर बात करें तो सोफिया डिवाइन भी यहां पर 8-4 रनों की स्कोर पे खेल रही है और इस बार स्ट्राइक लेंगी। देखना होगा कि 2-2 ओवर डाल चुकी है मेघना स्काटा एंड डार्सी ब्राउन, अगले गेंदबाज किसको देते हैं, तालिया मैग्राथ या खुद आती है बॉलिंग डालने के लिए, तालिया मैग्राथ भी बॉलिंग डाल सकते हैं। इस बार स्काटा में यहां पर पैड पे लगा, जोरदार अपील, मगर बॉल बैट पे पैड पे लग के वहीं पे रह गया, मगर रन एक जरूर मिला है और इसी एक रनों के साथ स्कोर जो है 19 रनों तक पहुंच चुका है 4 ओवर एक गेंदों के बाद। लेग बाय का इशारा अंपायर का, सोफिया डिवाइन आज थोड़ा सा जो है खामोश है, उनका बल्ला जो है पहले ओवर से नहीं चल रहा है। इस बार बेतमुनि है स्ट्राइक पे और मेघना स्काटा बॉलिंग करता हुआ राउंड द गेट, इस बार थोड़ी सी स्टेप आउट करके बॉल को खेल दिया है गैप में, मगर मिसफील्ड हुई है वहां पर, 4 रन, कवर की तरफ से चौका लग चुका है यहां पर बेतमुनि का। अच्छी फॉर्म में है बेतमुनि और किसी भी ओर यहां पर शॉट लगा सकते हैं और इसी चौके के साथ स्कोर भी 23 रनों तक पहुंच चुका है 4 ओवर 2 गेंदों के बाद। बेहतरीन शॉट यहां पर बेतमुनि का, तार यहां पर बेहतरीन शॉट लगाते हुए बेतमुनि 17 रनों की स्कोर पे पहुंच चुकी है। फिर से एक बार सामना करेंगे मेघना स्काटा की गेंदबाजी का और इस बार राउंड विकेट बॉल किया था, मिडिल स्टंप का बॉल खेल दिया है इस बार फाइन लेग की तरफ, मगर फील्डर मौजूद है शॉट फाइन लेग में, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। मेघना स्काटा का ये तीसरा ओवर है और तालिया मैग्राथ कोशिश है कि ये साझेदारी तोड़ा जाए क्योंकि ये साझेदारी बहुत महंगी साबित हो सकते हैं। बेतमुनि सामना करेंगे, इस बार थोड़ी सी स्टेप आउट करके बॉल सीधे बल्ले से खेल दिया है, बॉलर के हाथ में कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। 4 ओवर 4 गेंदों के बाद स्कोर जो है 23 रन बन चुका है 5 सॉकर शोमैन का। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 5 सॉकर शोमैन अब यहां पर से कहा कितने रन बना पाएगा, अभी भी 2 गेंदें बाकी है इस ओवर के। बेतमुनि है स्ट्राइक पे और इस बार ऑफ स्टंप पे थोड़ी सी रूम मिला था, खेल दिया था स्कोर पॉइंट की तरफ, मगर यहां पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और इसी सिंगल के साथ स्कोर भी पहुंच चुका है 24 रनों तक। लाइक जरूर करें भाई, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट जरूर करें। सोफिया डिवाइन है स्ट्राइक पे, आखिरी गेंद का सामना करेंगे स्काटा की, मेघना स्काटा बॉलिंग करता हुआ
लगातार स्लोअर खिला रहे हैं यहाँ पर मैग्ना स्काटा। तीन ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, तीन ओवर में सिर्फ 9 रन आए हैं मैग्ना स्काटा की गेंदबाजी से। 5 ओवर हो चुके हैं, आखिरी ओवर में देखना होगा पावर प्ले की। मुझे लगा था यहाँ पर पावर प्ले में 40 रन बच जाएंगे, अब देखना होगा कि एक ओवर बाकी है और यहाँ पर पावर प्ले के दौरान जो है पार्थ सॉकर्स कितने रन बना पाता है। तो आपको क्या लगता है भाई, कितने रन बन पाएगा पावर प्ले में? एक ओवर बाकी है और इस एक ओवर में कितने रन आ सकेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई। और हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं, लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दे और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब पे ज़रूर कर ले। काफ़ी खुश मौसम है और धूप निकला हुआ है, चलाती धूप यहाँ पर निकला हुआ है। आखिरी यहाँ पर पावर प्ले की ये आखिरी ओवर है और मुझे लगता है फिर से बट डार्सी ब्राउन ने देखना होगा कि कौन आए हैं बॉलिंग डालने के लिए। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ और इस बार अच्छी गेंद, स्लोअर बॉल था, लगातार स्लोअर बॉल डाल रहे हैं दोनों छोर से। और बेत मुनी 18 रनों की 21 गेंदों पे 18 रनों की स्कोर पे खेल रही हैं और सोफिया डिवाइन काफ़ी धीमी खेल रहे हैं और 10 गेंदों पे 4 रनों की स्कोर पे। सोफिया डिवाइन जितनी भी धीमी खेले मगर जब ये गियर बदलते हैं तो ये रन जो है ये मेकअप हो जाएगा, बॉलर रन हो जाएगा। इस ओवर की दूसरी गेंद और इस बार फ्लिक कर दिया है बॉल को स्क्वायर लेग की तरफ, बेत मुनी ने सिंगल लेते हुए स्ट्राइक को रोटेट किया है और इसे एक रनों के साथ 5 ओवर 2 गेंदों के बाद 25 रन बन चुका है विदाउट एनी लॉस। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलने के बाद लाइक जरूर करें और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद, तालिया मैकग्राथ कप्तान खुद डाल रही है, बहुत गेंदबाजी कर रही है तालिया मैकग्राथ बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद। क्या लगता है भाई यहाँ पर से पांच सॉकर जो है कितने रन बना पाएगा, कॉमेंट करके हमें जरूर बताइए। मेघना यहाँ पर ने अच्छी गेंदबाजी किया है इस मैच में, सोफिया डिवाइन और तालिया मैकग्राथ धीमी शुरुआत करते हुए पांच सॉकर्स के लिए। तो भाई थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। ये इस ओवर की चौथी गेंद है, तालिया मैकग्राथ जो कि कप्तान है बॉलिंग करते हुए बेत मुनी को ओवर द विकेट बॉल करता हुआ। इस बार ऑफ स्टंप पे रूम मिला था, पॉल को खेल दिया कवर के ऊपर से मगर शॉट उतनी जबरदस्त तरीके से लगा नहीं बॉल और यहाँ पर सिर्फ 2 रन मिलेगा बेत मुनी को और इसी 2 रन के साथ स्कोर जो है 28 रनों तक पहुंच चुका है 5 ओवर 4 गेंदों के बाद। तो अभी भी यहां पर 12 रनों के और 2 गेंदें बाकी है पावर प्ले को ख़त्म होने में। इन 2 गेंदों पे एक बड़ा शॉट चाहिए होगा यहां पर पास सॉकर्स, एक अच्छी जगह पे ख़त्म करना चाहेगी पास सॉकर्स बेत मुनी और इस बार हवा में खेल दिया है बॉल को मिड ऑन के ऊपर से 4 रनों के लिए। ये चौका मैंने पहले कहा था कि एक बड़ा शॉट लगने चाहिए इस गेंद पे और एक चौका आ चुका है और इसी चौके के साथ ही स्कोर जो है 5 ओवर 5 गेंदों के बाद 32 रन बन चुका है 32 रन बन चुका है विदाउट एनी लॉस। तो भाई बेहतरीन यहां पर मैच होता हुआ। WBBL का यह 23वां मैच है जो कि पांच सॉकर्स एंड एडिलेट स्ट्राइकर्स के बीच खेला जा रहा है। आज पांच सॉकर्स ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और बेत मुनी और सोफिया डिवाइन ने शुरुआत किया है यहाँ पर। फिर से एक बार बॉल लेग स्टंप ऑफ स्टंप पे बॉल थी, लेग स्टंप पे पुल कर दिया डीप स्क्वायर लेग की तरफ, बैक टू बैक चौका लगाता हुआ आखिरी बॉल पे और यहाँ पर चौके के साथ ही स्कोर जो है यहाँ पर बन चुका है 36 रन। तो करीब यहाँ पर भाई 6 ओवर हो चुके हैं पावर प्ले के अंदर, यहाँ पर 36 रन बन चुके हैं, करीब करीब 40 के करीब रन बन चुके हैं भाई यहाँ पर पांच सॉकर्स के। धीमी शुरुआत है, तीसरे ओवर तक तो बहुत ही कम रन थे मगर बाकी के जो 3 ओवर थे इसमें आखिरी ओवर कह सकते हैं आखिरी का ओवर जो था 6ठा ओवर जो था वो काफ़ी अच्छा रहा। इस ओवर से अगर बात करें, इस ओवर से अभी तक यहाँ पर बारह रन आ चुके हैं भाई। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं भाई सभी को बोलूँगा लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी के जो 14 ओवर अभी भी बाकी है, देखना होगा पांच सॉकर्स के, दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पे बना हुआ है
और उम्मीद है यहाँ पर सोफिया डिवाइन भी अपना जो स्ट्राइक रोटेट यहाँ पर बदलती रहेंगी। और इस बार स्पिनर को लाया गया है, स्पिनर बॉलर आए हैं बॉलिंग डालने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉल आता हुआ फ्लाइटेड गेंद और यहाँ पर बॉल को हल्के बैटों से खेल दिया था यहाँ पर कवर की दिशा में, सिंगल मिलता हुआ सोफिया डिवाइन को। सोफिया डिवाइन कोई जोखिम नहीं ले रहे और लगातार सिंगल लेके ज़्यादा से ज़्यादा बॉल जो है यहाँ पर बेत मुनी को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सोफिया डिवाइन जानते हैं कि अगर यहाँ पर दोनों छोर से, एक छोर से अटैक ठीक है, दोनों छोर से कोई जोखिम नहीं लेंगे, तो अच्छी रणनीति के साथ यहाँ पर बैटिंग करता हुआ सोफिया डिवाइन एंड बेत मुनी। और इस बार बेत मुनी है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे वैन नायका की गेंद का। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं लाइक जरूर करें। फिर से एक बार नायका ग्राउंड विकेट बॉल करता हुआ बेत मुनी को, यहाँ पर फ्लाइटेड गेंद, बॉल को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, सिंगल भाई यहाँ पर फिर से एक बार सिंगल लेके स्ट्राइक को रोटेट किया है बेत मुनी ने। दोनों बल्लेबाज कोई जोखिम नहीं ले रहे हैं, जब भी मौका मिल रहा है, जब भी यहाँ पर खराब गेंद मिल रही है तभी शॉट लगा रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर आराम से दोनों ही बल्लेबाज बैटिंग करते हुए। अच्छा यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर सोफिया डिवाइन एंड बेत मुनी इन दोनों की जो साझेदारी है ये बहुत अहम है पांच सॉकर्स के लिए। ये अगर अच्छा स्टार्टिंग दे के जाएंगे तो पांच सॉकर्स यहाँ पर एक अच्छा खासा स्कोर जरूर बना लेगा। तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैन नायकार्क फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ बेत मुनी को, इस बार फ्लाइटेड गेंद, ऑफ स्टंप पे पिच हुई, बॉल को थोड़ा सा स्टेप आउट करके खेल दिया है कवर की दिशा में, मगर रन यहां पर नहीं मिलेंगे, डॉट बॉल होता हुआ। लगातार कोशिश है कि गैप निकाला जाए ऑफ साइड में, क्योंकि चार चार फील्डर लगाए गए हैं ऑफ साइड में बेत मुनी के लिए। तो काफी बेहतरीन गेंद, इस बार भी ऑफ साइड में गेंद था, बॉल को खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ और यहां पर सिंगल लेके स्ट्राइक को रोटेट किया है बेत मुनी ने। और बेत मुनी पहुंच चुके हैं 31 रनों की स्कोर पे, जी हाँ 31 रनों की स्कोर पे, ज़्यादा से ज़्यादा रन जो है यहाँ पर बेत मुनी ने ही बनाए हैं और दोनों के बीच 40 रनों की पार्टनरशिप अभी तक बन चुके हैं। सोफिया डिवाइन जो कि 7 रनों की स्कोर पे खेल रही है, इस ओवर की आखिरी गेंद और इस बार स्वीप कर दिया है सोफिया डिवाइन ने डीप स्क्वायर लेग की तरफ, 2 रन की मांग है और याद देखना होगा, जी हाँ यहाँ पर 2 रन कंप्लीट करते हुए और इसी 2 रनों के साथ स्कोर जो है 7 ओवर के बाद 42 रन बन चुका है भाई। तो भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है होता हुआ यहाँ पर कमाल की यहाँ पर मैच होता हुआ। पांच सॉकर्स ने यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत किया है बेत मुनी और सोफिया डिवाइन ने। सोफिया डिवाइन थोड़ा सा खामोश है मगर अच्छा खासा स्टार्ट यहाँ पर मिलता हुआ। सोफिया डिवाइन का जो यहाँ पर बल्लेबाजी है थोड़ा सा खामोश है, मगर इस बार इस ओवर से सिर्फ 6 रन आए हैं भाई, तो अच्छा ओवर एडिलेट स्ट्राइकर की अगर देखा जाए एडिलेट स्ट्राइकर की तरफ से। सारे फील्डर जी यहां पर जितने भी फील्डर है उनका बाउंड्री लगन लाइन पे लगा दिया गया है। यहां पर बॉल करने आए हैं तालिया मैकग्रथ, जो कि तालिया मैकग्रथ नहीं यहां पर, जी हां तालिया मैकग्रथ नहीं यहां पर बॉलिंग करने आए हैं, डार्सी ब्राउन शायद आए हैं बॉलिंग डालने के लिए। देखना होगा कि कमाल की यहाँ पर मैच चलता हुआ। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई लाइक करो और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सारा कोटे जो कि यहाँ पर एक हाईएस्ट विकेट टेकिंग में से है, सबसे ऊपर है जेसी जॉनसन और उसके बाद है सारा कोटे। तो भाई यहाँ पर सारा कोटे बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की दूसरी गेंद, सामना करेंगे सोफिया डिवाइन, मिडिल ऑफ द बॉल को खेल दिया है सीधा कवर की दिशा में, कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ, बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर सारा कोटे का। तो भाई लाइक जरूर करें और एक लाइक दूर है यहां पर 10 लाइक से, तो जल्दी से जल्दी भाई लाइक कर दे और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सोफिया डिवाइन जो कि यहां पर बल्लेबाजी करते हुए 9 रनों की स्कोर पे खेल रही है, सामना करेंगे सारा कोटे की गेंद, लेग स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, स्वीप कर दिया यहां पर, फाइन लेग में कोई फील्डर मौजूद नहीं है, 4 रन मिल जाएंगे इस बार। ये पहला चौका सोफिया डिवाइन की बल्ले से आई है, बहुत देर से कोशिश कर रहे थे बड़ी शॉट का और ये शॉट लग चुका है सोफिया डिवाइन की बल्ले से। सोफिया डिवाइन 13 रनों की स्कोर पे और 5 सॉकर्स पहुंच चुके हैं 47 रनों की स्कोर पे। तो थैंक यू सो मच भाई, लाइक जरूर करें और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर, सोफिया डिवाइन फिर से बैटिंग करने के लिए तैयारी, सोवर की अगली गेंद का
सारा कोटे जो कि यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाज है और विकेट टेकिंग गेंदबाज है, अभी तक सबसे सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है। उस बार लेग स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, बाहर बॉल, वाइड बॉल का इशारा, अंपायर ने इस बार वाइड बॉल दिया है और इसी वाइड के चलते एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ स्कोर बोर्ड पे। 7 ओवर 3 गेंदों के बाद स्कोर जो है 48 रन बन चुका है। और यहां पर सोफिया डिवाइन ने फिर से एक बार चौका लगा दिया है, बेहतरीन शॉट यहां पर सोफिया डिवाइन का। अब लगता है कि सोफिया डिवाइन भी यहां पर कीआर बदल चुकी है। इस बार मिडिल स्टंप का बॉल था, अच्छी बॉल को कट कर दिया था, गैप में खेल दिया था, पॉइंट और यहां पर बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से बॉल निकल गया है 4 रनों के लिए। अच्छी शॉट यहां पर सोफिया डिवाइन का और इसी के साथ 5 सॉकर शोमैन का 52 रन बन चुका है। सोफिया डिवाइन भी यहां पर धीरे धीरे जो है 17 रनों तक पहुंच चुका है 2 चौके की मदद से। सारा कोटे जो कि अब तक इस ओवर में 10 रन दे चुकी है और बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे सोफिया डिवाइन। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ, इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल डाली थी, शॉर्ट बॉल, छोटी गेंद, सीधे बल्ले से खेल दिया है बॉल को, कवर की दिशा में, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। और इसी के साथ 7 ओवर 5 गेंद हो चुके हैं, 52 रन, अभी तक एक विकेट नहीं निकाल पाए हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स की बॉलर ने। सारा कोटे आए हैं मगर देखना होगा कि यहाँ पर सोफिया डिवाइन फिर से एक बार लेग स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, बॉल को खेल दिया है, इस बार डीप स्क्वायर लेग की तरफ, 2 रन की मांग है और यहाँ पर 2 रन पूरे करते हुए सोफिया डिवाइन पहुँच चुकी है 19 रनों के स्कोर पर और स्कोर हो चुका है 54 रन। 8 ओवर के बाद 5 सॉकर्स का स्कोर जो है 54 रन बन चुका है विदाउट एनी लॉस। तो दोनों ने सलामी बल्लेबाजों ने जबरदस्त स्टार्टिंग दिया है 5 सॉकर्स को, थोड़ा सा गियर बदलने की जरूरत है और गियर बदलने के बाद देखना होगा कि स्कोर कहां तक जाता है। आगे आने वाले खिलाड़ी की अगर बात करें तो 5 सॉकर्स के लिए इसके बाद आ सकते हैं चमेरी अत्तापत्तू जो कि एक श्रीलंकियन क्रिकेटर है और अच्छी खेलते हैं। पिछले जो 5 मैचों में 5 मैच देखा जाए तो 5 मैचों में इन्होंने 67 रन एक हाईएस्ट बनाया है 5 मैचों में, तो अच्छा फॉर्म में है और यहाँ पर एक अच्छी स्टार्टिंग मिल चुका है 5 सॉकर्स को। अभी भी 12 ओवर बाकी है तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलूंगा भाई यहाँ पर बेहतरीन मैच होता हुआ, काफी कमाल का मैच होता हुआ। यहाँ पर बेदमुनी ने सिंगल लेके स्ट्राइक जो है यहाँ पर दिया है सोफिया डिवाइन को, अब यहां पर 2 रन ले चुके भाई यहां पर बेदमुनी, कमाल का यहां पर बैटिंग चलता हुआ बेदमुनी द्वारा। नायकार्क बॉलिंग करता हुआ फ्लाइटेड गेंद, इस बार स्टेप आउट करके फुल टॉस में लिया है बॉल को, डीप मिड विकेट की तरफ खेल दिया है, सिंगल मिल जाएगा इस बार बेदमुनी को और इसी सिंगल के साथ स्कोर भी यहां पर 57 रन बन चुका है। और यहाँ पर अगर 5 सॉकर्स को इस मैच में जीत हासिल करनी है तो कम से कम 150 से 160 रनों के बीच बनाने होंगे क्योंकि यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स के पास बल्लेबाजी में काफ़ी कमाल के बल्लेबाज मौजूद हैं। इस बार फ्लाइटेड गेंद, फुल टॉस में लिया, स्वीप कर दिया डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर एक बार फॉल को फिर से रोका है मगर यहाँ पर सिंगल मिलेगा, अच्छी थ्रो बाउंड्री लाइन से, बहुत ही बेहतरीन थ्रो और इसी थ्रो के साथ 1 रनों के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ। तो भाई हमारे साथ कौन कौन भाई जुड़े हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए और इसी तरह भाई लाइक करो और सपोर्ट करो भाई को। नायकार्क बॉलिंग करता हुआ इस बार स्टेप आउट करके बॉल को खेल दिया है यहाँ पर मिड ऑन के ऊपर से निकालने की कोशिश मगर 1 बाउंस फील्डर के पास 1 रन मिलते हुए दोनों जे बल्लेबाज जो है यहाँ पर कोई जोखिम नहीं ले रहे हैं और सिंगल निकाल रहे हैं। जब भी खराब गेंद मिल रहा है तभी यहाँ पर बड़ा शॉट लगा रहे हैं। सोफिया डिवाइन जो कि अभी तक 20 रनों की स्कोर पर खेल रही है सामना करेंगे और इस बार स्वीप करने की कोशिश, पैर पे लगा और जोरदार अपील किया है। अब देखना होगा कि यहाँ पर, जी हाँ, मुझे लगता है कि सोफिया डिवाइन को आउट देते हुए सोफिया डिवाइन जैसी बड़ी बल्लेबाज यहाँ पर आउट होता हुआ, क्लीन बोल्ड हो चुके हैं सोफिया डिवाइन। सोफिया डिवाइन स्वीप करने गई और यहां पर क्लीन बोल्ड होते हुए
क्लीन बोल्ड नहीं भाई, यहाँ पर स्टैंप आउट होते हुए स्टैंप आउट किया है यहाँ पर विकेट कीपर ने। और इस बार आने वाले खिलाड़ी है चमेली अत्तापत्तू, सोफिया डिवाइन को स्टैंप आउट किया गया है। बेहतरीन बॉलिंग, लेग साइड में थोड़ी सी बाहर बॉल था, स्वीप करने की कोशिश किया था और यहाँ पर स्टैंप आउट होता हुआ सोफिया डिवाइन 20-21 गेंदों पे 20 रनों के स्कोर पे आउट होते हुए। और बहुत खुश है यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम, क्योंकि जानते हैं बड़ी बैट्समैन यहाँ पर आउट हो चुके हैं। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलूँगा भाई लाइक ज़रूर करेगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चमेली अत्तापत्तू यहाँ पर अगला जो बैट्समैन बल्लेबाज है यहाँ पर चमेली अत्तापत्तू, अभी भी एक गेंद बाकी है इस ओवर के। नायकार्क बॉलिंग करता हुआ, चमेली अत्तापत्तू को बाएं हाथ के खिलाड़ी है चमेली अत्तापत्तू, बाएं हाथ के खिलाड़ी को दाहिने हाथ से राउंड द विकेट बॉल करता हुआ। दोनों ही बाएं हाथ के खिलाड़ी अभी मैदान पे है और इस बार हल्के से बॉल को खेल दिया है शॉर्ट थर्डमैन की तरफ, सिंगल लेके यहाँ पर अपना खाता खोला है चमेली अत्तापत्तू ने। और ओवर की समाप्ति हो चुकी है, नौ ओवर की समाप्ति पर स्कोर जो है यहाँ पर 5 सॉकर्स का 60 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पे। जिस अंदाज से यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स ने सोफिया डिवाइन को आउट किया है उसके बाद थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैच जो है काफ़ी रोचक हो जाएगा, क्योंकि अब देखना होगा चमेली अत्तापत्तू और बेतमुनी काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, बेतमुनी और चमेली अत्तापत्तू भी यहाँ पर अच्छी फॉर्म में नज़र आ रही है और दोनों से उम्मीद होगी एक अच्छी पार्टनरशिप की। और इन दोनों बैट्समैन कोशिश करेगा कि कम से कम 15 ओवर तक इस मैदान पर रहा जाए और यहाँ पर अगर बने रहेंगे तो रन बनेंगे। दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज है, अब देखना होगा यहाँ पर चमेली अत्तापत्तू आखिरी गेंद पे सिंगल लिया था तो स्ट्राइक इनके पास रह गया। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इस बार फ्लाइटेड गेंद हाँ में खेल दिया है बॉल को और पॉइंट और कवर के बीच में से बॉल निकल गया है, स्लो आउटफील्ड चलते यहाँ पर चौका नहीं मिलेगा, 2 रन तो आराम से मिलेगा चमेली अत्तापत्तू को। और इसी 2 रनों के साथ स्कोर जो है यहाँ पर 62 रन बने हैं 9 ओवर 1 गेंदों के बाद। तो भाई हमारे साथ लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद चमेली अत्तापत्तू को, वेलिंगटन आए हैं बॉलिंग डालने के लिए, अपना पहला ओवर डालेंगे और सीधी बल्ले से खेल दिया है बॉलर के पास, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। इस बार ऑफ स्टंप पे थोड़ी सी बाहर पिच हुई गेंद थी, कट कर दिया है इस बार थर्ड मैन की तरफ, 2 रन की मांग है मगर यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है 63 रन बने हैं 9 ओवर 3 गेंदों के बाद। तो धीरे धीरे स्कोर जो है यहाँ पर बदलते हुए 5 सॉकर्स के, सोफिया डिवाइन आउट हो जाने के बाद थोड़ा सा दबाव यहाँ पर महसूस करते हुए 5 सॉकर्स, नए बल्लेबाज चमेली अत्तापत्तू को थोड़ा सा टाइम लगेगा इस मैदान ग्राउंड पे अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। बेतमुनी बहुत देर से मैदान पे है और इस बार थोड़ी सी स्टेप आउट करके हवा में खेल दिया और यहाँ पर बेहतरीन कैच मिड ऑफ पे लेते हुए और यहाँ पर दूसरा विकेट भी गिरता हुआ बेतमुनी, दोनों सलामी बल्लेबाज आउट होते हुए। बेतमुनी जो कि एक बेहतरीन खेल खेल रहे थे और यहाँ पर आउट होता हुआ 36 रन बना के, दूसरा विकेट 63 पर 2 हो चुके हैं भाई 9 ओवर 4 गेंदों के बाद। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेहतरीन मैच होता हुआ, इन दोनों विकेट जाने के बाद 5 सॉकर्स के ऊपर दबाव जरूर यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। एडिलेड स्ट्राइकर्स जो कि पहले 6 ओवर तक मैच में नहीं नजर आ रहे थे, अब पूरी तरीके से सिचुएशन बदल चुका है और पूरा जो खेमा है एडिलेड स्ट्राइकर्स का वो अपना चेयर अप करते हुए, कहें कि जानते हैं बेतमुनी और सोफिया डिवाइन ये दोनों सलामी बल्लेबाज काफ़ी बेहतर है यहाँ पर 5 सॉकर्स के लिए, इन दोनों को अगर आउट किया जाए तो यहाँ पर एक अच्छी खासी फाइट दे सकते हैं। और मार्जिनी कैप नए बल्लेबाज यहाँ पर मार्जिनी कैप आए हुए हैं, 9 ओवर 4 गेंदों दोनों सलामी बल्लेबाज पेविलियन लौट चुके हैं और इस बार पैड पे लगा था जोरदार अपील मगर कोई खतरा नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। वेलिंगटन ने यहाँ पर भाई काफ़ी बेहतरीन विकेट निकाला है यहाँ पर बेतमुनी का, जो कि एक अच्छी फॉर्म में चल रही थी
और 36 रन काफी कम नहीं, ज्यादा रन बना चुकी थी। इस बार चमिरियत्ता पत्तू स्वीप कर दिया है बॉल को डीप फाइन लेग की तरफ, फील्डर मौजूद है, एक रन मिल जाएगा इस बार चमिरियत्ता पत्तू को। और इसी के साथ स्कोर भी बन चुका है 64 रन 10 ओवर के बाद, 10 ओवर खत्म हो चुके हैं, 10 ओवर के बाद 64 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो भाई अभी अभी हमारे साथ जो भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा भाई, यहाँ पर 5 सॉकर्स ओमेन ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली 10 ओवर में 5 सॉकर्स ने 64 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पे। ये देखना होगा क्योंकि सिचुएशन 10 ओवर के बाद ही बदलते हैं, ड्रिंक्स ब्रेक के बाद ही यहाँ पर सिचुएशन बदल जाते हैं। पिछला मैच में भी हम लोगों ने देखा था, मगर जीत तो जरूर मेलबोर्न रेनेगेड्स ने हासिल किया है, मगर हम लोगों ने देखा था किस तरीके से ड्रिंक्स ब्रेक के बाद जो है सिचुएशन बदल गया था। तो अब भी यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक के बाद सिचुएशन बदल सकते हैं, और पहले 10 ओवर में अगर बात करें तो 5 सॉकर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहा, 64 रन बने हैं। और आखिरी के ओवर में रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर एक अच्छा खासा मैच देखने के लिए मिल जाएगा। ड्रिंक्स ब्रेक खत्म हो चुका है और आपको बता दें यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कवर में यहाँ पर फील्डर मौजूद है चमेरी अत्तापत्तू के लिए, डीप स्क्वायर लेग मिड ऑन को 30 गज के दायरे के अंदर लगाया गया है, मिड ऑफ जो कि 30 गज के दायरे के अंदर है। तो भाई यहाँ पर काफ़ी अटैकिंग फील्डिंग सजाई है तालिया मैकग्राथ अभी हैं खुद बॉलिंग डालने के लिए। तो भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब तालिया मैकग्राथ नहीं, मुझे लगता है यहाँ पर डार्सी ब्राउन आई है बॉलिंग डालने के लिए। राइट आर्म ओवर राउंड द विकेट बॉल डालता हुआ, इस बार अच्छी गेंद, अच्छी लेंथ पे बॉल डाला था, अच्छी उछाल के साथ बॉल को यहाँ पर डिफेंड कर दिया है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ।
तो चलिए भाई बेहतरीन यहाँ पर हो सकता है मैच। जी हाँ बेहतरीन यहाँ पर मैच हो सकता है और आपको बता दें कि काफ़ी बेहतरीन यह मैच यहाँ पर चलता हुआ। दो विकेट भले ही गए हैं कि मगर 11 ओवर के बाद 70 रन कम नहीं है पास सॉकर्स के खाते में। दो विकेट के नुकसान पे यहाँ पर 70 रन बने हैं। मार्जिन कैप 1 रनों के स्कोर पे और यहाँ पर चमेरी अत्तापत्तू जो कि 10 रन बना के खेल रहे हैं, तो एक अच्छा खासा यहाँ पर स्टार्ट मिल चुका है। तो भाई हमारे साथ जो भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलूँगा भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर के अगली गेंद और यहाँ पर बॉल को खेल दिया सीधा मिड ऑफ के पास सिंगल लेते हुए। जब यहाँ पर मार्जिनी कैप पहुंच चुके हैं 2 रनों के स्कोर पे। भाई बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ यहाँ पर और बेहतरीन रन भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस ओवर की दूसरी गेंद विलिंगटन बॉलिंग करता हुआ सामना करेंगे यहाँ पर चमेरी अत्तापत्तू। बाएं हाथ के खिलाड़ी को दाहिने हाथ से राउंड द विकेट बॉल करता हुआ फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप पे फुल टॉस में बॉल लिया था खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर रीजन में और यहाँ पर सिंगली मिलेगा। फुल टॉस का फायदा नहीं उठा पाए यहाँ पर चमेरी अत्तापत्तू। खराब गेंद थी मगर फायदा नहीं उठा पाए यहाँ पर चमेरी अत्तापत्तू और इसी के साथ स्कोर भी 11 ओवर 2 गेंदों के बाद 72 रन 2 विकेट के बन चुका है। इस बार मार्जिनी कैप जो कि दाहिने हाथ के खिलाड़ी हैं उनको बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद वेलिंगटन अच्छी गेंद यॉर्कर बॉल था और बॉल को खेल दिया है बैट का केज यहाँ पर बॉल चला गया है पॉइंट की तरफ कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए वेलिंगटन और पिछली ओवर में इन्होंने तो आउट किया था बेथ मुनी को। इस बार ऑफ स्टंप पे रूम मिला था कट करने की कोशिश मगर बेहतरीन फील्डिंग 30 गज के दायरे के अंदर पॉइंट में और बॉल को रोक लिया है कोई रन नहीं मिलेगा डॉट बॉल होता हुआ। काफ़ी बेहतरीन फील्डिंग करता हुआ एडिलेड स्ट्राइकर्स के महिला क्रिकेटरों बेहतरीन यहाँ पर फील्डिंग करते हुए। तो चलिए देखते हैं भाई यहाँ पर मार्जिनी कैप जो कि दाएं हाथ के खिलाड़ी हैं और अच्छी ऑलराउंडर है आज इनकी बल्ले से रन की जरूरत है पास सॉकर्स को। इस बार फुल टॉस दिया है मिडल ऑफ द बॉल खेला है बॉल को खेल दिया है मिड ऑफ के पास कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ। ये होता है दबाव पेसर जितने ज़्यादा डॉट बॉल खेलेंगे उतना जो है दिक्कत हो जाएगा पास सॉकर्स के लिए क्योंकि डॉट बॉल जितने खेलेंगे उतना दबाव बढ़ेगा। अभी तक इस ओवर में सिर्फ 2 रन यहाँ पर 1 रन आए हैं। फिर से एक बार बॉल बैट का किनारा लेकर पॉइंट की तरफ गया है कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ। काफ़ी अच्छा ओवर रहा ये अगर देखा जाए एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए काफ़ी बेहतरीन ओवर रहा ये वेलिंगटन का। इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ 2 रन आए हैं भाई। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलूँगा भाई लाइक ज़रूर करें और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। बेहतरीन मैच होता हुआ लाइक करें भाई लाइक करें और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर 72 पे 2 हो चुके हैं 12 ओवर के बाद। अभी देखना होगा कि इस ओवर में अगली गेंदबाज कौन डालेगा बॉलिंग। अभी तक यहाँ पर कप्तान तालिया मैकग्राथ ने 6 गेंदबाज को यूज़ किया है जहाँ पर मेघना स्काटा ने 3 ओवर डार्सी ब्राउन ने 3 ओवर तालिया मैकग्राथ ने कप्तान खुद 1 ओवर डाले हैं वैन नाइकार्क ने 2 ओवर डाले हैं सारा कोटे 1 ओवर डाले हैं और विलिंगटन ने 2 ओवर डाले हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सारा कोटे बॉलिंग डालने आई है। इस ओवर की पहली गेंद सारा कोटे की राइट आर्म ओवर द यहाँ पर ओवर द विकेट बॉल करता हुआ चमेरी अत्तापत्तू को लेग साइड में बॉल पिच हुई गेंद थी पैट की तरफ मगर यहाँ पर हल्के बैटों से खेल दिया है यहाँ पर मिड ऑन की तरफ खेल दिया है शॉट को कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ। इस ओवर की पहली शुरुआत में ही डॉट खेला है तो डॉट बॉल जितने खेलेंगे उतना यहाँ पर दिक्कतें ज़्यादा होता जाएगा। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद और यहाँ पर बॉल को सीधे बल्ले से खेल दिया है पॉइंट की तरफ और यहाँ पर बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट करने की कोशिश किया था मगर आखिरकार बॉल लौटना पड़ा चमेरी अत्तापत्तू को कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ। 2 ओवर 2 गेंदे हो चुके हैं तालिया मैकग्राथ आई हैं बॉलिंग डालने के लिए लगातार अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर तालिया मैकग्राथ का बैट्समैन को मौका नहीं दे रहे बड़ा शॉट खेलने का और रन का भी यहाँ पर मौका नहीं दे रहे हैं तालिया मैकग्राथ। तो भाई बने रहिए हमारे साथ लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन गेंदबाजी होता हुआ इस बार भी लगातार अच्छी गेंदबाजी होता हुआ कैप
ओवर एक्टिंग बैटिंग, जी हाँ ओवर एक्टिंग बैटिंग। अच्छे रमेश सीबी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच रमेश जी हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ जो भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर दबाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस ओवर की पांचवी गेंद और यहां पर सीधे अच्छी यॉर्कर बॉल डाला था तालिया मैकगार्थ ने और इसी के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे 73 रन बन चुका है 2 विकेट के नुकसान पे। तो अच्छी खासी यहाँ पर बैटिंग करता हुआ मार्जिनी कैप और मार्जिनी कैप अच्छी ऑलराउंडर है और देखना होगा कि आज इनके बल्ले से जो है एक बड़ी इनिंग्स कोशिश करेंगे यहाँ पर पांच सॉकर्स के लिए। आखिरी बॉल है इस ओवर की और बॉलिंग करता हुआ तालिया मैकगार्थ और इस बार क्लीन बोल्ड मिडिल स्टंप का बॉल था, सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश मगर बॉल जो है पूरी तरीके से बीट करते हुए विकेट पे टकराई है। क्लीन बोल्ड होता हुआ मार्जिनी कैप, आज भी इनका बल्ला जो है यहाँ पर चला नहीं और इसी आउट के साथ तीसरा विकेट भी गिर चुका है 73 पे। बहुत स्लो रन रेट होता हुआ 10 ओवर के बाद, मैंने पहले ही कहा था कि 10 ओवर के बाद जो है सिचुएशन जो है बदल जाती है और पांच सॉकर्स का अच्छा स्टार्टिंग मिलने के बावजूद यहां पर 13 ओवर के बाद 73 पे 3 हो चुका है और यहां से स्कोर को आगे ले जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। चमेली अत्तापत्तो अभी भी मौजूद है मैदान पे और 12 रनों के स्कोर पे खेल रही है। अगले आने वाले अगर बैट्समैन की बात करें तो यहाँ पर अगले आने वाले बैट्समैन है क्रिमिचेल कार्मिचेल आ सकते हैं, हैदर ग्रहम आ सकते हैं। मुझे लगता है कि कार्मिचेल की जगह पे हैदर ग्रहम आ सकते हैं इस बार। तो भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें। तालिया मैकगार्थ ने यहाँ पर अपना पहला विकेट निकाल चुका है और पांच सॉकर्स के लिए यह तीसरा विकेट था और एडिलेड स्ट्राइकर्स पहले 10 ओवर में तो यहाँ पर पूरी तरीके से बिछड़ चुके थे मैच से मगर फिर से दोबारा अपना दबदबा बनाते हुए तालिया मैकगार्थ जो कि कहा यहाँ पर अपना ओवर खत्म कर चुकी है। 2 ओवर डाली है तालिया मैकगार्थ ने, तालिया मैकगार्थ ने 2 ओवर में आपको बता दें 2 ओवर में तालिया मैकगार्थ ने 13 रन देके 1 विकेट निकाला है। इस बार चमेली अत्तापत्तू और उनके साथ हैदर ग्रहम, चमेली अत्तापत्तू ने इस बार हल्की बैटों से खेल दिया है शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ सिंगल, जी हाँ यहाँ पर सिंगल लिया है, सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट करते हुए 74 रन बन चुका है 13 ओवर 1 गेंदों के बाद। तो भाई हमारे साथ जो भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल पर दबाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 13 ओवर 2 गेंद 74 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की दूसरी गेंद तीसरी गेंद करने आई है सारा कोटे, सारा कोटे की गेंद लेग स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, हल्का सा बाहर की तरफ निकली, बॉल को खेल दिया है यहाँ पर स्क्वायर लेग की तरफ, सिंगल मिल जाएगा और इसी सिंगल के साथ हैदर ग्रहम ने अपना खाता खोला है। तो लगातार अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर चलता हुआ, चमेली अत्तापत्तू जो कि स्ट्राइक लेंगे। 4 गेंदें हो चुके हैं 13 ओवर 4 गेंदों के बाद 74 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। तो हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं यहाँ पर आपको बता दें कि लाइक जरूर कीजिएगा और लाइक के साथ साथ चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर मैच चलता हुआ दोनों ही छोर से, पहला जो 10 ओवर था वो पांच सॉकर्स के नाम रहा और अगले जो 10 ओवर होने वाला है वो एडिलेड स्ट्राइकर्स के नाम रहने वाला है। पिछले 3 मैचों में तीन ओवर में एडिलेड स्ट्राइकर्स ने वापसी बहुत ही अच्छी तरीके से किया है इस मैच पे। तो बेहतरीन गेंद होता हुआ 13 ओवर 4 गेंदों के बाद और इस बार अगली गेंद हैदर यहाँ पर हैदर ग्रहम बॉल को खेल दिया है, बैट का एज लेके बॉल चला गया कवर की दिशा में, कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ 13 ओवर 5 गेंदों के बाद 76 रन 3 विकेट के नुकसान पे बन चुका है। हैदर ग्रहम दाहिने हाथ के खिलाड़ी है, उनको सारा कोटे बॉलिंग करते हुए, सारा कोटे एक अच्छी गेंदबाज है, इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल डाला था, बॉल को खेल दिया है डीप मिड विकेट का फील्डर जब तक बॉल को फील्ड करे यहाँ पर सिंगल लेते हुए और ओवर की समाप्ति यहाँ पर 14 ओवर के बाद 77 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। जिस गति से पहली 6 ओवर में रन बने थे, पहली 6-7 ओवर में रन बने थे उस गति को अब यहाँ पर ब्रेक लग चुका है और ब्रेक वो भी बहुत बढ़िया तरीके से ब्रेक लगाया है
एडिलेड स्ट्राइकर्स ने। तो भाई यहाँ पर जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को बोलूँगा भाई लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ साथ चैनल पर नहीं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर मैच होता हुआ। अगला गेंदबाज जो है यहाँ पर लगाया गया है, तेज गेंदबाज को लगाया गया है, तेज गेंदबाजी को फिर से एक बार बुलाया गया है। बॉलिंग करता हुआ सामने है हैदर ग्रहम, और इस बार उठा के खेल दिया है बॉलर के सर के ऊपर से, और यह चौका जरूर हो जाएगा। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, मगर चार रन नहीं रोक पाएंगे, और इसी चौके की जरूरत थी पार्थ सॉकर्स को, और वो आया हैदर ग्रहम की बल्ले से, और इसी चौके के साथ स्कोर जो है यहाँ पर 81 रन बन चुका है। बेहतरीन यहाँ पर बेहतरीन शॉट मिड ऑफ के ऊपर से सर के ऊपर से निकाल दिया है। तो चलिए बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, ये इसी तरीके से खेलना होगा पास सॉकर्स को। फिर से एक बार हैदर ग्रहम, लेग स्टंप पे बॉल था, बॉल को फ्लिक कर दिया है, बॉल चला गया डीप फाइन लेग की तरफ, बैक टू बैक चौका लगाता हुआ। इस ओवर की दो गेंदों पे दो दो चौके लग चुके हैं, और इसी चौके के साथ स्कोर भी 85 रनों तक पहुंच चुका है 3 विकेट के नुकसान पे। तालिया मैकग्रथ की तीसरे ओवर की शुरुआत बहुत ही खराब रही, पहली ही दो गेंदों पे दो दो चौके लगा दिया है हैदर ग्रहम। फिर से एक बार सामना करेंगी तालिया मैकग्रथ की गेंद, इस ओवर की तीसरी गेंद, क्या बल्लेबाजी किया है इस ओवर में। फिर से एक बार यॉर्कर डालने की कोशिश, सीधे बल्ले से खेल दिया है बॉल को लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर मौजूद है, सिंगल मिल जाएगा। इस ओवर में 3 गेंदों पे 9 रन आ चुके हैं, अब देखना होगा कि अगले 3 गेंदों में कितने रन आते हैं। तो भाई हमारे साथ कितने यहाँ पर भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूँगा भाई, और 6 लाइक दूर है 20 लाइक से, तो जल्दी से जल्दी भाई 6 लाइक करके यहाँ पर 20 लाइक पूरा कर दे। तालिया मैकग्रथ फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ, इस ओवर की चौथी गेंद, इस बार अत्तापत्तू यहाँ पर बॉल को सीधे बल्ले से खेल दिया है, अच्छी गैप में खेला हुआ शॉट, मगर एक्स्ट्रा कवर में फील्डर मौजूद है, 2 रन। जी हाँ, यहाँ पर 2 रन आराम से कंप्लीट करते हुए, जितनी जल्दी यहाँ पर रन समेट सकते हैं दोनों ही बल्लेबाज वही कोशिश कर रहे हैं। और जरूरत है तो हर एक ओवर में आपको 1-2 तो बड़े शॉट लेने ही होंगे, क्योंकि रन बहुत ही थोड़ा सा कम है, यहाँ पर 88 रन बन चुके हैं, और उम्मीद है कि यहाँ पर अगली गेंद, और यहाँ पर अच्छी स्लोअर बॉल था, ऑफ स्टंप पे पिच हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में गई है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। आखिरी गेंद है इस ओवर की, और 15 ओवर के बाद देखना होगा कि कितने रन बनते हैं, बाकी के 5 ओवर में हम कम से कम 30-40 रन पकड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से रन बन रहे थे उसको देखा जाए तो ये एक रन जो है 20-25 रन कम बनाया है पार्थ सॉकर्स ने। आखिरी गेंद इस ओवर की, तालिया मैकग्रथ राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ, अत्तापत्तू को इस बार बॉल के लिए वेट किया था, स्लोअर बॉल था, फाइन लेग की तरफ यहाँ पर थर्ड मैन की तरफ खेल दिया है 4 रनों के लिए, और ये भाई फिर से इस ओवर का तीसरा चौका, आखिरी बॉल पे ये चौका लगाया है, पहले 2 गेंदों पे चौका लगे थे और ये तीसरे गेंद पे चौका लगता हुआ। तो काफ़ी अच्छी बेहतरीन बैटिंग करता हुआ चमेली अत्तापत्तू 20 रनों तक पहुँच चुका है, और हैदर ग्रहम ने 11 रन बना के खेल रहे हैं। 15 ओवर के बाद पार्थ सॉकर्स ओवेंस का स्कोर 92 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़े हुए हैं सभी को बोलूँगा भाई लाइक जरूर करें, और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और आज ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग रोचक हो जाएगा। और अभी भी यहाँ पर उम्मीद है कि एक अच्छा खासा स्कोर बन सकता है, अगर यहाँ से 5 ओवर में 50 रन बनते हैं तो यहाँ पर कम से कम 140 रन तो हमें देखने के लिए मिलेगा, ऐसे तो उम्मीद है 120 से 130 रनों के बीच स्कोर देखने के लिए मिल जाएगा, 130 से तो ज़्यादा होना चाहिए। क्या लगता है भाई आपको, 130 रन बन जाएंगे या नहीं बनेंगे, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। स्पिनर आए हैं बॉलिंग डालने के लिए, और इस बार अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद थी, विद द स्पिन जाके बॉल को खेल दिया है मिड ऑन के जगह पे, मिड ऑन 30 गज के दायरे के अंदर है, और वहाँ पर बॉल रोका गया है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ राइट आर्म ओवर द विकेट, और इस बार थोड़ी सी स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश किया था, लगातार कोशिश है हैदर ग्रहम की बड़ी शॉट का, और लगातार जो है यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी।
तो कोशिश है यहाँ पर अगले ओवर में तो 100 रन बनने चाहिए भाई, बाकी के जो चार गेंदे हैं इनमें तो एक बड़ा शॉट होना चाहिए। इस बार आगे निकल के आया, ये बॉल को खेल दिया है मिड ऑफ के मिड ऑन के ऊपर से, 2 रन आराम से मिलते हुए यहाँ पर हैदर, यहाँ पर सिंगल लेते हुए भाई 2 रन जो था वहाँ पर सिंगल मिला है, और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है 93 रन 3 विकेट के नुकसान पे। वेलिंगटन काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, साथ में एडिलेड स्ट्राइकर की फील्डिंग की तारीफ करनी पड़ेगी, काफ़ी बेहतरीन फील्डिंग कर रहे हैं, और जो 1-2 रन बनने चाहिए थे वहाँ पर 1 रन बना है। अगली गेंद का सामना करेंगे चमेरी अत्तापत्तू जो कि 20 रनों की स्कोर पर खेली है। इस बार ऑफ स्टैंप पे बॉल को पुल कर देने की कोशिश, बॉल चला गया और यहाँ पर बेहतरीन कैच है मिड विकेट पे, डीप मिड विकेट का फील्डर है, बहुत ही बेहतरीन कैच लेते हुए और इसी के साथ चौथा विकेट भी गिरता हुआ 5 सॉकर्स का। चमेरी अत्तापत्तू यहाँ पर 20 रनों की स्कोर पे कैच आउट होते हुए विलिंगटन की गेंद पे। अमंदा जादेग वेलिंगटन अपना दूसरा विकेट निकाल लिया है, अब देखना होगा कि कैच कौन लिया है डीप मिड विकेट में। बहुत ही बढ़िया कैच बाउंड्री लाइन पे, बहुत ही उमदा कैच लिया है और इसी के साथ 93 पे 4 हो चुका है। अब देखना होगा कि जी हाँ, सारा कोटे ने कैच लिया है भाई। अब देखना होगा कि अगला गे यहाँ पर बल्लेबाजी करने कौन आता है। मुझे लगता है यहाँ पर ग्रिफ्त आ सकते हैं बल्लेबाजी के लिए। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए। 15 ओवर 4 गेंदों के बाद 93 रन 4 विकेट के नुकसान पे, यही होता है दबाव में गलत शॉट और आउट होते हुए। देखना होगा कि अगले गेंदबाज कौन आया है हमारे साथ, बने रहिए भाई, लाइक जरूर कीजिए। अभी भी 2 गेंदे बाकी है इस ओवर के। विलिंगटन बॉलिंग करता हुआ राइट आर्म ओवर द विकेट, हैदर ग्रेहम को बॉल को कट कर दिया है कवर की दिशा में, मगर इस बार फील्डर मौजूद है वहां पर 30 गज के दायरे के अंदर, बॉल को रोक लेंगे, कोई रन नहीं मिलेगा। एलिना किंग आई है बैटिंग करने के लिए। एलिना किंग की बात करते हैं तो बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाज है, राइट हैंडेड बैटिंग करते हैं और राइट आर्म लेग ब्रेक डालती है। तो अभी यहाँ पर हम बात करेंगे बैटिंग की, तो 16 ओवर के बाद स्कोर जो है यहाँ पर 93 रन बना है। इस ओवर में सिर्फ 1 रन आए हैं और 1 विकेट भी आया है। एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ से देखा जाए तो एक बेहतरीन ओवर रहा ये, 16वें ओवर जो है ये काफ़ी बेहतर रहा एडिलेड स्ट्राइकर के नाम, सिर्फ 1 रन आए हैं और 1 विकेट भी आया है। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एलिना किंग नए बल्लेबाज है, देखना होगा कि एलिना किंग यहाँ पर कैसे बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि ज़रूरत है यहाँ पर बड़े शॉट की, और अगर बड़े शॉट नहीं लगते तो स्कोर जो है 120-30 तक नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि 4 ओवर में कम से कम यहाँ पर 30-30 रन तो आने चाहिए। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, यहाँ पर हमारे साथ बने रहने के लिए। वह तालिया मैकग्राथ अपना ओवर कंप्लीट करने आई हैं, तालिया मैकग्राथ का ये चौथा ओवर है और फुल टॉस बॉल था, सीधे बल्ले से खेल दिया है बॉलर के हाथ में, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो देखना होगा कि तालिया मैकग्राथ क्या यहाँ पर और 1 विकेट लेके दबाव और बढ़ा सकते हैं कि नहीं। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद, सामना करेंगे एलिना किंग, तालिया मैकग्राथ आई है, यॉर्कर डाली थी बॉल को खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, 2 रन की मांग है और यहाँ पर सिंगल लेते हुए कोई जोखिम नहीं ले रहे दोनों बैट्समैन एलिना किंग एंड हैदर ग्रेहम, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक जो है हैदर ग्रेहम को देना चाहते हैं एलिना किंग। बहुत देर से मैदान पे बने हुए हैं और कोशिश है बड़ा शॉट लगाने का। सारा कोटे इस ओवर की तीसरी गेंद और सामना करेंगे हैदर ग्रेहम, राइट आर्म ओवर द विकेट और इस बार तेज आई थी बॉल, थोड़ी सी नीचे रही, बॉल को खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ, लगातार यहां पर सिंगल लेते हुए दोनों ही बल्लेबाज। कोशिश है कि अब ओवर की आखिरी तक खेला जाए ताकि यहां पर एक अच्छा खासा स्कोरबोर्ड पे हो। सारा कोटे जो कि एक अच्छी गेंदबाज है बॉलिंग करता हुआ इस बार बैकफुट में गए, बॉल को खेल दिया है कवर की दिशा में, मगर यहां पर गैप निकालने में कामयाबी नहीं, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ।
16 ओवर 4 गेंदों के बाद यहां पर 95 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पे। तो भाई यहां पर बैटिंग कर रहे हैं अलीना किंग और एक अच्छी बल्लेबाज है, देखना होगा अलीना किंग के बल्ले से एक बड़ा शॉट लगते हैं कि नहीं ये आखिर के दो गेंदों पे। और इस बार फुल टॉस बॉल लेने की कोशिश, बगल बॉल को खेल दिया है इस बार एक्स्ट्रा कवर की तरफ, दो रन, जी हाँ यहाँ पर दो रन नहीं, यहाँ पर सिंगल मिलेगा, अच्छी थ्रो। बात करनी पड़ेगी खास करके एडिलेड स्ट्राइकर्स की फील्डिंग और फील्डिंग्स की, तो काफ़ी बेहतरीन फील्डिंग देखने के लिए मिला है एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ से, और यही होता है एक अच्छी फील्डिंग अगर करते हैं तो कम से कम 10-20-25 रन तो आराम से रोक जाते हैं। इस बार हैदर ग्रहम खेल दिया है डीप फाइव, यहाँ पर चौका भाई, बहुत ही जो चौके की जरूरत था 500 ओवर्स को वो आया है हैदर ग्रहम की बैट बल्ले से और आखिरी बॉल पे आया है, और इसी के साथ 17 ओवर के बाद 100 रन पूरे हो गए 4 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही बड़ा यह चौका, बहुत देर बाद आया ये चौका, 17 ओवर के बाद स्कोर जो है 500 ओवर्स का 100 रन बन चुके हैं। अगले तीन ओवर में कम से कम 30 रन चाहिए होगा अगर यहाँ पर एक अच्छा फाइट देने होंगे, तो देखना होगा। यहाँ पर स्ट्राइक में है अलीना किंग जो कि नए बल्लेबाज है, और चमेली अत्तापत्तू आउट होने के बाद मैदान पे आए हैं। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करते रहिएगा और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। बॉलिंग करता हुआ राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल आता हुआ इस बार, ओहो स्वीप करने की कोशिश किया था, रिवर्स स्वीप करने की कोशिश किया था, मिडिल स्टंप का बॉल था, पूरी तरीके से बीट हो गए, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो लाइक जरूर करें भाई, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट हमें जरूर करें। इस ओवर की दूसरी गेंद फिर से एक बार स्पिनर बॉलिंग डाल रहे हैं और राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार बैकफुट में गए, बॉल को खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, दो रन की को मांग है यहाँ पर सिंगल लेते हुए अलीना किंग, हैदर ग्रहम को दिया है 17 ओवर 2 गेंदों के बाद 101 रन 4 विकेट के नुकसान पे बन चुका है। अब देखना होगा कि यहाँ पर हैदर ग्रहम क्या शॉट लगा सकते हैं। विलिंगटन अपना चौथा ओवर कंप्लीट करते हुए अभी तक सिर्फ 8 रन दिए हैं अपनी ओवर से और 2 विकेट निकाल चुके हैं ग्रहम, और यहाँ पर बड़ी शॉट, देखना होगा कि बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर पाता है कि नहीं, जी हाँ यहाँ पर बड़ी शॉट, और यह देखना होगा कि छक्का है या चौका, सिर्फ दो ही यहां पर 2 रन मिले भाई, कैच ड्रॉप जरूर हुआ है। अब देखना होगा कि यहां पर कितने रन बने हैं, सिर्फ 1 ही रन मिले हैं, कैच ड्रॉप हुआ है, सिर्फ 1 रन मिला है। इस बार स्वीप करने की कोशिश, पैड पर लगी जोरदार अपील मगर कोई दिक्कत नहीं आई, यहां पर बैटिंग कर रहे थे हैदर ग्रहम और कोशिश है बड़ी शॉट लगाने का। 17 ओवर 4 गेंदे हो चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, और इसी तरह भाई लाइक करो सपोर्ट करो भाई को। 17 ओवर 4 गेंदों के बाद 103 रन बने हैं, फिर से एक बार हैदर ग्रहम हार्ड हिट किया है बॉल को बॉलर के सर के ऊपर से मगर वन बाउंस फील्डर के पास पहुंचा है, 1 ही रन मिलेगा। तो लगातार कोशिश है यहाँ पर बड़ी शॉट का हैदर ग्रहम का, मगर शॉट जो है वहाँ पर विलिंगटन की काफ़ी अच्छी तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि बैट्समैन को मौका नहीं दे रहा बड़ी शॉट खेलने का। और जितनी भी अच्छी गेंदबाजी चल रही है उसको देखते हुए बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ एडिलेड स्ट्राइकर्स फिर से बॉलिंग करता हुआ, इस बार अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद और बॉल को खेल दिया कवर की दिशा में, सिंगल मिल जाएगा आखिरी बॉल पे 18 ओवर के बाद 105 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अभी भी यहाँ पर मुझे लगता है 20-25 रन कम है 500 ओवर्स को, अभी भी 2 ओवर बाकी है, अब देखना होगा कि 2 ओवर में कितने रन आते हैं। तो भाई आपको क्या लगता है इन 2 ओवर में कितने रन आने चाहिए या आएंगे, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे साथ कौन कौन भाई जुड़ चुके हैं देखना पड़ेगा एक बार, अपना अपना नाम जरूर बताइए और कॉमेंट करके जरूर बताइए कि आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, मैं वेट कर रहा हूँ आप सभी का, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो लाइक कीजिए, लाइक के बाद यहाँ पर कमेंट, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, इसी तरह भाई लाइक करो और सपोर्ट करो। मैं तो आप लोगों के साथ कलकत्ता से जुड़ा हुआ हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप कहाँ से जुड़े हैं। तालिया मैकग्रा बॉलिंग करता हुआ राइट ओवर द विकेट, फुल टॉस बॉल डाला था, हार्ड हिट करने की कोशिश, बॉल चला गया इस बार
कवर की दिशा में, मगर यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा एलिना किंग को और इसी सिंगल के साथ स्कोर भी 106 रनों तक पहुंच चुका है। गुलशन सहानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो गुलशन जी, आप हमारे साथ कहां से जुड़े हैं कमेंट करके जरूर बताइए भाई। और मैच जो है यहाँ पर बेहतरीन चलता हुआ, लेग स्टंप पे पिछली गेंद थी, पैड पे लगी, जोरदार अपील किया था तालिया मैकग्राथ ने, सारा कोटे ने, शायद देखना होगा कि कौन है, सारा कोटे ने कॉल किया था, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ लगातार दो गेंदों पे दो डॉट बॉल खेला है यहाँ पर। तो जितने ज़्यादा डॉट बॉल खेलेंगे उतने ज़्यादा यहाँ पर दबाव महसूस करेंगे, क्योंकि ये आखिर के ओवर है और आखिर के ओवर में एक बड़ा शॉट लगने चाहिए। और इस बार बॉल को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में एलिना किंग ने, और हैदर ग्रहम ने खेला है शॉट को और इसी के साथ है एक रन बढ़ता हुआ। भाई मैच बहुत इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है, लो स्कोरिंग मैच हो रहा है, क्योंकि रन अगर नहीं बनेंगे तो मैच देखने पर। गोरखपुर से भाई गुलशन जी हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, थैंक यू यहाँ पर गुलशन जी। और मैं गोरखपुर में बेतिहाता चौक में गया हूँ, और मैं बेतिहाता चौक में रहता था जब मैं वहाँ पर एक साल या डेढ़ साल रहा होगा गोरखपुर में, बेतिहाता चौक शायद आप जानते हैं, और उससे चौक में मैं रहता था। तो चलिए बने रहिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस बीच दो रन आ चुके हैं 18 ओवर दो गेंदों के बाद 109 रन 4 विकेट के नुकसान पे। एलिना किंग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा शॉट खेला जाए, और सारा कोटे की गेंद हार्ड हिट किया है, बॉल को खेल दिया है मिड विकेट की तरफ, फील्डर मौजूद है वहाँ पर, सिंगल मिलेगा इस बॉल पे। तो लगातार अच्छी कोशिश है, 110 रनों तक पहुँचा दिया है, और कम से कम 120 रन अगर बच जाएंगे तो यहाँ पर मुझे लगता है, हाँ जी हाँ गुलशन जी, मैं वहाँ पर रहा हूँ एक साल के करीब। तो चलिए एक बार फिर से एक बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, बॉल को खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, सिंगल लेते हुए बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बैट्समैन एलिना किंग और हैदर ग्रहम ने, स्कोर को 111 तक पहुंचा दिया है 19वें ओवर में। आखिर के एक ओवर बाकी है, कम से कम 9 से 10 रन तो आने चाहिए इस ओवर में। तो आपको क्या लगता है कि कितने रन बना पाएगा पाँच सॉकर्स, क्या 120 प्लस रन बना पाएगा या नहीं, कॉमेंट करके हमें जरूर बताइए। हमारे साथ गुलशन जी जुड़ चुके हैं यूपी गोरखपुर से, और बहुत ही बेहतरीन ये गुलशन जी है जो कि हमारे साथ अभी अभी जुड़े हुए हैं, और थैंक यू सो मच भाई। यहाँ पर हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूँगा भाई कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी शहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और लाइक ज़रूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें ज़रूर करें। आखिर के ओवर देखना होगा कि आखिर के ओवर जो है यहाँ पर कौन आते हैं बॉलिंग डालने के लिए, ये भी देखना होगा। पांच सॉकर्स की उम्मीद है यहाँ पर थोड़ी सी जो है, यहाँ पर मुझे लगता है जिस तरीके से स्टार्ट किया था सोफिया डिवाइन और बेथ मुनी ने, उसको देख के यहाँ पर लगता है कि कम से कम 15 से 20 रन जरूर कम बनाए हैं यहाँ पर पांच सॉकर्स ने। अभी भी एक ओवर बाकी है तो देखना होगा कि यहाँ पर 119 रन टोटल बनेंगे। चलिए देखते हैं 119 रन बनते नहीं, मेघना स्काटा की गेंद हाँ में खेल दिया है, पहली गेंद बॉलर के सर के ऊपर से खेला है और फील्डर नीचे मौजूद है, विकेट, जी हाँ यहाँ पर हैदर ग्रहम का विकेट चलता बना, पांचवा विकेट गिरता हुआ 111 रनों पे। पहला गेंद ही हाँ में खेल दिया था मेघना स्काटा की गेंद, और इस गेंद पे ही पहला विकेट यहाँ पर मेघना स्काटा ने निकाला है। मेघना स्काटा या डार्सी ब्राउन, देखना होगा भाई कौन है बॉलर। 19 ओवर एक गेंदों के बाद मेघना स्काटा ने विकेट लिया है। तो भाई यहाँ पर पहली गेंद, इस आखिरी ओवर की पहली गेंद पे पहला यहाँ पर विकेट गया है हैदर ग्रहम का। तो भाई हमारे साथ बहुत सारे भाई जुड़ चुके हैं, सभी को बोलूंगा भाई एक एक लाइक सभी को सभी ने करना है, और यहाँ पर कॉमेंट करके जरूर बताइए कि आप कौन सी शहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और लाइक कीजिए, लाइक के साथ साथ चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है भाई। आखिरी का गेंद यहाँ पर, आखिरी ओवर की दूसरी गेंद मेघना स्काटा का, और सामना करेंगे इस बार पिपारियो, फुल टॉस बॉल दिया था, बॉल को घुमा दिया है डीप यहाँ पर मिड विकेट की तरफ, सिंगल मिल जाएगा इस बॉल पे। बड़ा शॉट की कोशिश लगातार दोनों ही छोर से हो रही है, मगर एक बात बोले कि बड़ा शॉट लगाने का मौका ही नहीं मिल रहा है, फुल टॉस बॉल है, दबाव है इतना ज़्यादा कि फुल टॉस बॉल का भी यहाँ पर फायदा नहीं उठा पा रहे।
कैच कौन लिया? गुलशन जी यहाँ पर कैच लेने वाला खिलाड़ी है सारा कोटे ने कैच लिया था। इस बार बैट का एज लिया, बॉल चला गया विकेट कीपर के पीछे से और यहाँ पर थर्ड मैन की तरफ चार रनों के लिए। बहुत ही जरूरत बहुत था इस चौके का और इसी चौके के साथ 116 रन बन चुके हैं। बहुत ही बुंदा शॉट तो नहीं कहूंगा क्योंकि बैट का एज लेके जो है बॉल चला गया विकेट कीपर के पीछे से चार रनों के लिए। 116 रन बन चुके हैं पांच विकेट के नुकसान पे। अभी भी तीन गेंद बाकी है इस ओवर खत्म होने में। बॉलिंग करता हुआ मैग्ना स्काटा और सामना करेंगे इस बार पिपारियो डायनियात के खिलाड़ी हैं। डायनियात के खिलाड़ी को ओवर द विकेट बॉल करता हुआ इस बार यॉर्कर डालने की कोशिश। स्लो बॉल स्लोअर था, बॉल को खेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ। दो रन अच्छी अनिंग बिटवीन द विकेट, विकेट कीपर से मिसफील्ड हुई है नहीं तो रन आउट हो सकते थे। और यहाँ पर दो रन कंप्लीट करते हुए पिपारियो और इसी दो रनों के साथ 118 रन पांच विकेट के नुकसान पे। अभी भी दो गेंदे बाकी है और दो गेंदे में कम से कम यहाँ पर भाई एक तो बड़ा शॉट लगना चाहिए। देखना होगा कि दो गेंदों पे एक बड़ा शॉट आता है कि नहीं पांच सॉकर्स के बैट्समैन पिपारियो की बल्ले से। और इस बार थोड़ी सी आगे निकल के आया था, देख लिया था कि आगे निकल के आ रहे हैं बैट्समैन और स्लोअर डाल दिया बॉल पॉइंट की तरफ खेल के एक रन लेते हुए पिपारियो। और इसी सिंगल के साथ 119, जैसे गुलशन जी कह रहे थे कि 119, मगर यहाँ पर अभी भी एक गेंदे बाकी है। देखना होगा कि इस एक गेंदों पे कितने रन बनते हैं। आखिरी का गेंद मैग्ना स्काटा की और सामना करेंगे इस बार एलिना की। इस बार फुल टॉस बॉल दिया था, हार्ड हिट किया है, बॉल कवर के ऊपर से बॉल निकल गया है वन बाउंस फील्डर के पास। दो रन की मांग है और यहाँ पर दो रन आराम से कंप्लीट करते हुए 121 रनों तक पहुंचा है। ये एक फाइटिंग स्कोर आप नहीं कह सकते हैं और एडिलेड स्ट्राइकर के पास एक काफ़ी स्ट्रांग बल्लेबाजी सेक्शन है जहां से आप इस रन को कम से कम 20-25 रन तो यहां पर कम बने हैं पांच सॉकर्स ने 20 ओवर में 121 रन बनाए हैं और एडिलेड स्ट्राइकर्स के सामने अब इस रन को चेज करना है। थोड़ी ही देर में मैच स्टार्ट होगा। आज पांच सॉकर्स की तरफ से ओपन करने आए हैं सोफिया डिवाइन और बेत मुनी। शुरुआत अच्छा दिया था और पहला विकेट जब गिरा था तब यहाँ पर सोफिया डिवाइन आउट हुए थे। 59 रनों का एक पार्टनरशिप दे के यहाँ पर सोफिया डिवाइन आउट हुए थे। सोफिया डिवाइन के तुरंत जाने के बाद बेत मुनी भी पेविलियन की तरफ चले गए और बेत मुनी ने 36 रन बनाए थे 33 गेंदों में पाँच चौके की मदद से। उसके बाद अत्तापत्तू और मार्जिनी कैफ उसके बाद ज़्यादा देर तक नहीं रह पाए। सिर्फ 10 रन जो जुड़े थे स्कोरबोर्ड पे और मार्जिनी कैप आउट हो गए। मार्जिनी कैप का विकेट लिया था तालिया मैकगर्थ ने और सिर्फ 2 रन बना के आउट हुए। उसके बाद हैदर ग्रैम ने अत्तापत्तू के साथ मिलके कुछ हद तक रन को जो है ले जाने की कोशिश किया है और 93 रनों के स्कोर पे अत्तापत्तू भी आउट हो चुके थे 20 रन बना के। हैदर ग्रैम उसके बाद एलिना किंग के साथ मिलके स्कोर को 111 तक पहुंचाया। उसके बाद हैदर ग्रैम भी आउट हो गए और हैदर ग्रैम जब आउट हुए तब हैदर ग्रैम का स्कोर 20 गेंदों पे 22 रन थे और तीन चौके की मदद से। उसके बाद एलिना किंग और पिपारियो ने साझेदारी बनाते हुए स्कोर को 121 तक पहुंचाया। बॉलिंग में मैग्ना स्काटा ने 4 ओवर डाले हैं, 4 ओवर में 19 रन देके एक विकेट निकाले हैं। डार्सी ब्राउन को आज कोई विकेट नहीं मिला है, एक अच्छी गेंदबाज है, विकेट टेकिंग गेंदबाज है, मगर आज कोई विकेट इनको नहीं मिला है। डार्सी ब्राउन को 3 ओवर में 19 रन दिए हैं मगर एक भी विकेट नहीं मिला है। तालिया मैकग्रा 3 ओवर 28 रन एक विकेट, थोड़ा सा महंगे मगर एक सफलता जरूर मिला है। वैन नाइकर जिनको सिर्फ 2 ओवर करवाया गया और 2 ओवर में 12 रन देके एक विकेट निकाले। सारा कोटे इनको भी आज कोई विकेट नहीं मिला है और काफ़ी महंगे रहे, 4 ओवर में 29 रन दिए। विलिंगटन जिनकी बदौलत जो स्कोर को यहां पर रोकने में कामयाब हुए हैं एडिलेड स्ट्राइकर विलिंगटन ने 4 ओवर डाले हैं 12 रन देके 2 विकेट निकाले हैं। तो थोड़ी सी बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिएगा। इनिंग्स ब्रेक हुआ है और दूसरा इनिंग्स बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे साथ जितने भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें और चैनल पर अथवा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
काफी बेहतरीन मैच होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं बेतमुनी एंड सोफिया डिवाइन, जी हाँ सोफिया डिवाइन एंड बेतमुनी। यहाँ पर किस तरीके से रन बनाया है, तो भाई 5 मिनट पे मैच स्टार्ट होने वाला है, हमारे साथ बने रहिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैच ख़त्म हो चुका है और टारगेट है 5 सॉकर्स के पास, यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स के पास जो टारगेट है वो 122 रनों का है। तो लाइक जरूर करिए, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और भाई 2 लाइक दूर है यहां पर 20 लाइक से, तो जल्दी से जल्दी भाई 20 लाइक पूरा कर दे और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।
तो भाई आखिरकार यहाँ पर जो पांच सॉकर्स है यहाँ पर 121 रन बनाए हैं और टारगेट जो है यहाँ पर आपको बता दें कि टारगेट है 122 रनों का, टारगेट है 122 रनों का। और देखना होगा कि यहाँ पर अगला जो यहाँ पर बैटिंग करने आएंगे एडिलेड स्ट्राइकर, तो वो जो है यहाँ पर कैसे परफॉर्म करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल पर, दबाए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट भाई कीजिए। दो और हु विल ओपन, अमन अधिक जी यहाँ पर आपको बता दे कौन ओपन कर सकता है इस मैच पे। एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से ओपन करते ज़्यादातर ओपन करने आती है यहाँ पर नाइकार्क आ सकते हैं कैटी मैक के साथ, नाइकार्क आ सकते हैं कैटी मैक के साथ। अब देखना होगा कि इस मैच में क्या चलते हैं। पांच सॉकर्स ने यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 121 रन बनाए हैं और 120 गेंदों पे 122 रन की ज़रूरत है एडिलेड स्ट्राइकर्स को इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है भाई, यह मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अब देखना होगा कि यहाँ पर 500 एडिलेड स्ट्राइकर्स की अगर बात करें तो काफ़ी लंबे बैटिंग लाइनअप है यहाँ पर। वैन नाइकार्क, कैटी मैक, लूरा ओल्ड भर्ट एंड तालिया मैकग्राथ और एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज यहाँ पर शामिल किया गया है पैटी पीटरसन को, तो ये भी एक अच्छे बल्लेबाज है। दूसरी तरफ बात करते हैं मैक टी पार्लिन, ये भी एक अच्छी बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन है। तो यहाँ पर उम्मीद है कि एक अच्छी खासी भी यहाँ पर मैच देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ एक अच्छी खासी मैच हमें देखने के लिए मिल जाएगा भाई। तो भाई हमारे साथ जो भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलूँगा भाई लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर, दबाए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आखिरकार पांच सॉकर शोमैन ने 121 रन बनाए हैं, वो भी पांच विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में। तो भाई यहाँ पर बहुत सारे भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यहाँ पर आपको बता दे यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर की प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो ये एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ से यहाँ पर वैन नाइकार्क एंड कैटी मैक, लूरा वुल्फॉल्ट, तालिया मैकग्राथ, पैटरसन और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज को खिलाया गया है। तो पांच बल्लेबाज यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी है। कैटी मैक की बल्ले से अभी तक वो परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए नहीं मिला है, मगर कैटी मैक एक अच्छी यहाँ पर बल्लेबाज है और अच्छी खासी बैटिंग कर सकता है। तालिया मैकग्राथ भी वैन यहाँ पर वैन नाइकार्क के साथ ओपन करते हुए दिखाई दे सकती है। तो थोड़ी ही देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा भाई। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। भाई क्या लगता है आपको कौन सी टीम इस मैच को जीतेगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई कौन सी टीम इस मैच को जीत सकता है। कौन सी टीम इस मैच को जीत सकता है भाई, तो लाइक ज़रूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें ज़रूर करें और चैनल पर, दबाए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। प्लेयर्स मैदान पे आ रहे हैं, जी हाँ प्लेयर्स मैदान पे आ रहे हैं, पांच सॉकर्स की जो प्लेयर्स है यहाँ पर मैदान पे आ चुके हैं। एडिलेड स्ट्राइकर्स को इस मैच में 122 रनों की जरूरत है 120 गेंदों पे और नाइकार्क, जी हाँ नाइकार्क के साथ मुझे लगता है कि कैटी मैक नाइकार्क आए हैं ओपन करने के लिए, आई हैं नाइकार्क और उनके साथ कौन है देखना होगा भाई।
तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलूँगा लाइक जरूर करिए और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। मैच स्टार्ट होने जा रहा है और यहाँ पर जी हाँ यहाँ पर मैच स्टार्ट होने जा रहा है और थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। मैच स्टार्ट हो चुका है, पहली गेंद यहाँ पर बैटिंग करने आई है। यहाँ पर देखना होगा कि मार्जिनी कैफ को बॉलिंग दिया गया है, पांच सॉकर्स की तरफ से मार्जिनी कैफ आई है बॉलिंग डालने के लिए और यहाँ पर नायकर एंड कैटी मैक ये दोनों आई हैं बैटिंग करने के लिए। नायकर को बैटिंग करता हुआ ओवर द विकेट और इस बार अच्छी उछाल के साथ अच्छी लेंथ पे बॉल डाला था, कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ। पहली गेंद डॉट बॉल खेला है, कोई रन नहीं मिला है इस गेंद पे। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक को जरूर कीजिए और चैनल पर लगा चैनल को सब्सक्राइब को जरूर कीजिए। बेहतरीन मैच होता हुआ इस गेंद पे और इसके बाद बॉल कर लिया तैयारी से रखिए लिख के अच्छी गेंद शुरुआत बॉल था अच्छी उछाल के साथ शॉर्ट ऑफ पर बॉल डाला था और बॉल को सीधे बल्ले से खेल दिया है। जानते हैं टारगेट बहुत ही कम है और यहाँ पर 21 साझेदारी की जरूरत है, अगर मैदान पे बने रहेंगे तो 130 रन आराम से बच जाएंगे। उसी तरीके से बैटिंग करता हुआ नायकर एंड कैटी बैक भाई बने रहिए, लाइक को जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैन नायकर और यहाँ पर कैटी मैक स्ट्राइक और यहाँ पर बेहतरीन शॉट बॉल को हल्के बल्ले से खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, सिंगल लेके यहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट किया है और पहला रन स्टेट बोर्ड पे आता हुआ। भाई यहाँ पर जो भाई हमारे साथ जुड़े हैं सभी को बोलने भाई लाइक को जरूर करिए, लाइक करने का सपोर्ट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लिए। बेहतरीन मैच चलता हुआ मार्जिन क्या था स्ट्राइक पे यहाँ पर बॉलिंग डाल रहे हैं और इसे करके अगली जो सामना करेंगे यहाँ पर काफी लगातार अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर मार्जिन कैप का और बल्लेबाज को कोई घूम नहीं दे रहा और लगातार बैटिंग को खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कैटी मैच जो कि एक अच्छे यहाँ पर बल्लेबाज है तो आज यहाँ पर देख रहा होगा कि क्योंकि यहाँ पर एलिवेट स्ट्राइकर्स के खिलाड़ी है वो यहाँ पर क्या करता है और यहाँ पर बेहतरीन शॉट बॉल को खेल दिया है सब फाइनल की तरफ, फील्डर मौजूद है एक रन मिल जाएंगे इस बार। कैटी मैक की बात करते हैं, कैटी मैक दाहिने हाथ के खिलाड़ी है और लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी डालते हैं मगर आज इनको बॉलिंग नहीं दिया गया। बात करते हैं बैटिंग की तो पिछले कुछ मैचेस से देखा जाए तो ये आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है, ये इनका जो फॉर्म है वो नहीं है। तो इसे बल्कि आखिरी गेंद और यहाँ पर सामना करेंगे बॉल को खेल दिया है नायकर ने बॉल को खेल दिया है सब फंडन की तरफ, कोई फील्डर मौजूद है कोई नहीं डॉट बॉल होता है। पहला ओवर खत्म हो चुका है, पहला ओवर के बाद स्कोर जो है अभी लेट स्ट्राइकर का दो रन बने हैं विदाउट एनी लॉस। देखना होगा इन दोनों की साझेदारी यहाँ पर एलिवेट स्ट्राइकर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पावर प्ले में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 रन आने चाहिए। देखना होगा एलिवेट स्ट्राइकर्स उस जो टारगेट है 30 से 35 रनों का पावर प्ले के अंदर पूरा कर पाते हैं कि तो क्या लगता है भाई यहाँ पर कैटी मैक को जो कि आउट ऑफ फॉर्म जा रही है और उनके साथ है नायका जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन पारियाँ खेली है 24-25 रन आप उनसे आराम से उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नायका उसे वह बॉलिंग करता है। उस ओवर की पहली गेंद और स्कोर बॉल था बॉल को खेल लिया कवर की दिशा में मगर यहाँ पर बाहर तभी फील्डिंग किस करके डायरेक्ट कर कोई भी नहीं डॉट बॉल होता पहली गेंद यहाँ पर डॉट बॉल खेला है क्योंकि बैक और दबाव जरूर बनेगा यहाँ पर एलिमेट स्ट्राइकर्स के ऊपर। पांच सॉकर्स को अगर इस मैच में बने रहना है तो विकेट रेगुलर इंटरवल में निकालना होंगे। कैटी डैम ने इस बार पैर की तरफ बॉल किया था बॉल को लेग साइड में खेल के यहाँ पर सीधे लेते हैं। तो भाई हमारे साथ जो भाई बने हुए हैं सभी को बोलूँगा लाइक जरूर करें और चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से एक बार नायकर था इस टाइप पर और सामना करेंगे यहाँ पर
अत्तापाती चमेली अत्तापाती की गेंदबाजी का, चमेली अत्तापाती जो कि एक लंका खिलाड़ी है और बॉल को खेल दिया है मिड ऑन के ऊपर से, चौका, पहला चौका इस मैच का, पहला चौका जो है ये आप इस इनिंग्स का लगाया है नायका, और इसी चौके के साथ रन भी यहाँ पर बढ़ता हुआ 7 रन का, पहला चौका इस इनिंग्स का। बल जिन्होंने अभी तक लाइक को नहीं किया बल लाइक कर लेंगे, बेहतरीन है ना छोटा लाइक स्टार देखने के लिए मिल रहा है, और इस बार भी बॉल को खेल दिया है, इस बार बॉल को खेला है मिड ऑफ के ऊपर से, भाई लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके आ चुके हैं, और इसी चौके के साथ 2 गेंदों पर 2 चौके के साथ स्कोर जो है 1/4 गेंदों के बाद 11 रन बन चुके हैं। भाई यहाँ पर अच्छी तरह यहाँ पर स्टार्टिंग मिलता हुआ वैन नायकर ने जबरदस्त स्टार्टिंग दिया है भाई 2 चौके के साथ, ये दूसरा ही ओवर चल रहा है, अत्तापत्ती चमेली अत्तापत्ती भी गई, दूसरा राउंड के बॉल करता हुआ एंगल क्रिएट करके ऑफ साइड जो पिच किया था बॉल को कट करने की कोशिश में, और इस बार बॉल जो है बल्ले पे सही पर नहीं आया, कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ 1/5 गेंदों पर 11 रन बन चुके हैं। तो भाई सभी को बोलूंगा लाइक की गोल करो और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, तो सुबह बॉल इस बार नेक्स्ट टाइम की गेंद थी हल्के से स्ट्राइक पर भी गेंद था, बॉल को स्क्वायर लेग की तरफ धकेल दिया है सिंगल लेते हुए नायकर ने, ओवर हो चुका है समाप्त, 2 ओवर के बाद स्कोर जो है 12 रनों तक पहुंच चुका है एडिलेड स्ट्राइकर्स का। तो भाई यहाँ पर 2 ओवर के बाद 12 रन बन चुके हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स का, और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, और जल्दी से जल्दी भाई लाइक करें, टाइम बस अभी आज फुल लॉस सर, भाई आज तो फुल लॉस होगा ही, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आपको बता दें कि नो डाउट एनालिसिस, अगर आप यहाँ पर कोई कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत तो जरूर हो जाए। मार्जिन क्या वार्निंग करता हुआ इस समय किसी गेम, और यहाँ पर आउट फ्लैट गए कि हाँ बैठा, और यहाँ पर विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की है, और यहाँ पर आउट होता हुआ पहला विकेट नायकार की, यहाँ पर आउट होता हुआ नायकार की, यहाँ पर आउट होता हुआ पहला विकेट मार्जिन क्या की थोड़ी सी ऑफ स्टंप पे बाहर निकलती हुई गेंद, बल्ला आगे लेकर गया तो बॉल जो है बैट का एज लिया, और विकेट कीपर ने एक बेहतरीन कैच लिया है विकेट के पीछे, और इसी के साथ पहला विकेट जीता हुआ एडिलेड स्ट्राइकर्स का। ये दबाव जो है अब एडिलेड स्ट्राइकर भी महसूस करते रहेंगे, अब आने वाले खिलाड़ियों की अगर बात करें तो आगे आने वाले खिलाड़ी जो है यहाँ पर कौन हो सकता है, इसके बाद उल भाट आ सकते हैं, या उल भाट आ सकते हैं, वेद मुनि ने एक जबरदस्त इच्छा छलांग मारते हुए कैच लिया, उल भाट आ सकते हैं बैटिंग करने के लिए, वही बस अभी आज सिक्स स्टार एंड पार्ट पर मैच खेला हुआ है, चलिए देखते हैं, बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। मैं तो नहीं आ सकता हुआ मार्जिन कैप, और एक बार अच्छी गेम फ्यूअर बॉल था, ग्रीन स्टैंप का बॉल सीधे बल्ले को खेल दिया है, इस बार मिड ऑफ के पास कोई रन नहीं, ड्रॉप कर एडिलेड स्ट्राइकर को बहुत सॉरी, यहाँ पर मेरा आवाज़ नहीं आ रहा है, अब आवाज़ क्लियर हो जाएगा, अब जो है आवाज आपका क्लियर हो जाएगा, देखिएगा, तो भाई बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, काफी बेहतरीन गेंदबाजी, और यहां पर अगली गेंद फाइन लेग की तरफ खेल दिया था 4 रनों के लिए, और इसी चौके के साथ स्कोर भी यहां पर बन चुका है 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे। मार्जिन क्या फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद, और इस बार मिडिल स्टंप का बॉल हल्के बल बैट का किनारा लेके बॉल थोड़ी सी मिसफील्ड हुई पॉइंट पे, और 1 रन मिल जाएंगे, और इसी 1 रनों के साथ स्कोर भी यहां पर बढ़ता हुआ 1 रन 17 रनों तक पहुंच चुका है। तो भाई यहां पर बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, काफी बेहतरीन मैच होता हुआ, तो चलिए देखते हैं फिर से एक बार बॉलिंग करते हुए मार्जिन कैफ राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ कैटी मैक को, कैटी मैक ने यहां पर लगातार दोनों ही बल्लेबाज जो है पहला विकेट गिर जाने के बाद सिंगल रोटेट कर रहे हैं, और ये एक अच्छी कोशिश है, सिंगल रोटेट करके अगर खेलेंगे तो दबाव नहीं बनेगा, और इसी सिंगल के साथ ओ यहाँ पर
देखना होगा, दो ओवर पांच गेंदों के बाद 18 रन एक विकेट के नुकसान पे बन चुका है। आखिरी गेंद है इस ओवर की और सामना करेंगे इस बार उल्भार। सीधे बल्ले से खेल दिया है, सीधा यहां पर विकेट कीपर के पास गया है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। ओवर की समाप्ति यहां पर आपको बता दें कि तीन ओवर खत्म हो चुके हैं, तीन ओवर के बाद 17 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा भाई यहाँ पर लाइक जरूर करें कि काफ़ी अच्छी मैच चल रहा है यहाँ पर, और पांच सॉकर्स को यहाँ पर मैच में बने रहना है तो विकेट निकालने होंगे। और उल्भाट जो कि एक बेहतरीन खिलाड़ी है और उम्मीद है कि ये विन के विकेट बहुत ही अहम हो जाएगा पांच सॉकर्स के लिए। कैटी मैक जो कि आउट ऑफ फॉर्म चल रही है और यहाँ पर इन दोनों की दूसरी होल से भी यहाँ पर अच्छी खासी बॉलिंग डाला गया है और इस बार कवर बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहाँ पर चमेरी अत्ता पत्तू का, एक रन जरूर मिला है मगर पॉइंट में बेहतर फील्डिंग और इसी एक रनों के साथ स्कोर जो है 18 रनों तक पहुँच चुका है। दूसरे छोर से भी यहाँ पर बॉलिंग दिया गया है ग्रिफ्त को, ग्रिफ्त आए हैं बॉलिंग डालने के लिए, ग्रिफ्त ग्रिफ्त फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की दूसरी गेंद और सामना करेंगे यहाँ पर कैटी मैक, दाहिने हाथ के खिलाड़ी है कैटी मैक और लगातार फॉर्म इनके जो है यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए आई है मगर उतने खास इनकी बल्ले से रन नहीं आ पाए हैं अभी तक। क्या इस मैच में एक बड़ा स्कोर कर पाएगा, इस बार थोड़ी सी गुड लेंथ की बॉल थी अंदर की तरफ आई हुई टप्पा खाने के बाद सीधे बल्ले से खेल दिया है बॉल को कवर की तरफ मगर रन यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। तीन ओवर दो गेंदे हो चुके हैं, तीन ओवर दो गेंदों के बाद 18 रन विदाउट है यहाँ पर एक विकेट के नुकसान पर, एकमात्र विकेट जो कि आउट हुए हैं यहाँ पर नाइकार्क वैन नाइकार्क आउट हुए और बेहतरीन कैच लिया था बेतमुड़ी ने पिच विकेट के पीछे। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद और इस बार भी अच्छी गेंद मिडिल स्टंप पे बॉल था टप्पा खाने के बाद अच्छी उछाल के साथ उछाल मिलता हुआ यहाँ पर ग्रिफ्त को, तो बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर चलता हुआ। लाइक जरूर करें भाई, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट जरूर करें और हमारे साथ बहुत सारे भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूँगा भाई कमेंट्स जरूर करें, कमेंट्स के साथ साथ मैं आपका कमेंट भी पढ़ता रहूँगा भाई, मज़ा आता है ऐसे बातचीत करने में। इस बार अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया, थोड़ी सी नीचे रही थी बॉल को खेला था एक्स्ट्रा कवर की तरफ, कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ। एक्स्ट्रा कवर जो है वो 30 गज के दायरे के अंदर है और पावर प्ले चल रहा है तो यहाँ पर सारी फील्डिंग रिस्ट्रिक्ट है और पांच फील्डर जो है ऑफ साइड में लगाए गए हैं और यहाँ पर पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ एंड सिली मिड ऑफ। तो भाई यहाँ पर थोड़ी सी स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश, लगातार अच्छी गेंदबाजी ग्रिफ्त का और बेहतरीन गेंदबाजी क्यों ना हो और मौका नहीं ले रहे हैं और अच्छा उछाल मिलता हुआ यहाँ पर ग्रिफ्त को। तो इसी तरीके से अगर गेंदबाजी करते रहेंगे, अगर विकेट यहाँ पर निकालते रहेंगे तो यहाँ पर पांच सॉकर्स भी इस मैच में बन सकता है पांच सॉकर्स के लिए। 121 रन टारगेट है मगर डिफेंडेबल टारगेट आप इसको नहीं कह सकते। इस बार उछलती हुई गेंद, इस बार जोरदार अपील, बैट का एज लिया और यहाँ पर दूसरा विकेट गिरता हुआ कैट यहाँ पर लूरा उल्भॉट, जी हाँ लूरा उल्भॉट यहाँ पर आउट होता हुआ दूसरा विकेट। भाई कमाल का मैच होता हुआ यहाँ पर ग्रिफ्त, मैंने पहले ही कहा था अच्छा उछाल मिला, इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल डाला था, बल्ला लेके खेलने की कोशिश किया था, बैट का एज लिया और बेतमुड़ी ने कोई गलती नहीं की यहाँ पर कैच लेने में और इसी के साथ दूसरा विकेट 19 ओवर के बाद 19 रनों पे दो विकेट तीन ओवर पांच गेंदों के बाद। तो भाई कमाल का यहाँ पर मैच होता हुआ, मैच काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर यहाँ पर और एक विकेट गिर जाता है तो, पावर प्ले के दौरान और एक विकेट गिर जाएगा तो यहाँ पर मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से उल्भॉट यहाँ पर आउट होते हुए, तो भाई यहाँ पर देखना होगा भाई, बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सोफिया डिवाइन कप्तान खुद आई यहाँ पर, सोफिया डिवाइन नहीं आखिरी बॉल है इस ओवर का,
चार ओवर के बाद 19 रन बने हैं दो विकेट के नुकसान पे। सोफिया डिवाइन आई है बॉलिंग डालने के लिए, पहला गेंद यहाँ पर डॉट डाला है सोफिया डिवाइन ने। तालिया मैकग्रा जो कि कप्तान है यहाँ पर बैटिंग करने आई है। क्या लगता है भाई, क्या ये रन एडिलेड स्ट्राइक का चेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ताहिर बसा जी, अगर आप हमको सुन रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि दो विकेट गिर जाने के बाद थोड़ा सा जो है उम्मीद आपको ज़रूर आया होगा। पांच सॉकर्स की कप्तान सोफिया डिवाइन को भी ये उम्मीद आया होगा कि यहाँ पर मैच को निकाल सकते हैं। सोफिया डिवाइन फिर से बार बॉलिंग करता हुआ, कैटी मैक है स्ट्राइक पे, ओवर द और लेग स्टंप पे पिछली गेंद थी, पैर की तरफ बॉल गया था, थोड़ा सा बॉल को फाइन लेग की तरफ खेल दिया है, सिंगल मिल जाएगा इस बार। और इसी सिंगल के साथ स्कोर भी 20 रनों तक पहुंच चुका है, चार ओवर तीन गेंदों के बाद 20 रन बन चुका है दो विकेट के नुकसान पे। और हमारे इधर भी दोस्त यहाँ पर 20 लाइक हो चुका है, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह भाई लाइक करो और सपोर्ट करो भाई को। सोफिया डिवाइन जो कि कप्तान है पांच सॉकर्स के, फिर से बार बॉलिंग करता हुआ, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, अच्छी बैटिंग इनसे उम्मीद थी, मगर बैटिंग में आज खास कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ 15 रन ही बना पाए और आउट हो गए। फिर से बार अच्छी गेंद, इस बार मिडिल स्टंप का बॉल, बैट को हल्का सा मोड़ दिया था, बॉल चला गया मिड ऑन की तरफ, सिंगल लेते हुए यहाँ पर तालिया बैकग्राथ। अगर यहाँ पर एडिलेट स्ट्राइकर को मैच जीतने होंगे तो तालिया मैकग्राथ को आखिर तक खेलना ज़रूर होगा। तो भाई आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मैच का रुख बदल चुका है, अभी पावर प्ले के अंदर कोशिश होगी कि यहाँ पर और एक विकेट निकाला जाए पाँच सॉकर्स की। इस बार लेग स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, हल्के बैटों से खेल दिया है बॉल को स्क्वायर लेग की तरफ, डीप स्क्वायर लेग का फील्डर जब तक आके फील्ड करे बॉल को, दो रन लेते हुए और इसी दो रनों के साथ स्कोर जो है 23 रनों तक पहुंच चुका है दो विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को हम बोलेंगे कि आज यहां पर एडिलेड स्ट्राइकर जीत हासिल करेगा या नहीं करेगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अभी तक यहां पर पांच सॉकर्स के लिए 76% ने कहा है कि यहां पर पांच सॉकर्स जीत सकता है, जहां पर सिर्फ 24% लोगों ने कहा है कि यहां पर एडिलेड स्ट्राइकर्स जीत सकता है। तो अभी भी यहाँ पर हम कहेंगे कि पांच सॉकर्स की ही पल्ला जो है पहाड़ी है। हमारे जितने भी व्यूअर्स यहाँ पर देख रहे हैं उनकी अगर वोटिंग की बात करें तो जितने ज़्यादा हो सके आप वोट कीजिए, वोट करके बताइए कि कौन सी टीम यहाँ पर जीत सकता है, पांच सॉकर्स या एडिलेड स्ट्राइकर्स, हु विल विन द मैच। तो भाई हमारे साथ यहाँ पर ओवर हो चुके हैं, पाँच ओवर के बाद एडिलेड स्ट्राइकर्स का स्कोर जो है 23 रन दो विकेट के नुकसान पे। और यहाँ पर पांच सॉकर्स की यहाँ पर पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने आएंगे। सोफिया डिवाइन ने पहला ओवर में सिर्फ 4 रन दिए हैं, 4 गेंदबाज को अभी तक यूज किया है पांच सॉकर्स ने और 2 कामयाबी यहाँ पर मिला है पांच सॉकर्स को। अगला गेंदबाज कौन होगा देखना होगा। ग्रिफ आए हैं बॉलिंग डालने के लिए, ऑफ स्टंप पे पिच हुई गेंद तो बॉल को खेल दिया डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, फील्डर मौजूद है, 2 रन की मांग है जिन्हें यहाँ पर सिंगल लेके स्ट्राइक को रोटेट किया है और इसी 1 रनों के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 24 रनों तक पहुंच चुका है। तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा, ग्रिफ्त आई है बॉलिंग डालने के लिए। लीजा ग्रिफ्त फिर से बॉलिंग करता हुआ, इस ओवर की दूसरी गेंद और सामना करेंगे कैटी मैक। 11 गेंदों पे 7 रन बना के खेल रहे हैं कैटी मैक और यहाँ पर जोरदार अपील, देखना होगा बल्ले का एज लिया है कि नहीं, मगर अंपायर ने यहाँ पर नॉट आउट कहा है। तो उम्मीद है यहाँ पर बढ़ता हुआ पांच सॉकर्स की जो फैंस है उनके लिए। तो भाई देखिए यहाँ पर पांच सॉकर्स वोमेंस के लिए 77% लोगों ने कहा है, हमारे वोटिंग जो यहाँ पर चालू है उनकी जो हम बात करते हैं 77% लोगों ने कहा है कि यहाँ पर पांच सॉकर्स वोमेंस जो है जीत सकता है मैच को और सिर्फ 23% लोगों ने कहा है कि एडिलेड स्ट्राइकर्स इस मैच को जीत सकता है। तो अपना कीमती वोट जरूर दीजिए और बताइए कि कौन सी टीम यहाँ पर जीत सकते हैं। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, यहाँ पर बैट्समैन भी चकमका गया, बॉल जो है बैट का एज लेके पॉइंट की तरफ गया है, सिंगल जरूर मिला है और इसी सिंगल के साथ 5 ओवर 3 गेंदों के बाद 25 रन दो विकेट के नुकसान पे। और यहाँ पर लगातार कोशिशें हैं कि यहाँ पर एक और विकेट निकाला जाए। पांच सॉकर्स को अगर इस मैच में बने रहना है, जीतना है इस मैच को, तो रेगुलर इंटरवल में इनको विकेट निकालने होंगे।
जिनमें यहाँ पर आप रन को रोक के मैच नहीं जीत सकते। और इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, छोटी गेंद, पुल कर दिया है बॉल को डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फिर से एक सिंगल लिया है तालिया मैकग्राथ ने। तो भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। काफ़ी बेहतरीन मैच होता हुआ, तो भाई अपना यहाँ पर जरूर कमेंट करके जरूर बताइए कि आखिरी यहाँ पर क्या 26 रन बने हैं और अगली दो गेंदें बाकी है पावर प्ले पे, क्या यहाँ पर एक बड़ा शॉट आ सकता है आखिरी दो गेंदों पे। बॉलिंग करता हुआ लीजा ग्रिफ्थ और सामना करेंगे कैटी मैन। इसके लिए स्लोअर बॉल था, अच्छी उछाल के साथ बाउंसर दिया था बॉल को, हल्की बैटों से खेल दिया, इस बार थर्ड मैन की तरफ सिंगल लेते हुए स्ट्राइक को रोटेट किया है। तो दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर कोई जोखिम ना लेते हुए सिंगल लेके स्ट्राइक को रोटेट करते हुए, क्योंकि अच्छी रणनीति है ये, अगर जितनी ज़्यादा हो सके जितनी कम आप डॉट बॉल खेलेंगे उतना जो दबाव है वो कम बनेगा आपके ऊपर। आखिरी गेंद है, इस बार ऑफ स्टंप पे ऑल कट किया था बॉल को बैक फुट में जाके, मगर पॉइंट में उतनी जबरदस्त फील्डिंग, कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ, चमेली अत्तापत्तू ने ये इस बार बॉल को रोका था, बेहतरीन फील्डिंग। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर पावर प्ले खत्म हो चुके हैं। पावर प्ले के दौरान एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर 27 रन 2 विकेट के नुकसान पे, तो बेहतरीन यहाँ पर मैच होता हुआ। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई, सभी को बोलूँगा लाइक करो और चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्या लगता है आपको, क्या इस मैच में एडिलेड, और यहाँ पर मुझे लगता है लगातार जो है यहाँ पर विकेट निकालते आए हैं एडिलेड, यहाँ पर 5 सॉकर्स 2 विकेट गिरे हैं 27 रनों पे, तो यहाँ पर और भी उम्मीदें बढ़ जाएगी। सोफिया डिवाइन शायद आएंगी बॉलिंग डालने के लिए, जी नहीं यहाँ पर मुझे लगता है इसको बॉलिंग दिया गया है। लीजा ग्रिप के बाद यहाँ पर 5 सॉकर्स के लिए बॉलिंग करने आई हैं, यहाँ पर देखना होगा कौन, एलिना किंग, जी हाँ मुझे लगता है एलिना किंग आई है बॉलिंग डालने के लिए, और एलिना किंग आते ही पहली गेंद डॉट बॉल डाला है, एलिना किंग आई है भाई बॉलिंग डालने के लिए। राइट आप ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ कैटी मैक को, फ्लैटेड गेंद और इस बार नेक्स्ट टाइम से बाहर बॉल, विकेट कीपर से भी मिसफील्ड हुई, 1 रन मिलता हुआ, 2 रन मिलेगा, पैडल शॉट खेला था और यहाँ पर वाइड बॉल प्लस 1 रन, वाइड बॉल प्लस 1 रन, टोटल 2 रन मिलेंगे और इसी 2 रनों के साथ स्कोर जो है 29 रनों तक पहुंच चुका है। एलिना किंग देखना होगा कैसे गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर उम्मीद है कि एक विकेट निकाल के देंगे। और इस बार हवा में खेल देने की कोशिश, अच्छी बॉल, बॉल को खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ सिंगल लेते हुए। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज जो है कोई जोखिम नहीं ले रहे और जोखिम लेना भी नहीं चाहिए। कैटी मैक आज बेहतरीन खेलने की जरूरत है, और अगर यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर को यह मैच जीतना होगा तो तालिया मैकग्राथ को आखिर तक रहना होगा। आखिर तक अगर तालिया मैकग्राथ इस मैदान पर रह गई तो यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर इस मैच को निकाल सकता है। अभी भी 5 सॉकर्स का ही यहाँ पर पल्ला भारी है कह सकते हैं। अगर वोटिंग की तरफ नज़र डाले तो यहाँ पर 5 सॉकर्स को 75% वोट मिला है और जहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स को सिर्फ 25% वोट मिला है। तो अपना कीमती वोट ही हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा कि कौन सी टीम यहाँ पर जीत सकता है 5 सॉकर्स या एडिलेड स्ट्राइकर्स। एलिना किंग बॉलिंग करते हुए इस ओवर की 5वीं गेंद और सामना करेंगे इस बार कैटी मैक। इस बार स्वीप कर दिया है बॉल को, अच्छी लेंथ पे बॉल को गिरा था, बॉल चला गया मिड विकेट की तरफ, सिंगल लेते हुए यहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट किया है कैटी मैक ने। और इस अगर इस ओवर की बात करें तो अब तक इस ओवर में 4 रन आए, तो अच्छी ओवर कहा जा सकता है 5 सॉकर्स के लिए। तो देखना होगा 5 सॉकर्स की उम्मीद है कि यहाँ पर एक विकेट और निकाला जाए, क्योंकि अगर विकेट नहीं निकालेंगे तो यहाँ पर दबाव धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा 5 सॉकर्स के ऊपर। इस बार ऑफ स्टंप पे बॉल था, कट कर दिया है बॉल को, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में सिंगल लेके स्ट्राइक अपने पास रखा है तालिया मैकग्राथ ने। और ओवर की समाप्ति 7 ओवर के बाद 32 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो हमारे साथ बने रहिए भाई, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ और यहाँ पर अभी भी 75% लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पर मैच जो है यहाँ पर 5 सॉकर्स इस मैच में जीत सकता है।
तो आप भी यहाँ पर अपना कीमती जो है यहाँ पर कौन सी टीम मैच जीत सकता है कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ में हमारी वोटिंग जो पैड है उस पर हिस्सा लीजिए और हमारे साथ लाइक जरूर करें भाई। 7 ओवर के बाद 32 रन थोड़ा सा धीमी हो चुका है 2 विकेट गिर जाने के बाद, तो आपको क्या लगता है भाई कमेंट करके जरूर बताइए भाई कौन सी टीम यहां पर विन होगा। पास्चेल, जी हां पास्चेल को बॉलिंग दिया गया है, ये एक का काफी तेज गेंदबाज है और हमेशा ये इनकी गेंदबाजी में मैंने देखा है अच्छी लाइन और लेंथ के साथ अब बॉलिंग करता है और कम से कम एक विकेट तो निकालेगी इस मैच में। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ सामना करेंगे तालिया मैग्रा, तो इस बार बॉल बैट का एज लेके पॉइंट की दिशा में गया है, कोई रन नहीं मिलेगा डॉट बॉल होता हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर पास्चेल का, आप पर नाम सुने होंगे पास्चेल का और काफी बेहतरीन गेंदबाज है पास्चेल। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के लिए अब तक बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं और आपको बता दें कि ये बॉलिंग काफ़ी बेहतरीन करती है, अच्छी लाइन टैलेंटेड ऑलराउंडर हिसाब से खेलते हैं मगर अच्छी बॉलिंग डालते हैं और इस बार स्लोअर बॉल था, बॉल को सीधे बल्ले से खेल दिया है यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, बॉलर पास्चेल ने बॉल को रोका है, कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ। पिछला जो 5 मैचेस हैं पिछले 5 मैचों में इनको अभी तक कोई विकेट सफलता नहीं मिला है, तो उम्मीद है कि आज इनको शायद एक सफलता मिल जाएगा। अगर यहाँ पर 5 सॉकर्स को इस मैच में जीत हासिल करनी होगी तो यहाँ पर विकेट चाहिए होगा और उसी कोशिश में यहाँ पर पास्चेल को बुलाया गया है, कप्तान सोफिया डिवाइन ने बुलाया है और पास्चेल की इस ओवर की तीसरी गेंद और सामना करेंगे यहाँ पर तालिया मैग्रा। इस बार स्लोअर बॉल था, मिडिल स्टंप के थोड़ी सी विकेट से ऊपर बॉल था, बॉल को खेल दिया सीधे बल्ले से मिड ऑफ के पास, सिंगल लेके यहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट किया है तालिया मैग्रा ने। मैग्राथ पिछली मैच में तालिया मैग्राथ की अगर बात करें तो पिछली मैच में काफ़ी बेहतरीन खेला था तालिया मैग्राथ ने और लगातार इनका परफॉर्मेंस जो है वो बेहतरीन होता हुआ। अभी तक 4 मैचों में 150 रनों का पारी 142 रनों का पारी खेल चुका है, पिछले मैचों में इन्होंने डॉट कोई रन नहीं बना पाए थे और जैसी जॉनसन ने इनको कॉटेड बॉल आउट किया था और इस बार कैटी मैक बॉल को फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल था पुल कर दिया है फाइन लेग की तरफ, सिंगल लेके स्ट्राइक को रोटेट किया है। अच्छी बल्लेबाज है तालिया मैग्रा, एक्चुअली कह सकते हैं अच्छी ऑलराउंडर है, विकेट भी निकालते हैं बॉलिंग भी डालते हैं और काफी अच्छी यहां पर बैटिंग की जरूरत है तालिया मैग्रा से, तो देखना होगा भाई यहां पर देखिए धीरे धीरे यहां पर 5 सॉकर्स की और 5 सॉकर्स वुमेन की जो है विनिंग प्रतिशत जो है यहां पर घटता हुआ 74 बन चुका है, तो भाई लाइक जरूर करें। यहाँ पर फिर से बॉलिंग करते हुए पास्चेल और सामना करेंगे इस बार तालिया मैग्रा, क्या इसे यहाँ पर इस गेंदबाजी के एक बड़ा शॉट लगा सकता है। इस बार तालिया मैग्रा ने बॉल को खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से 4 रनों के लिए और ये चौका तालिया मैग्रा के बल्ले से आई है, ये चौका तालिया मैग्रा के बल्ले से आई है और इसी चौके के साथ ही स्कोर जो है 38 रनों तक पहुंच चुका है, ये तालिया मैग्रा का जो है पहला चौका है, तालिया मैग्रा के बल्ले से आई हुई ये पहला चौका। फिर से बात तालिया मैग्रा सामना करेंगे पास्चेल की गेंदबाजी का, पास्चेल थोड़ा सा महंगे इस ओवर में साबित होते हुए, इस ओवर में अभी तक 6 रन आ चुके हैं और जरूरत है तो और एक चौके की यहां पर उम्मीद होगी तालिया मैग्रा से, लाइक जरूर करें भाई। फिर से बार तालिया मैग्रा को बॉलिंग करता हुआ डायने हाथ के खिलाड़ी को डायने हाथ से ओवर द विकेट बॉल करता हुआ लेग स्टंप से बाहर बॉल, इस बार वाइड बॉल, जी हाँ ये होता है आप दबाव में अगर गेंदबाजी करेंगे, अगली गेंद पे चौका खाया था तो थोड़ा सा दबाव महसूस करते हुए पास्चेल और थोड़ा सा दिशा से भटके और वाइड बॉल देता हुआ इस बॉल और इसी वाइड के साथ स्कोर जो है 39 रनों तक पहुंच चुका है और अभी भी एक गेंद बाकी है करना, तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं तभी को बोलूंगा भाई और 3 लाइक दूर है यहाँ पर 25 लाइक से, तो जल्दी से जल्दी भाई लाइक करो और चैनल पर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। पास्चेल बॉलिंग करता हुआ राइट आप ओवर द विकेट बॉल करता हुआ तालिया मैग्रा को, इस बार गुड लेंथ की बॉल थी अच्छा था तो थोड़ा सा टर्न मिला था अंदर की तरफ आई टप्पा खाने के बाद और इसको डिफेंड कर दिया सीधा मिड ऑन के पास कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ। 8 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 8 ओवर में 39 रन 2 विकेट के नुकसान पे, इस ओवर में भाई यहाँ पर 7 रन आए हैं
तो अच्छा ओवर यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए। तो भाई लाइक जरूर करें। और यहाँ पर देखिए फिर से एक यहाँ पर विनिंग प्रतिशत जो है यहाँ पर पांच सॉकर्स का घटता हुआ 73 हो चुका है। एडिलेड स्ट्राइकर का विनिंग प्रतिशत 25 से बढ़कर जो है यहाँ पर 24 से बढ़कर 27 हो चुका है। तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और 71 जो भाई यहाँ पर फिर से एक बार घटता हुआ एडिलेड स्ट्राइकर्स का इस यहाँ पर विनिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ 28% हो चुका है। तो यहाँ पर हम अपना कीमती वोट जरूर दीजिए जी, कौन सी टीम जीत सकता है। सोफिया डिवाइन बॉल, यहाँ पर सोफिया डिवाइन नहीं, यहाँ पर मुझे लगता है कि दूसरा जो गेंदबाज है यहाँ पर आई है बॉलिंग डालने के लिए। हैदर ग्रहम नया गेंदबाज को लाया गया है। सोफिया डिवाइन चाहते हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द एक और विकेट निकाला जाए। भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 8 ओवर 2 गेंदों के बाद 40 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे। तालिया मैकग्रथ है स्ट्राइक पे और सामना करेंगे हैदर ग्रहम की गेंदबाजी का। हैदर ग्रहम जिन्होंने अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी किया है और कप्तान ने आज इनको बॉलिंग भी दिया है, तो उम्मीद है यहाँ पर ग्रहम जो है यहाँ पर सोफिया डिवाइन को एक विकेट जो है उपहार की तरफ से दे सकता है। लॉन्ग ऑन का फील्डर यहाँ पर मौजूद है, सारे तीन फील्डर जो है यहाँ पर 30 गज के दायरे के अंदर है, बाकी सारे फील्डर जो है यहाँ पर बाउंड्री लाइन पर लगा दिया गया है। ग्रहम की गेंद ऑफ स्टंप पे बॉल थी, कट करने की कोशिश मगर पॉइंट में बहुत ही बाहर यहाँ फील्डिंग, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी भी यहाँ पर 27% लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स जीत सकता है और 73% लोगों को अभी भी उम्मीद है कि यहाँ पर पांच सॉकर्स। और इस बीच चौका, थोड़ा सा रूम मिला था, स्लोअर बॉल डाला था और बॉल को खेल दिया है डीप फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए, कोई फील्डर मौजूद नहीं थे और इसी चौके की जरूरत भी है यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स को। और इसी चौके के साथ स्कोर जो है 8 ओवर 4 गेंदों के बाद 44 रन 2 विकेट के नुकसान पे बन चुका है। हैदर ग्रहम फिर से एक बार बॉलिंग के लिए तैयार, सामना करेंगे तालिया मैकग्रथ की अगर बात करें तो ये इनका दूसरा चौका था उनकी बल्ले से। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ इस बार हल्का सा बॉल को खेल दिया है मिड ऑफ के पास, सिंगल लेने की कोशिश किया था मगर अच्छी थ्रो, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। बेहतरीन यहाँ पर मैच होता हुआ भाई एडिलेड स्ट्राइकर्स और पांच सॉकर्स के बीच। अभी भी यहाँ पर पल्ला जो है बराबरी पे बना हुआ है। पांच सॉकर्स के बाद अच्छी गेंदबाजी मौजूद है रन को डिफेंड करने के लिए और एडिलेड स्ट्राइकर्स को अगर ये मैच जीतना है तो कम से कम तालिया मैकग्रथ को यहाँ पर रहना होगा। 9 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 9 ओवर के बाद एडिलेड स्ट्राइकर्स का स्कोर जो है 45 रन 2 विकेट के नुकसान पे बन चुका है और उम्मीद है यहाँ पर बाकी के जो अभी भी यहाँ पर स्कोर बचा हुआ है 77 रन 66 गेंदों पे 77 रन जरूरत है एडिलेड स्ट्राइकर्स को इस मैच में बने जीतने के लिए। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर। तो क्या लगता है भाई कौन सी टीम आज इस मैच में जीत हासिल करेगी? मैच बहुत रोचक हो जाएगा कि आखिरी में, क्योंकि आखिरी ओवर तक मुझे लगता है कि यह मैच जाएगा, तो ये इस मैच में काफ़ी इंटरेस्ट आ जाएगा। पास्टेल इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टैम्प बॉल, पिच हुई गेंद, वाइड बॉल, काफ़ी बाहर बॉल था ऑफ स्टैम्प से और वाइड बॉल दिया है और इसी वाइड के चलते एक अतिरिक्त रन स्कोरबोर्ड पे जुड़ेगा। 9 ओवर के बाद 46 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो भाई देखते हैं हमारे साथ 75 भाई का जो ओपिनियन आया है, वोटिंग आया है, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो पांच सॉकर्स को अभी भी 73% लोगों ने उम्मीद जताया है कि पांच सॉकर्स यहाँ से भी मैच जीत सकता है
और एडिलेड स्ट्राइकर्स के ऊपर 27% लोगों ने भरोसा रखा है। और इस बार बॉल को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर ड्राइव करके बॉल को रोका है, 2 रन लेते हुए तालिया मैट गार्थ। और इसी 2 रनों के साथ एडिलेड स्ट्राइकर का 48 रन पूरे हुए 2 विकेट के नुकसान पे। भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखना होगा कि अगली गेंदबाज यहां पर जो कि पास्टेल है, और पास्टेल क्या यहां पर एक ब्रेक थ्रू दिला पाती है सोफिया डिवाइन को। और इस बार हाँ में खेल दिया है, देखना होगा फील्डर नीचे है कि नहीं। जी हाँ फील्डर नीचे तो है, यहाँ पर देखना होगा। और एक बेहतरीन कैच, और यहाँ पर चमेरी अत्तापत्तू ने एक बेहतरीन कैच लिया है और इसी के साथ तालिया मैग्राथ आउट होता हुआ। बहुत बड़ा विकेट अगर देखा जाए एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ से। बात ही कर रहे थे कि यहाँ पर एक विकेट निकाल सकते हैं कि नहीं, और यहाँ पर विकेट निकाल के दे दिया है तालिया मैग्राथ, जिनका रहना बहुत जरूरत था यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर के लिए, वो पेविलियन की तरफ बढ़ते हुए। तीसरा विकेट गिर चुका है, 48 पे 3 हो चुका है 9 ओवर 2 गेंदों के बाद। हमेशा हम लोगों ने देखा है कि 10 ओवर के बाद मैच का रुख जो है बदल जाता है, क्या इस बार भी यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर के लिए 10 ओवर के बाद मैच का रुख क्या बदल सकता है, कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताइए भाई। यहाँ पर देखिए फिर से एक बार वोटिंग कीजिए भाई, कौन सी टीम यहाँ पर जीत सकता है, और लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नए बल्लेबाज यहाँ पर आई हैं पैटिडसन और यहाँ पर कैटी मैक अभी भी बने हुए हैं। लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए पास्टेल पिछली ओवर में थोड़ा सा महंगे रहे थे, इस ओवर में अब तक 3 रन देके 1 विकेट निकाले हैं। और चलिए देखते हैं, अभी ये ओवर काफ़ी अच्छा रहने वाला है पास्टेल के लिए। मैंने कहा था कि ये इस मैच में विकेट लेंगे, देखिए इस मैच में ये 1 विकेट निकाल लिया है और काफ़ी अच्छी गेंदबाज है पास्टेल। लंबी रन ऑफ है और दाहिने हाथ के बॉलर है, काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं और एक ही लाइन और लेंथ से बॉलिंग करता हुआ सामना करेंगे इस बार कैटी मैक। कैटी मैक पैडल शॉट खेलने की कोशिश किया था, हाँ में एक बॉल वो यहाँ पर विकेट कीपर के पीछे से खेल दिया है 4 रनों के लिए। कैटी मैक की बल्ले से ये चौका आया है और सिर्फ चौके के साथ स्कोर भी यहाँ पर 52 रन बन चुके हैं। ये कैटी मैक की बल्ले से आई हुई पहला चौका, बहुत देर से ये बैटिंग ओपनिंग के ओपन करने आई थी और अभी तक मैदान पे बनी हुई है। इसी चौके की जरूरत थी यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स को। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम उम्मीद करेंगे कि और 2 लाइक यहाँ पर ज़रूरत है, आप लोग जल्दी से जल्दी 2 लाइक पूरे कर देंगे। कैटी मैक है स्ट्राइक पे और पास्टेल की गेंद, इस बार पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट ऑफ शॉर्ट बॉल करने की कोशिश, बॉल को खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, सिंगल लेके स्ट्राइक को रोटेट किया है 9 ओवर 5 गेंदों के बाद 53 रन 3 विकेट के नुकसान पे। क्या लगता है भाई यहाँ पर लगातार इंटरवेल में विकेट गिरते जा रहे हैं एडिलेड स्ट्राइकर की, तो अभी यहाँ पर लगते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है एडिलेड स्ट्राइकर के लिए। 5 सॉकर्स ने आज बैटिंग अच्छी नहीं की, एक अच्छा शुरुआत जरूर मिला था 5 सॉकर्स को, मगर मध्य क्रम की जो बल्लेबाज है उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और स्कोर को सिर्फ 121 रन बना पाए, 20-25 रन कम बनाए हैं 5 सॉकर्स ने। और इस बार छोटी गेंद थी, शॉर्ट बॉल डाला था, बॉल को पुल कर दिया है यहाँ पर डिप मिड विकेट की तरफ सिंगल लेते हुए कैटी मैक, और धीरे धीरे स्कोर जो है 54 रनों तक पहुँच चुका है 10 ओवर के बाद 54 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो भाई आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर या 5 सॉकर्स, इन दोनों में से कौन सी टीम जीत सकती है। यहाँ पर अभी भी 74% लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पर 5 सॉकर्स जो है यहाँ पर मैच को जीत सकती है, और यहाँ पर 26% लोगों ने भरोसा जताया है कि एडिलेड स्ट्राइकर अभी यह इस मैच में बने रह सकते हैं। तो आपको क्या लगता है भाई, या वोट कीजिए या कमेंट कीजिए, जो भी है दोनों में से कुछ करते रहिए और हमारे साथ बातचीत बढ़ाते रहिए।
ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है और ड्रिंक्स ब्रेक के बाद दोबारा से मैच स्टार्ट हो जाएगा। काफी बेहतरीन मैच होने वाला है ये। आखिर के 10 ओवर अभी भी यहां पर होना बाकी है। तो भाई बने रहिए, लाइक का जरूर कीजिएगा और एक लाइक दूर है यहां पर 25 लाइक से। तो देखते हैं कौन भाई यहां पर मुझे 25 लाइक तक पहुंचाते हैं। जिस तरीके से आज पार्क सॉकर्स ने विकेट लिया है, काफी कमाल की यहां पर विकेट कीपिंग देखने के लिए मिला है बेत मुनि से। जिस गेंद पे यहाँ पर आउट किया था वैन डायर यहाँ पर नाइकर को, उस गेंद पे एक यहाँ पर कह सकते हैं कि छलांग लगाते हुए कैच लिया था। बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपिंग बेत मुनि का। तो लगातार अच्छी यहाँ पर मैच चलता हुआ पांच सॉकर से एक जब 121 रन बने थे तब लगा था कि एक तरफा सा मैच होगा, एडिलेड स्ट्राइकर यह मैच आसानी से जीत लेगा, मगर 3 विकेट गिर जाने के बाद अब लग रहा है कि मैच में बहुत फाइट होने वाले हैं। एलिना किंग आए हैं बॉलिंग डालने के लिए और सामना करेंगे यहाँ पर पैटिंसन। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल आता हुआ पैटिंसन को बैकफुट में ढकल नहीं दिया है, बॉल को खेल दिया इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में सिंगल लेते हुए। काफी बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ यहाँ पर एलिना किंग, और भले ही इनको विकेट ना मिला हो मगर अच्छी गेंदबाजी करते हुए एलिना किंग का यह दूसरा ओवर है अभी तक, और इस बार फुल टॉस दिया था, फ्लाइटेड गेंद करने की कोशिश, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, रन तो कोई नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ और इसी डॉट बॉल के साथ है 10 ओवर 2 गेंदों के बाद स्कोर जो है यहाँ पर सिडनी थंडर्स ओवन ने यहाँ पर 19 रनों से जीत हासिल कर लिया है। जो पिछला मैच चल रहा था सिडनी थंडर्स ने उस मैच में 2 रनों से जीत हासिल कर लिया है। और यहाँ पर फिर से वह बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद और यहाँ पर सिंगल लेते हुए स्ट्राइक को रोटेट किया है। तो भाई अभी भी यहाँ पर क्या लगता है कौन सी टीम इस मैच में जीत सकती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए और चैनल प्रथम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एलिना किंग बॉलिंग करता हुआ पीटरसन को फ्लाइटेड गेंद सीधे बल्ले से खेला है बॉलर के हाथ में, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए। इस ओवर में 4 गेंदें अब तक डल चुकी है और सिर्फ 2 रन आए हैं इस ओवर से। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह भाई लाइक करो, सपोर्ट करो भाई को, और जिन भाई लोगों ने यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट किया थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई। बेहतरीन यहाँ पर एलिना किंग की बात करते हैं तो लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए, जो यहाँ पर एलिना किंग की एक अच्छी रोल अदा करते हुए, क्योंकि इस ओवर में अगर दबाव महसूस करेंगे तो अगला ओवर जो है वहाँ पर कोशिश करेंगे बड़ा शॉट खेलने के लिए और वहाँ पर आउट होने का चांसेस बढ़ जाता है। एलिना किंग इस ओवर की आखिरी गेंद और सामना करेंगे इस बार कैटी मैक जो कि 18 रनों की स्कोर पर खेल रही है। इस बार बैकफुट में खेला था, गुगली बॉल डाला था, बैकफुट में जाके बॉल को खेल दिया है, इस बार बैकवर्ड पॉइंट की तरफ सिंगल लेके यहाँ पर ओवर की समाप्ति। 11 ओवर के बाद स्कोर जो है यहाँ पर 58 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। तो क्या लगता है भाई यहाँ पर कौन सी टीम आज इस मैच में जीत सकती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और नहीं तो यहाँ पर देखिए 72% लोगों ने कहा है कि यहाँ पर 5 सॉकर सोमन जो है यहाँ पर मैच जीत जाएगी, और 28% लोगों ने कहा है कि एडिलेड स्ट्राइकर्स यहाँ से मैच को जीत सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कमेंट कीजिए, शायद वोटिंग कीजिए, जो भी है करके हमें बताइए कि कौन सी टीम इस मैच में जीत सकती है। 11 ओवर के बाद 58 रन 3 विकेट के नुकसान पे, अभी भी इस मैच में 64 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। दूसरी एंड से भी यहाँ पर हवा में खेल दिया है और यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट बॉल गिरा था फील्डर से और देखना होगा कि चौका मिलता है कि नहीं। आउटफील्ड स्लो हो, बॉल थोड़ा सा पैर पे रख के बॉल रुक गया था 3 रन लेते हुए। पैटिंसन अपना खाता खोला है, बहुत देर बाद अपना खाता खोला है पैटिंसन, और इसी 3 रन के साथ स्कोर भी 61 रनों तक पहुंच चुका है। लिली मिल्स को बहुत देर बाद बॉल दिया गया है, लिली मिल्स इस ओवर की दूसरी गेंद इस बार अच्छा टर्न मिला था
बॉल टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई और बॉल को खेल दिया है पॉइंट की दिशा में। सिंगल जरूर मिला है मगर अच्छा टर्न मिलता हुआ यहाँ पर लिली मिल्स को, तो बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर लिली मिल्स द्वारा, और उम्मीद है कि यहाँ पर एक और ब्रेक थ्रू दिला पाएगी सोफिया डिवाइन को। राइट आर्म ओवर द विकेट, फ्लैटेड गेंद हवा में खेलने की कोशिश मगर बॉल बैट का एज लेके चला गया है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। दो रन, जी हाँ, यहाँ पर बेहतरीन दो रन ड्राइव लगा के यहाँ पर बॉल या विकेट तक पहुंचा है कैटी मैक ने। कोशिश है यहाँ पर कैटी मैक की, एक जान झोंक दिया है पूरी तरीके से कैटी मैक ने स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए 64 रन 3 विकेट के नुकसान पे 11 ओवर 3 गेंदों के बाद। तो भाई यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर यहाँ पर यहाँ तक आए हैं हमारे इस यहाँ पर कॉमेंट्री तक आए जरूर हैं, तो भाई एक बात बोलेंगे कि वोटिंग में हिस्सा लीजिए और कॉमेंट करके बताइए कि कौन सी टीम आज आपके हिसाब से जीत सकता है इस मैच को। और यहाँ पर क्लीन बोल्ड, जी हाँ, मैंने कहा था कि यह आई है तो एक विकेट निकाल के जाएगी जरूर लिली मिल्स यहाँ पर विकेट निकालते हुए, और ये बहुत बड़ा विकेट कैटी मैक का। फ्लाइटेड गेंद थी, स्वीप करने की कोशिश किया था, पूरी तरीके से बीट हो गई और बॉल जो है विकेट में टकराई है, और इसी के साथ चौथा विकेट गिरता हुआ 64 पे 4 11 ओवर 4 गेंदों के बाद। अभी यहाँ पर तक भाई हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आखिरी तक मैच जाएगा जरूर, आखिरी बॉल तक जाएगा, और मुझे लगता है कि इस मैच में कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी भी यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर को 50 गेंदों पे 58 रनों की ज़रूरत है जो कि एक नामुमकिन सा नहीं है। ये बनते हैं भाई, अब बन भी जाते हैं, सिर्फ 4 विकेट गिरे हैं और अभी भी हाथ में इनके 6 विकेट है, तो कुछ भी हो सकता है भाई। तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 500 कर्स के साथ 71% लोग जो है यहाँ पर हमारे जो 71% लोग हैं इन 500 कर्स के साथ हैं, और एडिलेट स्ट्राइकर के साथ 29% लोग हैं। तो भाई लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ लिली मिल्स आते ही अपने पहली ओवर में विकेट निकाल लिया है, बहुत बड़ा विकेट पीना जो कि यहाँ पर खेलने आई है। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करता हुआ लिली मिल्स, बेहतरीन गेंदबाज है, और हम लोगों ने देखा पिछली मैंने इनका जो मैच देखा था लिली मिल्स का, लिली मिल्स पहला मैच जो देखा था सिडनी थंडर्स के खिलाफ, काफ़ी कमाल की गेंदबाजी किया था लिली मिल्स ने यहाँ पर, तो नहीं सिडनी थंडर्स के खिलाफ नहीं, एडिलेड स्ट्राइकर, और यहाँ पर इस मैच में देखा था मैंने कमाल की गेंदबाजी किया था लिली मिल्स ने 500 की तरफ से। जी हाँ, 500 की तरफ से लिली मिल्स की बात करते रहे भाई, और थोड़ी देर रुकिए हम लिली मिल्स के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे कि किस तरह से ये यहाँ पर बॉलिंग करते हैं। एलिना किंग आई है बॉलिंग डालने के लिए इस ओवर की पहली गेंद, और यहाँ पर सीधे बल्ले से खेल दिया है बॉलर के बगल से, और यहाँ पर रन आउट, जी हाँ, बेहतरीन, और यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पर पांचवा विकेट, जी हाँ, यहाँ पर पांचवा विकेट रन आउट होते हुए, और देखना होगा कि कौन जाते हैं रन आउट होते हुए, और मुझे लगता है यहाँ पर रन आउट हुए हैं पैटिनसन, जी हाँ, पैटिनसन रन आउट होके पेविलियन की तरफ जाते हुए, पैटिनसन या पीना या पैटिनसन, इन दोनों में से कोई एक रन आउट हुए हैं, तो देखना होगा कि कौन रन आउट हुए भाई, अभी तक का पता नहीं चल रहा है कौन रन आउट हुए हैं। तो भाई बने रहिए, रन आउट हुआ है, पांचवा विकेट चला गया है, 12 ओवर एक गेंद 64 रन 5 विकेट के नुकसान पे। हमारे साथ जितने भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट जरूर करें, हमारे यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो भाई वोटिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, साथ में कमेंट करके हमें जरूर बताइए कौन सी टीम जीत सकता है। अभी भी 500 कर्स के साथ 71% भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कह रहे हैं कि यहाँ पर 500 कर्स ओवन जो है जीत सकते हैं, जहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर के साथ अभी भी यहाँ पर 30% लोग जुड़े हुए हैं। तो भाई थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। एलिना किंग फिर से एक बार बॉलिंग करते हुए इस ओवर की अगली गेंद, और यहाँ पर डॉट बॉल होता हुआ, तो लाइक जरूर करें भाई, 12 ओवर 2 गेंदों के बाद 64 रन 5 विकेट के नुकसान पे।
हमारे साथ बहुत सारे भाई जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई जुड़े रहने के लिए। एलिना किंग इस ओवर की तीसरी गेंद और इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, सीधे बल्ले से खेल दिया है मिड ऑन के पास, कोई यहां पर कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। पीना आउट हुई थी और विलिंगटन आई है यहां पर बैटिंग करने के लिए। क्या एलिना किंग और एक झटका दे सकती है, और बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर लगातार डॉट बॉल खेलते हुए, क्योंकि नए यहां पर बल्लेबाज है तो वो थोड़ा सा टाइम जरूर लेंगे और नए बल्लेबाज को स्पिन के खिलाफ खेलना थोड़ा सा परेशानी होगा। इस पिच का नेचर मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि पहला मैच में हम लोगों ने देखा 142 रन बने और वो चेज नहीं कर पाए, और यहाँ पर 121 रन बने वो भी चेज नहीं हो पाएगा क्या, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। 5 सॉकर्स ओमन के साथ अभी भी हमारे 70% भाई जुड़े हुए हैं, और एडिलेड स्ट्राइकर के साथ अभी भी हमारे 30% जो है दोस्त यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर के साथ है। एलिना किंग इस ओवर की आखिरी गेंद, सामना करेंगे पैटरसन, और इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया है मिड ऑफ के बगल से, और यहाँ पर 2 रन की मांग, सिंगल लेते हुए ओवर की समाप्ति, सिंगल लेते हुए ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 13 ओवर के बाद 66 रन 5 विकेट के नुकसान पे बना है। तो सभी दोस्तों सभी भाइयों को बोलूंगा भाई कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ 36 भाई जुड़ चुके हैं, कम से कम यहाँ पर और 4 लाइक जरूरत है यहाँ पर 30 लाइक से। तो देखते हैं भाई कौन भाई है जो कि हमें 4 लाइक करके जल्दी से जल्दी 30 लाइक तक पहुंचाता है। क्या लगता है भाई कौन सी टीम जीतेगा? अभी ये मैच बहुत रोचक हो जाएगा अगले 7 ओवर में, तो बने रहिएगा 7 ओवर, अगले 7 ओवर तक हमारे साथ बने रहिए, काफी महत्वपूर्ण मैच होने जा रहा है ये। लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। और इस बार फिर से एक बार बॉलिंग देता है लिली मिल्स को, लिली मिल्स ने इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल डाला था, खेल दिया है कवर की दिशा में, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता है। लिली मिल्स फिर से एक बार दाहिने हाथ के बॉलर है और काफी कमाल की गेंदबाज, फ्लाइटेड लगातार, इस बार फुल टॉस बॉल दिया था, सीधे बल्ले से खेल दिया है बॉलर के बगल से निकालने की कोशिश, मगर बेहतरीन फील्डिंग लिली मिल्स का, ड्राइव लगा के बॉल को रोका है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। इस ओवर की तीसरी गेंद डालेंगे लिली मिल्स, उससे पहले आपको बात करते हैं लिली मिल्स के बारे में, तो काफी कमाल के बैट्समैन है लिली मिल्स, बॉलर है सॉरी। 500 का ओवर्स के लिए यहां पर लिली मिल्स काफी बेहतर साबित होता हुआ। लिली मिल्स की अगर बात करें, ये काफी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अभी तक ये इनका जो बात करते हैं अभी तक जो इनका रिकॉर्ड्स है उतने खास नहीं है, बेसबॉल हिट के लिए सिर्फ एक मैच खेला था और 5 सॉकर्स के लिए ये मैच खेलते हुए। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी भी एडिलेड स्ट्राइकर्स को 55 रनों की जरूरत है 39 गेंदों पे इस मैच पे, थोड़ा सा रिक्वायर्ड रन रेट जो है थोड़ा सा बढ़ता हुआ। इस बार रुया रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, मगर बॉल टाइमिंग नहीं कर पाए, बॉल चला गया कवर की तरफ, एक रन मिल जाएगा विलिंगटन को। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 8.53 का रिक्वायर्ड रन रेट चल रहा है, और थोड़ी सी जो है रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लिली मिल्स और फिर से एक बार फ्लाइटेड गेंद, स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश किया था, सीधा बल्ले से खेला है बॉलर के हाथ में, कोई रन नहीं मिलेगा, लगातार अच्छी गेंदबाजी करता हुआ लिली मिल्स। जितना डॉट बॉल खेलेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बनेगा पैटरसन के ऊपर, और वो दबाव पिछली ओवर में देखना पड़ेगा। और इस बार हवा में खेलने की कोशिश, बॉलर के बगल से खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, सिंगल लेते हुए स्ट्राइक को अपने पास रखा है पैटरसन ने। इसको 14 ओवर के बाद 69 रन वहाँ पर 5 विकेट के नुकसान भी। भाई क्या लगता है, क्या पैटरसन और विलिंगटन इन दोनों मिलके एडिलेड स्ट्राइकर को जीत दिला पाएगा या नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अभी देखिए 5 सॉकर्स की जीतने की चांस जो है वो 69% लोगों ने कहा है कि यहाँ पर 5 सॉकर्स ओमन जो है जीत सकते हैं, जहाँ पर 31% ने कहा है कि एडिलेड स्ट्राइकर ही मैच जीतेगा। तो आपको क्या लगता है भाई कौन सी टीम इस मैच को जीत सकता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, साथ में वोटिंग यहाँ पर वोटिंग करके भी बता सकते हैं। तो आइए आए हैं तो यहाँ पर
थोड़ा सा अपना हाथ को कष्ट कीजिए और यहाँ पर बताइए कि कौन सी टीम यहाँ पर जीत सकता है, 500 का शोमैन या एडलेट स्ट्राइकर शोमैन। मार्जिनी कैफ गेंदबाज चेंज किया गया है, मार्जिनी कैफ आई है बॉलिंग डालने के लिए। अभी तक एडिलेट स्ट्राइकर्स ने कुल 8 गेंदबाज को यूज किया है, 8 गेंदबाज को यूज किया है सोफिया डिवाइन ने। मार्जिनी कैफ बॉलिंग का तबाह, तीसरा ओवर डाल रहे हैं, ऑफ टर्न के बाहर बॉल, स्लोअर बॉल था, देखना होगा कि अंपायर ने वाइड दिया है कि जी हाँ यहाँ पर वाइड दिया है, और इसी वाइड के साथ 70 रन पूरे हो गए हैं। मार्जिनी कैफ अपना तीसरा ओवर करती हुई और एक विकेट जरूर निकाली है, अब देखना होगा कि इस ओवर में क्या एक और विकेट निकाल पाती है कि नहीं। सोफिया डिवाइन ने इस मैच में 8 गेंदबाज को भी यूज़ किया है। इस बार स्लोअर मिडिल स्टंप का बॉल, हल्के बैटों से खेल दिया है बॉल को फाइन लेग की तरफ, फील्डर मौजूद है, 2 रन तो आराम से मिल जाएंगे जब तक बॉल को थ्रो करेंगे, और इसी 2 रनों के साथ स्कोर 72 रनों तक पहुँच चुका है। रन की गति थोड़ी सी बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है, अब देखना होगा कि थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, इसी तरह भाई लाइक करो और सपोर्ट करो भाई को, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सभी को बोलूंगा भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर से एक बार यहां पर पैटरसन है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे मार्जिनी कैफ की गेंदबाजी का। मार्जिनी कैफ अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार स्लोअर डाल रहे हैं और एक ही लाइन, और इस बार स्लो यॉर्कर डाला था, बॉल को खेल दिया है मिड विकेट की तरफ, सिंगल लिया है पैटरसन ने, तो लगातार कोशिश है यहाँ पर अच्छी साझेदारी बनाने की, और बड़ा शॉट की ज़रूरत है अगर आपको इस मैच में बने रहना है तो, इस ओवर में कम से कम एक बड़ा शॉट तो चाहिए। 34 गेंदों पे 49 रनों की ज़रूरत है एडिलेड स्ट्राइकर को इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस ओवर की तीसरी गेंद मार्जिनी कैफ सोफिया डिवाइन से कुछ बातचीत करते हुए, क्योंकि जानते हैं ये ओवर, ये बाकी 15 और 16 ओवर बहुत ही वाइटल है, अगर इस ओवर में दो, हर एक ओवर में अगर दो दो एक एक चौके भी लग गए तो ये रन जो है, और इस बार शॉर्ट ऑफ लेन बॉल डाला था, अच्छी बाउंसर बॉल, बॉल को पुल कर दिया है डीप फाइन लेग की तरफ सिंगल लेते हुए। सिंगल लेने से कोई परहेज नहीं है, अगर बड़ा शॉट लग गया तो दिक्कत हो सकता है। पार्थ विन गुड्डू जी कह रहे हैं भाई यहाँ पर पार्थ विन, भाई गुड्डू जी यहाँ पर पार्थ विन होगा, अब देखना होगा कि यहाँ पर बॉलिंग कैसी चलती है, क्योंकि अब तक जो है यहाँ पर 8 गेंदबाज को यूज किया है सोफिया डिवाइन ने, बेहतरीन गेंदबाजी, डॉट बॉल होता हुआ, बेहतरीन गेंदबाजी कह सकते हैं आप मार्जिनी कैप का, और एडिलेड स्ट्राइकर्स को अभी भी इस मैच में बने रहना है तो इस ओवर में कम से कम एक चौका या छक्का चाहिए, क्या इस अगले 2 गेंदों पे क्या चौका छक्का बन पाएगा पैटरसन, क्या लगा पाएगा, क्या पैटरसन और विलिंगटन इस मैच में जीता पाएगा एडिलेड स्ट्राइकर को। मार्जिनी कैफ की इस बार फुल लेंथ बॉल, बॉल को थोड़ी सी स्टेप आउट करके खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, सिंगल मिल जाएगा इस गेंद पे, और इसी सिंगल के साथ स्कोर भी बन चुका है 75 रन 5 विकेट के नुकसान पे। आखिरी बॉल है और गुड्डू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये पार्थ सॉकर्स के जो है सपोर्टर है, फैंस है, अभी भी यहाँ पर पार्थ सॉकर्स ओमन के लिए 69% लोगों ने कहा है, 69% लोगों ने कहा है कि यह पार्थ सॉकर्स ओमन जीतेगा, उनमें से गुड्डू जी एक है। तो भाई लाइक जरूर करिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मार्जिनी कैप आखिरी गेंद इस ओवर का और सामना करेंगे विलिंगटन, तीसरे ओवर डाल रहे हैं और इस बार हाँ में खेल दिया है, देखना होगा पिन नीचे फिल्डर है कि नहीं, जी नहीं, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन और 4 रन भाई आखिरी बॉल पे चौका लगा के मैच में वापसी किया है एडिलेड स्ट्राइकर्स ने। 15 ओवर के बाद 79 रन बन चुका है, अभी भी यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर को 30 गेंदों पे 43 रनों की जरूरत है, बहुत जरूरत था इस चौके का। विलिंगटन ने बॉलर के ऊपर से शॉट को खेल दिया था और 4 रन मिल गए, और इसी चूक कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर। हमारे 100 लोगों ने वोटिंग किया है, 100 लोगों में से 70 लोगों ने कहा है कि यहाँ पर पार्थ सॉकर शोमैन जीत सकेगा, और 30% है वो 30% लोगों ने कहा है कि एडिलेड स्ट्राइकर्स इस पे ज्वाइन हो विन होगा। तो आपको क्या लगता है भाई कमेंट कीजिए, साथ वोटिंग में भी पार्टिसिपेट करके हमें बताइए कि कौन सी टीम यहाँ पर विन हो सकता है।
पांच ओवर बाकी है, 30 गेंद 43 रन। और यहां पर सिंगल लेते हुए, अगली गेंद पे यहां पर सिंगल लेते हुए लिली मिल्स अपना तीसरा ओवर डाल रही है और काफी अच्छी गेंदबाजी किया है लिली मिल्स। लिली मिल्स ने काफी अच्छे गेंदबाजी किया है, तो देखना होगा क्या लिली मिल्स से यहां पर से एक ओवर एडिलेड स्ट्राइकर्स को, और इसी चौके के साथ स्कोर भी यहां पर बढ़ता हुआ 84 रनों तक पहुंच चुका है 15 ओवर दो गेंदों के बाद। मैच बहुत रोचक हो चुका है इस ग्राउंड पे। थोड़ा सा फुल टॉस बॉल था, थोड़ा सा स्टेप आउट करके यहां पर बॉल का लीडिंग एज लिया, बॉल चला गया थर्ड मैन की तरफ 4 रनों के लिए। फिर से एक बार लिली मिल्स फिर से फुल टॉस दिया देने की कोशिश, और यहां पर कैच, यहां पर विकेट, विलिंगटन का विकेट निकाल लिया है, और देखना होगा अब किसी भी तरीके से यहां पर विकेट मिल चुका है। लिली मिल्स की फ्लाइटेड गेंद थी, विद द स्पिन बॉल को खेल दिया था, मिड ऑफ में फील्डर मौजूद थे कैच लेने के लिए, और यहां पर आउट होता हुआ छठा विकेट, छठा विकेट गिर चुका है 84 पे 6 15 ओवर तीन गेंदों के बाद। तो भाई बहुत ही बेहतरीन यहां पर, और एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से हाथ से ये मैच निकलता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है भाई अभी यहां पर एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से मैच हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है भाई? अभी भी मैदान पे बने हुए हैं यहां पर पैटिसन जो कि 12 रनों की स्कोर पे खेल रही है। तो भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें, और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या पूरी टीम यहां पर आउट हो जाएगा, पूरी टीम क्या यहां पर आउट हो जाएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइए भाई। लिली मिल्स ने काफी कमाल की गेंदबाजी किया है, आखिर के जो ओवर के दिया है सोफिया डिवाइन ने, बहुत कामयाब यहां पर कप्तानी, बहुत ही उम्दा कप्तानी यहां पर सोफिया डिवाइन का, 8 गेंदबाज को यूज किया है यहां पर मैच में। देखा कि रन टारगेट जो है बहुत ही कम है, और उसको देखते हुए 8 गेंदबाज को यूज किया है, स्वीप कर दिया है, और यहां पर 4 रन मिल जाएंगे डीप स्क्वायर लेग की तरफ से, और इसी चौके के साथ स्कोर भी यहां पर बढ़ता हुआ 88 रन 6 विकेट के नुकसान पे, 15 ओवर 5 गेंदों के बाद 88 रन 6 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 25 गेंदों पे 34 रनों की जरूरत है, 25 गेंदों पे 34 रनों की जरूरत है। पार्लिन है स्ट्राइक पे आखिरी गेंद, और इस बार पैड पे लगा, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो भाई यहां पर 24 गेंदों पे रन चाहिए, यहां पर 24 गेंदों पे 34 रनों की जरूरत है इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। तो रन बॉल है और यहां पर हो सकते हैं, तो भाई हमारे साथ बने रहिए, बाकी के 4 ओवर बहुत ही रोचक हो जाएगा, क्योंकि पार्लिन एंड पैटिसन यहाँ पर पैटिसन भी मौजूद है, साथ में मैक पार्लिन भी है, तो दोनों ही अच्छे बल्लेबाज हैं, और एक एक्स्ट्रा गेंद यहाँ पर बल्लेबाज को खिलाने का अब फायदा मिल सकता है एडिलेड स्ट्राइकर्स को। तो भाई लाइक कर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से पैटिसन है स्ट्राइक पे और बॉलिंग करेंगे, मुझे लगता है शायद यहाँ पर ग्रिफ्थ, लीजा ग्रिफ्थ शायद आई है बॉलिंग डालने के लिए। सारे फील्डर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, मिड डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, डीप फाइन लेग, सारे फील्डर जो है यहाँ पर बाउंड्री लाइन पे लगा दिया गया है। ग्रिफ्थ आई है शायद बॉलिंग डालने के लिए, पहला गेंद और सामना करेंगे यहाँ पर पैटिसन। पहली गेंद देखना होगा, पहला गेंद देख के ये आपको पता चल जाएगा कि, और इस ओवर की पहली गेंद हवा में खेल दिया है डीप, और यहाँ पर बेहतरीन कैच लॉन्ग ऑन में पहले से ही देख लिया था, और यहाँ पर बेहतरीन कैच, आउट होता हुआ पैटिसन, और इसी विकेट की तलाश थी, और यहाँ पर पूरी तरीके से मैच पे बन चुका है, और इसी के साथ आउट होता हुआ पैटिसन लॉन्ग ऑन। मैंने पहले ही कहा था सारे फील्डर जो है डीप में लगाया गया है, ग्रिफ्थ ने बॉल किया था, इस बार फ्लाइटेड गेंद थी और हाव में खेल दिया था, और कोई दिक्कत नहीं हुआ, बेहतरीन फील्डिंग यहां पर, और 7वां विकेट गिरता हुआ 16 ओवर 1 गेंदों के बाद 88 रन 1 विकेट यहां पर 7 विकेट के नुकसान पे। हैदर ग्रहम बॉलिंग डाल रहे हैं भाई, हैदर ग्रहम ने
विकेट निकाला है, पहला विकेट इनका, हैदर ग्राम का पहला विकेट, ये इनका दूसरा ओवर है। तो भाई लाइक जरूर करें, भाई लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट जरूर करें। बेहतरीन मैच होता हुआ पांच सॉकर से 121 जैसी लोएस्ट स्कोर को डिफेंड करता हुआ दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है भाई, अभी भी 70% लोगों ने कहा है कि यहाँ पर पांच सॉकर सोमन जो है जीत सकता है। तो चलिए देखते हैं इस बार अगली गेंद और सामना करेंगे। यहाँ पर नए बल्लेबाज आ चुका है मैदान पे, मैक पार्लिन है स्ट्राइक पे और सामना करेंगे हैदर ग्रहम की गेंदबाजी का। हैदर ग्रहम बॉलिंग करते हुए मैक का पार्लिन को राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ, इस बार अच्छी लेंथ पे डाला था, यॉर्कर डालने की कोशिश, पैर की तरफ बॉल किया था, बॉल को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, सिंगल लेते हुए यहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट किया है। स्कोर हो चुका है भाई 99 रन 7 विकेट के नुकसान पे। अभी भी यहाँ पर स्कोर एडिलेड स्ट्राइकर को चाहिए 33 रन 22 गेंदों पे। क्या बन पाएगा, हैदर ग्रहम फिर से बार बॉलिंग करने के लिए तैयार और सारा कोटे जो कि एक गेंदबाज है वो यहाँ पर बैटिंग करेंगे। हैदर ग्रहम की गेंद हवा में खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 1 बाउंस 4 रनों के लिए और यहाँ पर चौका लगा दिया है भाई, यहाँ पर सारा कोटे ने चौका लगाया है और इसी चौके के साथ स्कोर जो है 93 रन बन चुका है, फिर 93 रन बन चुका है। बेहतरीन यहाँ पर इस ओवर में चौका लगा के शुरुआत बहुत ही बढ़िया किया है सारा कोटे ने। अभी भी उम्मीद बनाए हुए हैं यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर के। सारा कोटे सामना करेंगे फिर से एक बार ग्रहम की गेंदबाजी का, बाएं दाहिने हाथ के खिलाड़ी हैं यहाँ पर सारा कोटे और इस बार फिर से एक बार यॉर्कर डाला था बॉल, खेल दिया है स्क्वायर लेग की तरफ, सिंगल लेके स्ट्राइक को रोटेट किया है। लगातार अच्छी गेंदबाजी चल रही है यहाँ पर हैदर ग्रहम का, पिछली बॉल पे चौका लगाने के बाद अच्छी कमबैक किया है ग्रहम ने। अभी भी यहाँ पर स्कोर की बात करें तो 20 गेंदों पे 28 रनों की जरूरत है, मैच लास्ट बॉल तक जाएगा। इस बार थोड़ी सी क्विक डिलीवरी था, अंदर की तरफ जल्द आया था बॉल, बॉल को खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, 2 रन आराम से कंप्लीट करते हुए मैक पार्ली और इसी 2 रनों के साथ स्कोर भी हो चुका है 96 रन। यहाँ पर 26 रनों की जरूरत है अभी भी 19 गेंदों पे। तो यहाँ पर हमारे साथ अब यहाँ पर जितने भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलूँगा भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें। ग्रहम बॉलिंग करता हुआ हैदर ग्रहम इस ओवर की आखिरी गेंद और फिर से एक बार यॉर्कर डाला था बॉल को, खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, 2 रन आराम से लेते हुए, जी नहीं यहाँ पर 2 रन की कोशिश थी मगर बीच मैदान से वापस किया है सारा कोटे को, कोई यहाँ पर सिंगल मिलता हुआ और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है 17 ओवर के बाद 97 रन 7 विकेट के नुकसान पे बना है। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूँगा भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा, 18 गेंद अभी भी बाकी है इस मैच में और 25 रनों की ज़रूरत है। मैदान पे बने हुए हैं सारा कोटे एंड मैक पार्लिन, तो दोनों ही बल्लेबाज जो है नए बल्लेबाज है, दोनों के बीच 9 रनों का पार्टनरशिप बन चुकी है। मैक पार्लिन 133 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए, जहां पर सायरा कोटे जो है 2 गेंदों पे 5 रन बना के खेल रही है। तो एक उम्मीद जगाया है यहां पर एडिलेड स्ट्राइकर के लिए एंड एलिना किंग, जी हां स्पिनर गेंदबाज एलिना किंग को यहां पर बल्लेबाजी या गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है, सोफिया डिवाइन ने बुलाया है। क्या देखना होगा एलिना किंग रन रोकने में कामयाब होते हैं कि नहीं। चार फील्डर ऑफ साइड में लगाए गए हैं मैक पार्लिन के लिए। इस बार बैकफुट में जाके खेलने की कोशिश किया था, अच्छी बॉल गुगली बॉल डाला था, सीधा विकेट कीपर के हाथ में गया है। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर एलिना किंग का, आखिरी ओवर चल रहा है यहाँ पर, आखिरी ओवर की मैच चल रहा है, 3 ओवर बाकी है, सिर्फ और सिर्फ 17 गेंदें बाकी है। इस बार फ्लाइटर गेंद देने की कोशिश, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, आखिरी मोमेंट पे बैट को रोक लिया, सिंगल मिल जाएगा इस बार और इसी सिंगल के साथ स्कोर भी 98 रनों तक पहुंच चुका है। धीरे धीरे यहां पर अच्छी खासी मैच होता हुआ, अभी भी यहां पर आपको बता दें कि 16 गेंदों पे 24 रनों की जरूरत है। कभी भी एक बड़ा शॉट मैच को पलट सकता है एडिलेड स्ट्राइकर के लिए, एक बड़ा शॉट एडिलेड स्ट्राइकर की के लिए मैच को पलट सकता है। एलिना किंग बॉलिंग करता हुआ सामना करेंगे यहाँ पर सायरा कोटे। तो भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट जरूर करें।
एलिना किंग राइट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग करता हुआ कोइटा को, कोइटा ने ऑफ साइड में के बॉल को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की तरफ, दो रन की मांग है और यहाँ पर दो रन कंप्लीट नहीं, यहाँ पर सिंगल लेते हुए और इसी सिंगल के साथ स्कोर भी 99 तक पहुंच गया है। अभी भी 15 गेंदों पे 23 रनों की जरूरत है, एक बड़ा शॉट मैच को पलट सकता है भाई। तो हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस ओवर का 3 गेंदे अभी भी बाकी है एलिना किंग का और सामना करेंगे मैक पार्लिंग, क्या बड़ा शॉट लग पाएगा बाकी के 3 गेंदों पे। इस बार ऑफ स्टंप पे बॉल था, बॉल को खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है और यहाँ पर देखना होगा कि जी हाँ यहाँ पर एक रन लेते हुए यहाँ पर मिस फील्ड करने का कोई गुंजाइश ही नहीं है और थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी और यहाँ पर एक रन लेते हुए स्कोर को 100 रनों तक पहुँच चुका है। एडिलेड स्ट्राइकर का 100 रन बन चुका है, 22 रनों की जरूरत है और सिर्फ 14 गेंदों पे। क्या यहाँ पर सायरा कोट एक बड़ा शॉट लेंगे, जी हाँ यहाँ पर उठा के खेल दिया है हवा में, फील्डर भाग रहे हैं, दो रन तो आराम से मिल जाएंगे इस गेंद पे और बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दो रन कंप्लीट करते हुए और इसी दो रनों के साथ स्कोर भी 102 रनों तक पहुंच चुका है। अभी 13 गेंदों पे 20 रनों की जरूरत है, 13 गेंद 20 रन क्या बन पाएगा भाई, कमेंट करके हमें जरूर बताइए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफ़ी रोचक हो चुका है ये मैच, सारे फील्डर जो है बाउंड्री लाइन पर तैनात किए गए हैं। एलिना किंग के इस ओवर की आखिरी गेंद और इस बार पैड पे लगा जोरदार अपील, ऑफ स्टंप पे पिछली गेंद थी और अंपायर ने कहा थोड़ा सा जो है यहाँ पर ऑफ स्टंप की बाहर की तरफ निकलता हुआ। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 18 ओवर के बाद स्कोर जो है 102 रनों तक पहुंच चुका है 7 विकेट के नुकसान पे। हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेहतरीन मैच होता हुआ, 12 गेंदे बाकी है, 12 गेंदों पे 20 रनों की जरूरत है, क्या बन पाएगा या नहीं बन पाएगा कमेंट करके मैं जरूर बताइए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। एक विकेट और एक बड़ा शॉट 12 गेंदों पे 20 रनों की जरूरत है इस मैच में एडिलेड स्ट्राइकर को और फिर से वह बॉलिंग करता हुआ हवा में खेल देने की कोशिश मगर बॉल को खेल दिया गैप में, खेला हुआ शॉट और यहाँ पर चौका, पहली गेंद पे चौका लगा दिया है मैक पार्ली ने। मैच का रुख बदलता हुआ, टाइम नहीं लगेगा इस बार और इसी चौके के साथ स्कोर भी 106 तक पहुंच चुका है। मैक पार्ली ने हैदर ग्रहम की पहली गेंद पे चौका लगा दिया है और चौके के साथ मैच भी बदल जा सकता है। तो भाई लाइक करो और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो। मैक पार्लिन जो कि 16 रनों की स्कोर पे खेल रही है और सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का और इस बार लेग स्टंप पे पिछली गेंद वाइड बॉल, जी हाँ यहाँ पर वाइड बॉल और एक अतिरिक्त रन स्कोर बोर्ड में जुड़ेगा 107। आपको बता दें कि यहाँ पर 11 गेंदों पे 15 रनों की जरूरत है। मैक पार्लिन है स्ट्राइक पे और सामना करेंगे हैदर ग्रहम की गेंदबाजी का। हैदर ग्रहम बॉलिंग करता हुआ राइट आर्म ओवर द विकेट और इस बार हार्ड हिट किया है बॉल को, ग्राउंड शॉट, बॉल चला गया डीप मिड विकेट की तरफ, सिंगल मिल जाएगा इस बार। तो भाई मैच बहुत रोचक हो चुका है और यहाँ पर सायरा कोटे और मैक पार्लिन ने एडिलेड स्ट्राइकर को एक जीत की तरफ बढ़ता हुआ और यहाँ पर 5 सॉकर्स को एक विकेट चाहिए अगर मैच को अपने नाम करना है तो। और देखना होगा कि अगले जो गेंदबाज हैं यहाँ पर हैदर ग्रहम और 3 फील्डर जो यहाँ पर मिड ऑफ, शॉर्ट फाइन लेग, थर्ड मैन, शॉर्ट थर्ड मैन, सारे जगह पे फील्डर लगाया गया है और इस बार यॉर्कर डाला था ग्रहम ने, बॉल को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, दो रन की मांग है और यहाँ पर सिंगल लेके स्ट्राइक अपने पास, यहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट किया है और स्कोर जो है 109 रनों तक पहुँच चुका है 7 विकेट के नुकसान पे। तो भाई बेहतरीन यहाँ पर मैच चलता हुआ, मैच इंटरेस्टिंग हो चुका है। मैंने पहले ही कहा था कि 121 रन जो है यहाँ पर मैच में फाइटिंग बनेगा, मेरा उम्मीद था कि 130-135 रन जरूर बन जाए और इस बार थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है, बॉल को बड़ा शॉट खेलने की कोशिश किया था बाई का इशारा अंपायर का, एक रन जरूर मिला है मगर थोड़ा सा स्टैंप आउट का भी चांस मिस किया है बेथ मुनी ने और इसी के साथ स्कोर भी 110 तक पहुँच चुका है 7 विकेट के नुकसान पे। अभी यहाँ पर 8 गेंदों पे 12 रनों की जरूरत है, क्या इस मैच में क्या एडिलेड स्ट्राइकर जीत हासिल कर पाएगा या 5 सॉकर जीतेगा। इस बार हार्ड हिट किया है, फिर से एक बार बड़ी शॉट मगर इस बार डीप स्क्वायर लेग में फील्डर मौजूद, दो रन, जी हाँ यहाँ पर दो रन कंप्लीट करते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से दो रन कंप्लीट करते हुए यहाँ पर सायरा कोइटे ने।
साइरा कोइटे और यहां पर 157 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता हुआ 7 गेंदों पे 11 रन और दूसरी तरफ पर मैक पार्लिन जो कि 12 गेंदों पे 15 रनों की स्कोर पे खेल रही है और यहां पर जरूरत है तो एक बड़ा शॉट की। साइरा कोइटे सामना करेंगे हैदर ग्राम की गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पे आके बॉल को स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया है, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, एक रन मिलता हुआ और इसी एक रनों के साथ स्कोर भी 113 रनों तक पहुंच चुका है और अभी भी यहां पर 6 गेंदों पे 9 रनों की जरूरत है। भाई मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, पिछला बार हम लोगों ने देखा था पार्थ सॉकर्स के भी साथ सिडनी से थंडर का जो मैच हुआ था वो पावर यहां पर सुपर ओवर तक गया था और इस मैच में भी हमें क्या सुपर ओवर देखने के लिए मिल सकेगा, क्या इस ओ या इस मैच में भी सुपर ओवर मिल सकेगा देखने के लिए, क्योंकि स्कोर जो है 113 रन बन चुके हैं 19 ओवर तक 7 विकेट के नुकसान पे, 6 गेंदों पे 9 रनों की जरूरत है। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आखिरी ओवर 6 गेंदें 9 रन, कौन सा टीम यहां पर जीत सकता है भाई कमेंट करके हमें जरूर बताइए और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ यहां पर जी हाँ, यहाँ पर मार्जिनी कैप आखिरी ओवर डालेंगे मार्जिनी कैप, क्या भाई यहाँ पर लाइक करो मार्जिनी कैप डालेंगे आखिरी ओवर और स्लोअर डालती है और स्लोअर की ही यहाँ पर जरूरत है, तेज गेंदबाजी अगर करेंगे तो यहाँ पर बड़ा शॉट लग जाएगा, तो स्लोअर डालते हैं और अच्छी गेंदबाज है, एक्सपीरियंस्ड है और इसी के लिए सोफिया डिवाइन ने इनको बॉल दिया है आखिरी ओवर। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, इसी तरह भाई लाइक करो और सपोर्ट करो भाई को। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ मार्जिनी कैफ और इस ओवर की पहली गेंद, ओहो थोड़ा सा स्टैम्प छोड़ के बॉल को खेल दिया है मिड विकेट की तरफ, सिंगल लेते हुए स्कोर को पहुंचा दिया है 114 तक पहुंच चुका है भाई। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, इसी तरह भाई लाइक करो और सपोर्ट करो भाई को और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई सभी को बोलूंगा लाइक जरूर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ यहाँ पर मार्जिनी कैफ, थोड़ा सा सोफिया डिवाइन से बातचीत करते हुए क्योंकि 5 गेंदों पे 8 रनों की जरूरत है और सारे फील्डर यहाँ पर डीप स्क्वायर लेग डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ फील्डर लगाए गए हैं और लॉन्ग ऑफ का फील्डर जो है वो 30 गज के दायरे के अंदर लगाया गया है, तो फील्डिंग में तब्दीली करते हुए यहाँ पर मार्जिनी कैफ डॉट बॉल, जी हाँ डॉट बॉल होना चाहिए, अगर डॉट बॉल होंगे तो यहाँ पर दिक्कतें बढ़ जाएगी, जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ और इस बार बॉल को खेल दिया है 4 रनों के लिए फाइन लेग की तरह, भाई यहां पर मैच में चौका लग चुका है और ये चौका लगाया है आपको बता दे मैक पार्लिन ने और इसी चौके की तलाश थी, अभी सिर्फ 4 गेंदों पे 4 रनों की जरूरत है, 118 रन ऑलरेडी बन चुका है, तो भाई बने रहिए हमारे साथ, चौका लग चुका है और ये मैच एडिलेड स्ट्राइकर जिस तरीके से जिस अंदाज से इस मैच को जीतते हुए दिख रही है उसको देखते हुए सोफिया डिवाइन से बातचीत करते हुए यहाँ पर मार्जिनी कैप। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं बहुत सारे भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई जुड़ने के लिए और सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 4 गेंदों पे 4 रनों की जरूरत है, मार्जिनी कैप बॉलिंग के लिए तैयार और सामना करेंगे मैक पार्लिन, इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे मैक पार्ली, क्या इस गेंद पे बड़ा शॉट लगेगा या एक विकेट आएगा, चलिए देखते हैं। मार्जिनी कैप राइट आप ओवर द विकेट बॉल करता हुआ मैक पार्लिन को, इस बार लेंथ बॉल अच्छी लेंथ पे डाला हुआ, स्लोअर बॉल था, मिड ऑफ में फील्डर मौजूद और यहां पर बॉल को रोक लिया गया है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ भाई, एक डॉट बॉल का मतलब है 3 गेंदों पे 4 रनों की जरूरत है, 3 गेंदों पे 4 रनों की जरूरत है तो मैच सुपर ओवर तक भी जा सकता है, क्या लगता है भाई कमेंट करके मैं जरूर बताइए। और यहाँ पर अभी भी 5 सॉकर्स के साथ 70% लोग बने हुए हैं और यहाँ पर 30% लोग जो है एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ बना हुआ है। मार्जिनी कैप की अगली गेंद, मैक पार्लिन को फुल टॉस दिया था बॉल को और यहाँ पर हल्के से बैटों से खेला, बॉल को सिंगल लेते हुए और यहाँ पर कोई जोखिम नहीं ले रहा है बैट्समैन, 2 गेंदों पर यहाँ पर 3 रनों की जरूरत है, बेहतरीन गेंदबाजी या कोशिश है तो यहाँ पर सिंगल रोकने का, जी हाँ यहाँ पर कोशिश है तो सिंगल रोकने का। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है भाई, तो चलिए देखते हैं, बने रहिए लाइक और मार्जिनी कैप की गेंद, फुल टॉस बॉल, मिड ऑफ की तरफ खेला है और यहाँ पर सिंगल लेते हुए और यहाँ पर मुझे लगता है कि आउट होना चाहिए, जी हाँ यहाँ पर थोड़ा सा पहले थ्रो करता तो शायद आउट हो जाता,
यहाँ पर एक गेंद और दो रन, और यहाँ पर एक रन बनेंगे तो यहाँ पर सुपर ओवर हो जाएगा, सुपर ओवर हो जाएगा। एक गेंदों पे दो रन, जीतने के लिए दो रन और यहाँ पर बराबरी के लिए एक रन। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है भाई, क्या लगता है भाई कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर एक रन लेंगे तो सुपर ओवर तक मैच जाएगा, और अगर दो रन लेंगे तो एडिलेड स्ट्राइकर्स जीत जाएगा, और यहाँ पर अगर एक विकेट निकाल लेंगे मार्जिनी कैफ तो ये मैच पास सॉकर्स जीत जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है ये, और मुझे लगता है कि ये मैच जो है सुपर ओवर तक जाने वाला है। एक गेंदों पे दो रनों की जरूरत है, कुछ भी हो सकता है। टिनसेन जो है दोनों टीमों के ऊपर बराबर है, बैट्समैन मैक पार्लिन जो स्ट्राइक लेंगे और मार्जिनी कैप दोनों के ऊपर जो है यहाँ पर काफी अच्छा चलिए यहाँ पर फिर से एक बार बहुत ही भाई हमारे साथ बहुत सारे अमन पटेल जी जुड़ चुके हैं, सैंकी जी जुड़ चुके हैं। विकेट गया जी नहीं, अभी तक विकेट नहीं गया है। यहाँ पर देखना होगा कि बॉलिंग करने आए हैं मार्जिनी कैप और सामना करेंगे मैक पार्लिन। देखना होगा कि थोड़ा सा टेंशन माहौल बना हुआ है, टेंशन का माहौल बना हुआ है, और दोनों ही बल्लेबाज अपने आपस में बातचीत करते हुए कि बैट में लगे और दौड़ पड़े, ऐसा कुछ बातचीत चल रहा होगा आपस में। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मार्जिनी कैफ की आखिरी गेंद तैयार हो चुकी है, और इस ओवर की आखिरी गेंद, और यहाँ पर बॉल को खेल दिया है डीप फाइन लेग की तरफ, दो रन की कोशिश होगी मगर यहाँ पर मुझे लगता है सुपर ओवर। जी हाँ, यहाँ पर सुपर ओवर, सुपर ओवर तक पहुंच चुकी है, एक ही रन मिले हैं, और यहाँ पर एक रन और एक विकेट भी गया है, रन आउट हुए हैं, दो रन की कोशिश था मगर रन आउट हो चुके, और यहाँ पर मैच बराबरी पे खत्म हुआ है, स्कोर लेवल हो चुका है, और यहाँ पर मुझे लगता है सुपर ओवर तक मैच चला गया है। जी हाँ, सुपर ओवर तक मैच चला गया है, बहुत ही अच्छा दिलचस्प मैच से देखने के लिए मिला था। इससे पहले जो पांच सॉकर्स के साथ सुपर ओवर हुआ था उस मैच में हम लोगों ने देखा था पांच सॉकर्स ने किस तरीके से जीत हासिल किया था। तो आज भी यहाँ पर सुपर ओवर देखने के लिए मिल जाएगा। तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच आज देखने के लिए मिलेगा। पहले गेंद से ही मैंने कहा था कि आज जो है ये मैच काफी रोचक हो जाएगा। पास सॉकर्स और पास सॉकर्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच जो सुपर ओवर हुआ था उस सुपर ओवर ने पास सॉकर्स ने 137 रन बनाए थे और उस मैच को उस पे डिफेंड कर लिया था, और सुपर ओवर में पांच सॉकर्स ने जीत हासिल किया था। और इस बार भी यहां पर मुझे लगता है कि कौन कर रहा है भाई, अभी तक नहीं हुआ है सुपर ओवर। जी हां, मैंने पहले ही कहा था वो सुपर ओवर, और सुपर ओवर ही हो गया है, और यहां पर मुझे लगता है कि मैच टाई। अब देखना होगा कि सुपर ओवर कब तक स्टार्ट होता है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़ी ही देर में थोड़ा सा रेस्ट लेने दीजिए, उसके बाद सुपर ओवर स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई बने हुए हैं सभी का सुपर ओवर होगा। जी हाँ, अंकित नेगी जी, सुपर ओवर जरूर होगा भाई। तो भाई जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई सभी को बोलूंगा लाइक कर ले, और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। काफी बहुत ही रोचक यहाँ पर मैच होने वाला है। और यहाँ पर 12 लाइक दूर है, 12 लाइक दूर है, यहाँ पर सिर्फ 40, यहाँ पर 50 लाइक से, तो जल्दी से जल्दी भाई यहाँ पर 50 लाइक पूरे कर दे। जो हमारे साथ बहुत सारे भाई जुड़ चुके हैं, 55 भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर सिर्फ 12 लाइक चाहिए 50 लाइक तक पहुँचने के लिए। तो जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए भाई सभी को बोलूँगा लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मैच सुपर ओवर तक पहुँच चुका है, मैच जो है सुपर ओवर तक पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि सुपर ओवर में कौन गेंदबाजी और कौन बल्लेबाजी करेगा। मुझे लगता है पहले बल्लेबाजी करेंगे यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स, जैसा कि नियम कहा जाता है।
तो भाई थैंक यू सो मच भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बने रहिएगा, सुपर ओवर काफी दिलचस्प होने वाला है, काफी दिलचस्प होने वाला है इस सुपर ओवर। आज पार्थ सॉकर्स ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और पहले बल्लेबाजी करते हुए पार्थ सॉकर्स की शुरुआत बहुत अच्छा हुआ था, मगर सोफिया डिवाइन और बेथ मुनी आउट हो जाने के बाद जो निचले क्रम के बैट्समैन है वो अच्छा परफॉर्म किया था, मगर मिडिल ऑर्डर में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर पाया था, और उसके बदौलत पार्थ सॉकर्स ने 121 रन बनाए हैं सिर्फ 5 विकेट के नुकसान पर। और उसके बाद अगर बात करें एडिलेड स्ट्राइकर्स को 121 रनों पे ही डिफेंड कर दिया, तो फिर से एक बार पार्थ सॉकर्स के लिए एक सुपर ओवर सामना करना पड़ेगा। लाइक करें भाई, लाइक करिए, और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेहतरीन मैच होता हुआ। तो थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पर 11 यहाँ पर अंकित नेगी जी सुपर ओवर स्कोर दिखाओगे? जी हाँ जरूर दिखाएंगे भाई, सुपर ओवर में जरूर दिखाएंगे, और आपके साथ हम बातचीत करते रहेंगे भाई अंकित नेगी जी, आपके साथ हम बातचीत करते रहेंगे सुपर ओवर का भी। यहाँ पर सुपर ओवर, जी हाँ सुपर ओवर होने वाला है, आपके साथ हम बातचीत करते रहेंगे अमित नेगी जी, आपको बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे। और हमारे यहाँ पर 40 लाइक पूरे कर दिए हैं भाई ने, थैंक यू सो मच भाई 40 लाइक पूरा करने के लिए। और हम बात करेंगे आज का टारगेट 50 लाइक का, तो यहाँ पर 10 लाइक और कर दीजिए ताकि हम यहाँ पर, जी हाँ पार्थ सॉकर्स की जो फील्डर हैं यहाँ पर मैदान पे उतरते हुए, पार्थ सॉकर्स की फील्डर यहाँ पर मैदान पे उतरते हुए, और हमारे साथ भाई जुड़ जाइए, क्योंकि मैच का जो 6-6-12 गेंदे होंगे वो 12 गेंदे बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और हमारे साथ बने रहिएगा भाई, लाइक जरूर कीजिएगा। एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से ओपन यहाँ पर कौन करने आएगा, सुपर ओवर में खेलने के लिए आएगा कौन, ये देखना होगा। अपनी तेज तरह बल्लेबाज को भेज सकते हैं, वैन नाइकर को भेज सकते हैं यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर ओपन करने के लिए, और साथ में आ सकते हैं, देखना होगा कि कौन किसको किसको यहाँ पर ओपन करने के लिए दिया जाता है। पांच सॉकर्स की यहाँ पर खिलाड़ी मैच पर मैच होता हुआ स्टार्ट होता हुआ, जी हाँ एडिलेड स्ट्राइकर के लिए यह मैच स्टार्ट होता हुआ भाई। यहाँ पर बल्लेबाजी करने आई है एडिलेड स्ट्राइकर्स वैन नाइकर्क एंड कैटी मैक, जी हाँ वैन नाइकर्क एंड कैटी मैक ये दोनों आई हैं बैटिंग करने के लिए। और साथ में आपको बता दें यहाँ पर मार्जिनी कैप शायद गेंदबाजी करेंगे, तो काफ़ी कमाल का मैच होने वाला है भाई, काफ़ी कमाल का मैच होने वाला है। मैच स्टार्ट होने जा रहा है और सामना करेंगे नाइकर्क, मैंने पहले ही कहा था तेज तरह बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं नाइकर्क, और सामना करेंगे यहाँ पर मार्जिनी कैप की गेंदबाजी का। तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा, 2 लाइक यहाँ पर, 10 लाइक दूर है यहाँ पर 50 लाइक से, तो जल्दी से जल्दी भाई 50 लाइक पूरा कर दे। एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ से यहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे, मार्जिनी कैप की गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, वैंडा को और इस बार हवा में खेल दिया है बॉल को डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर मौजूद है, 2 रन आराम से ले लेंगे, जी हाँ पहली गेंद पे यहाँ पर 2 रन लेते हुए, और इसी 2 रनों के साथ स्कोर जो है यहाँ पर पहली गेंद और यहाँ पर 2 रन मिलते हुए पार्थ को जीता। आओ चलिए देखते हैं अमित नेगी जी, जो यहाँ पर अच्छा खेलेगा वो तो जीतेगा, क्योंकि पार्थ सॉकर्स ने आज बेहतरीन परफॉर्म किया है, खास करके बॉलिंग सेक्शन में, बॉलिंग और फील्डिंग सेक्शन में, ताकि यहाँ पर 121 रन जैसी लोएस्ट स्कोर को डिफेंड कर दिया है। फिर से एक बार मार्जिनी कैप बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की दूसरी गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप पे बॉल पिछवी गेंद थी कट करने की कोशिश, मगर पूरी तरीके से बीट हो गए, यहाँ पर डॉट बॉल होता हुआ, तो यहाँ पर डॉट बॉल होते हुए 2 गेंदे हो चुके हैं सिर्फ एडिलेड स्ट्राइकर, 2 रन बने हैं भाई। अंकित नेगी जी कह रहे हैं कि पार्थ को जिताओ भाई, देखते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि 66% लोगों की जो उम्मीद है यहाँ पर पार्थ सॉकर्स के साथ बना हुआ है, और 34% और इस बार मिड ऑफ के तरफ मिड ऑन की तरफ फिर से एक बार खेल दिया है सिंगल मिड, और यहाँ पर फिर से 2 रन भाई, यहाँ पर लगातार दो गेंदों पे 2 रन लिया है और 1 गेंद डॉट डाला है, तो 3 गेंदों पे यहाँ पर 4 रन बने हैं, 3 गेंदों पे यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर का 4 रन बने हैं, बाकी 3 गेंदों पे अगर कोई बड़ा शॉट नहीं लगेगा तो स्कोर कम से कम मुझे लगता है कि 10-11 रन बन सकता है। मार्जिनी कैप फिर से एक बार बॉलिंग करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, और इस बार हवा में खेल दिया है बड़ी शॉट, जी हाँ बड़ी शॉट नाइकर्क ने लगाया है, और यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग, और यहाँ पर रन आउट होने का चांस, जी हाँ यहाँ पर रन आउट,
जी हाँ, यहाँ पर रन आउट होते हुए दो रन मिले हैं और यहाँ पर विकेट, मुझे लगता है कि रन ही नहीं ले पाए यहाँ पर, कोई सोचा था कि बड़ा शॉट लग जाएगा और रन आउट होते हुए 4-1, जी हाँ 4 रनों पे 1 विकेट, तालियां मैं यहाँ पर, 4 रनों पे 1 विकेट, 4 गेंदों पे बाद 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे, तो धमाकेदार यहाँ पर स्टार्टिंग कर दिया है पांच सॉकर्स ने। लोरा उल्वॉल्ट है स्ट्राइक पे, इस बार रन आउट होते हुए लोरा उल्वॉल्ट और तालिया मैकग्रा। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 4 गेंदों पे 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे, अब देखना होगा कि यहाँ पर लोरा वॉल्ट है स्ट्राइक पे और सामना करेंगे मार्जिनी कैप की गेंदबाजी का। लोरा उल्वॉल्ट है स्ट्राइक पे, 4 रनों की स्कोर पे खेल रही है और सामना करेंगे इस बार मार्जिनी कैप की गेंदबाजी का। लोरा उल्वॉल्ट राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ, इस बार हल्का सा बॉल को खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर की रीजन में, यहाँ पर 2 रन तो आराम से मिल जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर फिर से एक रन आउट होते हुए, मुझे लगता यहाँ पर अंपायर ने देखा है कि यहाँ पर पहुंचा है कि नहीं। चलिए भाई बने रहिए, यहाँ पर देखना होगा कि रन आउट अगर होंगे तो 1 रन तो जरूर मिला होगा। अब यहाँ पर चेक किया जा रहा है कि रन आउट दिया है कि नहीं, अगर 2 रन मिल जाएंगे, 2 रन मिल गए हैं और इसी 2 रनों के साथ स्कोर जो है 6 रन बन चुका है, 6 रन बन चुका है भाई, 6 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पे 5 गेंदों के बाद। आखिरी गेंद मार्जिनी कैप का राइट आर्म ओवर द विकेट और इस बार थोड़ी सी बॉडी शॉट लगाने की कोशिश, मगर फिर से एक बार बॉल चला गया एक्स्ट्रा कवर की तरफ और यहाँ पर फिर से एक बार 2 रन लेन, इस बार आउट होते हुए और यहाँ पर मुझे लगता है कि 7 रन बने हैं, 7 रन बने हैं भाई, यहाँ पर 7 रन बनते हुए सुपर ओवर में 7 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पे, 1 नहीं 2 विकेट के नुकसान पे। अब देखना होगा कि यहाँ पर मार्जिनी कैप की अच्छी गेंदबाजी लगातार स्लोअर बॉल करती रही और सिर्फ 6-7 रन बने हैं यहाँ पर सुपर ओवर में, सुपर ओवर यहाँ पर 9 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पे, 1 विकेट के नुकसान पे 9 रन बने हैं और ये जो है यहाँ पर इस 9 रन को चेस करेंगे। नौ रन बने हैं तो भाई यहाँ पर पावर सुपर ओवर में आपको चेस करने हैं 9 रन, मतलब टोटल 10 रन बनाने होंगे ओवर में, सुपर ओवर में 10 रन बनाने होंगे तब जाके 5 सॉकर्स जो है यहाँ पर जीत हासिल कर पाएगा। क्या लगता है कि भाई यहाँ पर क्या 9 रन की जरूरत है भाई, सॉरी 9 रन की जरूरत है, 10 नहीं 9 रन की जरूरत है, 8 रन बने हैं यहाँ पर, 8 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पे, 1 नहीं 2 विकेट होगा भाई। अब देखना होगा कि यहाँ पर टारगेट जो है 9 रनों का टारगेट है, अब ये 9 रन कैसे बना पाते हैं 5 सॉकर्स, अगर यहाँ पर पहले ओवर में 9 रन बना लेंगे तो एक मैच जीत जाएगा 5 सॉकर्स और बहुत दोनों टीमों के लिए मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, 9 रनों की जरूरत है। काफी कमाल का मैच होता हुआ, मैच सुपर ओवर तक गया और सुपर ओवर में यहाँ पर अरे क्या बोलते हैं 7 रन बने हैं भाई यहाँ पर 2 विकेट के नुकसान पर, यहाँ पर स्कोर बोर्ड पे थोड़ा सा जो है यहाँ पर भाई 9 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए, 9 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। यहाँ 9 रनों की जरूरत है यहाँ पर मैच को जीतने के लिए, तो भाई और 5 लाइक दूर है यहाँ पर 50 लाइक तक पहुँचने के लिए, तो जल्दी से जल्दी भाई
10 रनों की जरूरत है, 10 रनों की जरूरत है यहाँ पर मैच को जीतने के लिए। यहाँ पर टारगेट सेट कर दिया गया है, 10 रनों की जरूरत है भाई, सुपर ओवर में 10 रनों की जरूरत है 500 रन को इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। भाई नांगटी बॉय जी, यहाँ पर इमरान खान जी, यहाँ पर आप सभी को बता दे कि स्कोर बोर्ड जैसे दिखाई दे रहा है आपको, मैं बता दूं 10 रनों की जरूरत है मैच में जीत हासिल करने के लिए 500 रन को। स्कोर बोर्ड कुछ भी बोले आपको बता दे कि 10 रनों की जरूरत है मैच में जीत हासिल करने के लिए 500 रन को। तो हमारे साथ बने रहिए भाई, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नंबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 500 रन की तरफ से मुझे लगता है सोफिया डिवाइन एंड बेतमुनी ये दोनों आएंगी। सलामी बल्लेबाज है और कमाल की बैटिंग करते हैं। तो भाई यहाँ पर बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नंबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर एक अच्छा मैच देखने के लिए मिलेगा। और 500 रन इस मैच में, मुझे लगता है कि पिछला मैच सुपर ओवर में जीता था तो इस मैच में भी जीत हासिल कर सकता है। इसको 9 रन 2 विकेट, जी हाँ यहाँ पर स्कोर जो है 9 रन 2 विकेट है। और यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जी हाँ करेक्ट स्कोर है और 10 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। जी हाँ मैच को जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है 500 रन को। और भाई अंकित नेगी जी, डरिए मत क्योंकि सोफिया डिवाइन और बेतमुनी शायद सुपर ओवर खेलेंगे और डरने का जरूरत नहीं है, डर के आगे जीत है। भाई अंकित नेगी जी, पार्थ हारी तो मैं भाई, यहाँ पर पार्थ के हारने का चांस बहुत ही कम है क्योंकि 10 रन जो सोफिया डिवाइन और बेतमुनी ये दोनों बना सकती है। तो चलिए देखते हैं भाई, बने रहिए। और यहाँ पर सिर्फ 5 लाइक का जरूरत है, यहाँ पर तो 10 रनों का जरूरत है मगर यहाँ पर सिर्फ 5 लाइक का जरूरत है 50 लाइक तक पहुँचने के लिए। तो भाई जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और 50 लाइक तक पहुँचा दो और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेहतरीन मैच होता हुआ और यहाँ पर अंपायर्स आ चुके हैं मैदान पे, मैच स्टार्ट होने वाला है, काफ़ी कमाल का मैच होने वाला है। ओमपाल सिंह जी कह रहे हैं पार्थ 100% विन। भाई पिछला वो जो सुपर ओवर था बेसबॉल हिट के खिलाफ, उस मैच में 500 रन ने जीत हासिल किया था, तो इस मैच में भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि 500 रन जीत जाएगा। थैंक यू सो मच भाई यहाँ पर 51 लाइक तक पहुँचाने के लिए। ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है अंकित नेगी जी। जी हाँ ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है मगर उम्मीद अगर देखा जाए तो उम्मीद जो है 500 रन के ऊपर बहुत सारे भाइयों का बना हुआ है और हमारा भी उम्मीद यहाँ पर 500 रन के लिए भी बना हुआ है। फैजल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दादा के जीत में। भाई मुझे लगता है कि पिछला बार जो है 500 रन ने जीता था, इस बार भी 10 रन चेज हो जाएंगे, 9 रन चेज हो जाएंगे भाई। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 500 रन की सोफिया डिवाइन एंड मुझे लगता है कि बेतमुनी ये दोनों आ चुके हैं मैदान पे। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही रोचक मैच हर रोज यहां पर आता है WBBL का। तो भाई यहां पर थैंक यू सो मच भाई लाइक करके यहाँ पर 54 लाइक तक पहुँचाने के लिए। और यहाँ पर मैच स्टार्ट होने जा रहा है, दोनों जो यहाँ पर 500 रन के दोनों ओपनिंग बल्लेबाज हैं यहाँ पर मैदान पे उतरते हुए। अब देखना होगा कि कौन कौन आए हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन कौन बैटिंग करने आते हैं। तो खास करके यहाँ पर सोफिया डिवाइन एंड बेतमुनी ये दोनों ही आ सकते हैं। फैजुल इस्लाम जी कह रहे हैं दादा PS के विन करेगा। जी हाँ भाई यहाँ पर विनिंग चांस तो बना हुआ है, 10 रन की जरूरत है 6 गेंदों पर। 500 रन को इस मैच में जीत हासिल करने के लिए 6 गेंदों पे 10 रनों की जरूरत है। ब्रिस्बेन जीतेगी शायद, भाई ब्रिस्बेन तो हार गया था यहाँ पर अंकित नेगी जी। और यहाँ पर आपको बता दें कि सोफिया डिवाइन एंड बेतमुनी ये दोनों आई हैं ओपन करने के लिए। जी हाँ सोफिया डिवाइन एंड बेतमुनी ये दोनों आई हैं ओपन करने के लिए। और सोफिया डिवाइन स्ट्राइक लेंगे, पैडी गेंद राइट ओवर द विकेट बॉल आता हुआ हाँ में खेल दिया है बॉल को, देखना होगा फील्डर नीचे है कि नहीं। और पहली गेंद 6 रनों के लिए, पहला गेंद और यहाँ पर 6 रनों के लिए पहली गेंद पे छक्का लगा दिया है सोफिया डिवाइन ने और मैच को हल्का कर दिया है। पहली गेंद पे छक्का लगा के यहाँ पर मैच को हल्का कर दिया है सोफिया डिवाइन ने। और इसी के साथ सिर्फ 5 गेंदों पे 4 रनों की जरूरत है भाई। तो भाई बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ गेमिंग खेल गेल जी यहाँ पर
काफी बेहतरीन मैच होता हुआ। फिर से एक बार सोफिया डिवाइन, दाहिने हाथ के खिलाड़ी है, सिर्फ 5 गेंदों पे 4 रनों की जरूरत है। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल आता हुआ, इस बार लेग स्टंप पे गया, फिर से एक बार दो दो गेंदों पे दो दो छक्के और मैच को जीत लिया है 500 ने भाई, दो दो गेंदों पे दो दो छक्के लगा के 500 ने इस मैच में भाई जीत हासिल कर लिया है। क्या कमाल की शुरुआत किया है। जी हाँ, यहाँ पर दो दो छक्के लगा के मैच को जीत लिया है 500 ने। कमाल का मैच यहाँ होता हुआ। डीजे फैजल जी, दादा मैंने कहा था कि यहाँ पर 500 मैच जीत सकता है, तो यहाँ पर ओमपाल सिंह जी ने भी कहा था कि 100% जो है 500 जीतेगा। तो भाई यहाँ पर 500 ने आज मैच जीत लिया है सुपर ओवर में। तो भाई कमाल का मैच रहा। तो हमारे साथ जितने भी भाई बने हैं लाइक जरूर कीजिए, और यहाँ पर जल्दी से जल्दी भाई लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रोचक मैच इस चैनल पे बहुत ही रोचक हो जाता है हमारी कमेंट्री में, तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले मैच में, तब तक के लिए भाई यहाँ पर से चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल का जो मैच है उसमें कल का मैच एडिलेड स्ट्राइकर और मेलबॉर्न रेनेगेट्स के बीच 7:55 पे जो मैच स्टार्ट होगा उस